अच्छा, गुड मॉर्निंग. यस सर, तो जितने बच्चे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैठे, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू. कैन आई हैव द हैंड्स ऑफ द पीपल जिनका पहला दिन है आज, जिनका पहला दिन है. ओके, सो देयर आर कपल ऑफ पीपल्स जिसका पहला दिन है, बहुत सारे लोग. सिर्फ आप लोग एक काम करिएगा, कल हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, आज हम उसका बेसिक रिवाइज करने वाले हैं. राइट, हम लोग एक बेसिक रिवीजन जरूर करने वाले हैं, बट स्टिल आप लोग कल का लेक्चर जरूर देखिएगा, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स विच आर इंटरलिंक्ड. यस, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कल का जो लेक्चर हुआ होगा वो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी रखा हुआ है, वो आप लोग जरूर देखिएगा. यस और नो? बाकी जितने बच्चे और आ गया स्वाद कल, समझ में आ गया पहले दिन सबने कर लिया? पहले दिन सभी ने क्या समझ में आया? पहले दिन पता है क्या हुआ होगा, सुबह सुबह जब तुम आए थे ना, बहुत एक्साइटमेंट थी. शाम में जाते वक्त ना, मैं ऐसे ही जा रहा था तो कुछ लोगों की शक्लें देख रहा था, लिटरली शक्लें ऐसी. अच्छा, कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा विचार है ना, बेड बुला रहा था, आ जाओ बेटा बहुत मेहनत कर लिया आज. कुछ लोग तो लिटरली जाके सोए है. हाँ या हाँ? ठीक है, कुछ लोगों को तो ऐसा भूख लगी थी. एंड इन ऑल द केसेस, एंड इन ऑल द केसेस तुमको एक चीज तो समझ में आ गई, दैट द जर्नी इज नॉट सो इजी एज इट लुक्स. यस और नो? यस. तो चलिए, हर बार की तरह हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिवीजन के साथ. आर यू रेडी? यस, आई एम श्योर आपको मैंने 400 पेज का रजिस्टर, मल्टी कलर पेन, ये वो सब लाने बोला था, आपने ये लाया होगा. यस और नो? तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा ये पेपर नंबर कितना है, कुछ याद नहीं आ रहा, प्लीज बताओ ना. ओके, दिस इज पेपर नंबर 3, डिवाइडेड इन वन पार्ट और टू पार्ट. ओके, फर्स्ट पार्ट इज डीटी, अनदर पार्ट इज आईडीटी. तो यू टेल मी कि ये दो पार्ट के अंदर में डिवाइडेड है, तो मार्क्स का डिवीजन किस तरीके से? 50-50 मार्क्स का डिवीजन है. इसमें से एमसीक्यू कितने परसेंट के लिए आ रहे हैं? 30% के एमसीक्यू आ रहे हैं. नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 17. Yes or no? Right? फिर हम लोगों ने नंबर्स लिखे थे. हमें चार वर्ड पढ़ने हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961. Yes or no? इसमें से पहला वर्ड हमने खुद खाद के बाहर कर दिया, पहले था एक्ट. यस, एक्ट की हिस्ट्री कहां से? फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक्ट बना था इन द ईयर 1922. Yes or no? Who is considered as the father of income tax in India? सर जेम्स विल्सन. 1922 के बाद इंडिपेंडेंस आया, और उसके बाद हमने अपना एक्ट बनाया इन द ईयर 1961, बट द रूल्स वेर देयर इन द ईयर 1962. एवरीबॉडी, कल का हमारा एक सवाल था कि भैया एक्ट 1961 में आया और रूल्स, सिंस दे आर इंटरप्रिटेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट एक्ट, तो वो आना कौन से ईयर में चाहिए था? 1961, बट आया इन द ईयर, ऐसा क्यों? ये सवाल आज भी हमारे पास है. ठीक है, तो आज हम देखेंगे. फिर हमने समझा भी ये क्या इनकम टैक्स के साथ सिर्फ हमें इनकम टैक्स पढ़ना है क्या? वी केम टू नो द आंसर इज नो. हमें इनकम टैक्स के साथ कई चीजें पढ़नी पड़ती है. व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स? फर्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट. सेकेंड, इनकम टैक्स रूल्स. देन नोटिफिकेशन. देन सर्क्यूलर. देन केस लॉ. अच्छा, टेल मी वन थिंग विच कम्युनिकेट्स द चेंज इन द एक्ट. One thing which clarifies the doubt of department. One thing which is important for department, not important for SSE. Circulars. Yes or no? All notification and circular dash months before exam are applicable. Circulars and notifications are issued by? CBDT full form is? Yes. Central Board of? Yes or no? अच्छा जी सर, इसके बाद हम लोग ने देखा कि भैया एक्ट के अंदर में क्या होता है. क्या एक्ट में सिर्फ प्रोविजंस ऑफ लॉ होते हैं? द आंसर इज नो. एक्ट कंटेन प्रोविजंस ऑफ लॉ. इन हर प्रोविजंस के नीचे क्या होता है? प्रोवाइजो. क्या प्रोवाइजो एंड प्रोविजन एक ही चीज है? अलग अलग चीज है. अलग अलग. प्रोविजन इज एक्चुअली द लॉ, वेयर एज प्रोवाइजो इज एक्सेप्शन टू लॉ. फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक्ट खत्म होते उसके पीछे क्या होता है? शेड्यूल्स एंड एनेक्सचर्स. यस और नो? फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े थे. हमने देखा था कि अगर इंडिया में कोई भी एक्ट बनता है, दैट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टू मेक दैट लॉ एज अ वैलिड लॉ. बराबर है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 265. आर्टिकल नंबर 265 हमसे कहता है, अरे कुछ याद नहीं आ रहा. हाँ, एक मिनट, आ रहा है मेरे को, आ रहा है. नो
taxes can be levied or collected except by authority of law. बराबर है. जिन जिन लोगों ने सुबह सुबह मुंह नहीं खोला उन्हें 5 अटेम्प्ट की कसम बोलो. नो टैक्स. तुमको अटेम्प्ट बोला तो ऐसा वापस आ जाता ना एकदम. चलो एक बार वापस है फिर से तुम्हारे एक्स के लिए. हाँ. नो टैक्सेस कैन बी, ठीक है, मतलब किसी भी टैक्स को लगाना है या कलेक्ट करना है हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई लॉ होना चाहिए और ये लॉ मस्ट बी पास्ड बाय अ अथॉरिटी. याद आ रहा है? सो क्या लॉ मतलब कोई एक्ट? यस. अथॉरिटी, हु पासेस द लॉ? पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट पासेस द लॉ. याद आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा जी, ओके. पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट. अच्छा, ये जो टैक्स है कलेक्ट कौन करता है? इसका पावर किसके पास दिया है? सेंटर या स्टेट? सेंटर. एंट्री नंबर 82 क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर. सो इनकम टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं या पे कर रहे हैं ये किसको जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. अच्छा, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. हाँ हाँ. स्टेट लगा सकती है. ये पावर किसके हाथ में दिया बेटा? स्टेट के हाथ में दिया. एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट. एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट. क्लियर है मालिक? हालांकि आज एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, ठीक है. हम यहां से आगे बढ़ गए. हम यहां से क्या बढ़ गए बेटा? आगे बढ़ गए. आपको नहीं लगता यहां तक कि हम लोगों ने कंप्लीट किया? यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े. थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया बेटा? क्या पढ़ना शुरू किया बोलो जल्दी से. टैक्स पढ़ना शुरू किया. से यस. बराबर. अच्छा जी, हम नेक्स्ट वर्ड पे चले गए. हाउ लॉ वर्क्स. लॉ मेकर क्या करता है बेटा? लॉ बनाता है. लॉ इंप्लीमेंटर क्या करता है बेटा? इसे इंप्लीमेंट करता है. और लॉ इंटरप्रेटर क्या करता है बेटा? इसे इंटरप्रेट करता है. हाउ लॉ इज मेड. सबसे पहले आई गेस आपको दर्शन सर ने कल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क समझाया होगा, राइट? तो लॉ बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. वो सबसे पहले क्या बनाती है? बिल. बिल कहां जाता है बेटा? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट. याद आ रहा है क्या? सीधा प्रेसिडेंट असेंड, पार्लियामेंट बाजू में. और वो क्या बन जाता है? एक्ट. एक्ट बनने के बाद इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसी बॉडी की होती है. एवरीबॉडी रिकॉल विथ मी. सबसे पहले गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर के दो बॉडी सीबीडीटी सीबीआईसी. सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. याद आ रहा है क्या? राइट. इनका काम है रूल्स बनाना, नोटिफिकेशन लाना, सर्क्यूलर लाना और सजेस्ट करना कोई चेंजेस. क्योंकि खाना बनाने वाले ने बनाया, खा के समझ में आता नमक है कि नहीं, तो ये अगली बार बताते सजेस्ट क्या करना है. कई बार इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आते हैं. क्या इश्यूज आते हैं बेटा? इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आते हैं. याद है क्या? अंडरटेकर आ गया था, राइट है. अब इंटरप्रिटेशनल इश्यूज को कौन सॉल्व करता है? हाँ, हम डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे, सूट फाइल करेंगे. डीटी में ऐसा नहीं होता, आईडीटी में ऐसा नहीं होता. सबसे पहले हमारे खुद के फ्रेमवर्क है. पहला अपील. अपील से ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट. हाई कोर्ट से मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? नहीं जा सकते. पहले कहां जाना पड़ेगा? अपील. याद आ रहेगा बेटा? चलो यहां से हम आगे बढ़े. हाँ, हमने दूसरा वर्ड पढ़ना शुरू किया. क्या तुम्हें याद है? हमने दूसरा वर्ड पढ़ना चालू किया. पहला वर्ड था बेटा टैक्सेस. टैक्सेस, हाँ, टैक्सेस और ड्यूटी तो सेम है. अरे सेम है. जहां सब्जेक्ट मैटर ओनली गुड्स है और जहां सब्जेक्ट मैटर सिर्फ गुड्स नहीं है टैक्सेस. सो विच इज अ मोर वाइडर वर्ड? आर यू श्योर? यस. फिर हमने देखा था एक विज्जू सर एक वायम सर. तो पहला विज्जू सर कौन से थे? डायरेक्ट टैक्सेस, जो सब चीज ऐसे डायरेक्ट, राइट. और बचे हुए कौन है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस. वन टैक्स विच इज अ पर्सनल टैक्स, विच इज एन इम्पर्सनल टैक्स. A kind of tax which is collected from another person and paid to government. Yes. A kind of a tax which is paid by a person directly. Yes. A kind of tax which is based on progressive basis. Yes. What is progressive basis? Yes. So one who is earning more will pay the taxes more. Do you agree? Yes. Yes? Whereas impersonal, indirect tax is a kind of a regressive tax which will be common to
ऑल. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन बाइंग इट, इट विल बी पेड बाय द पर्सन इक्वली. एवरीबॉडी यस और नो? डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल एज ऑफ नाउ क्या है? डीटी, दैट इज इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल एज ऑफ नाउ क्या है बेटा? जीएसटी एंड कस्टम. कस्टम गाय के ऊपर लगता है डैश और डैश पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर क्या लगता है? कस्टम. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. यहां तक के कल हम लोगों ने पढ़ा था. से यश. चलो बढ़ेंगे आगे बेटा. कहां हूं मैं आपके हिसाब से? कहां हूं मैं? कितने वर्ड पढ़ने थे? चार. इनकम टैक्स एक्ट 1961 बराबर है कि नहीं है? राइट. अब इसमें से मैं टैक्सेस वर्ड के ऊपर हूं. हमने टैक्स में टैक्स और ड्यूटी का फर्क समझ लिया, हमने टाइप ऑफ टैक्स समझ लिया. अब हम समझने जाते हैं कि भैया क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता है? आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेस समझने के लिए. ठीक है, आपका बेस समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग द टैक्स कैलकुलेशन, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड विच इज यूज वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स. तो आज का जो लेक्चर है ये आपका बहुत बड़ा बेस क्रिएट करेगा, नॉट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकलशिप बट ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ सीए फाइनल एंड हियर इन आफ्टर होल ऑफ योर लाइफ. यस और नो? तो आज हम वो सारे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो टैक्स के साथ साथ यूज होते हैं. सो अंडरस्टैंड, व्हेन आई से टैक्स, डू आई ओनली पे द टैक्स और देर आर अदर थिंग्स विच आर देयर? अदर थिंग्स वुड बी देयर. क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स पे होता होगा? द आंसर इज नो. टैक्स में तीन चीजों का कंपोनेंट होता है. सो अंडरस्टैंड, टैक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग. पहला है टैक्स, दूसरा है सरचार्ज. हैव यू एवर हर्ड सरचार्ज समथिंग? यस. जिसने नहीं सुना डोंट वरी, आज हम डिस्कस करेंगे. बट अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सरचार्ज, राइट? फिर इसके साथ साथ यही नहीं होता, इसके साथ साथ सेस भी होता है. क्या? आई सेड सेस. इसके साथ साथ क्या होता है? सेस भी होता है. बराबर? सी ई एस एस. बराबर है? सो टैक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ थ्री थिंग. पहला टैक्स, दूसरा सरचार्ज, तीसरा सेस. और ये तीनों को मिला के हम वर्ड यूज करते हैं टैक्स. तीनों को मिला के हम वर्ड क्या यूज करते हैं? टैक्स. सो कम ऑन, टैक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग, टैक्स सरचार्ज सेस. अब हमें, आपको तो पता है हम तो पहली बार डीटी पढ़ रहे हैं, हमारे को अजम्पशन पे चलना है क्या? हम कैसे बच्चे? एवरेज. हमको तो जीरो से पढ़ना है. क्या आपको टैक्स वर्ड समझता है? नहीं. क्या आपको सरचार्ज समझता है? नहीं. क्या आपको सेस समझता है? नहीं. पर समझना है. हाँ चलो लिखो. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स? कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स. लिपस्टिक लगा लेना इसको. पहला वर्ड है टैक्स, दूसरा वर्ड है सरचार्ज और तीसरा वर्ड है सीईएसएस, सेस. बराबर है? हमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत डिटेल में और डीप में एक एक वर्ड को समझना है, हमको बहुत कुछ सीखना है, सब्जेक्ट नया है. पहला है टैक्स. अंडरस्टैंड माय फ्रेंड, व्हाट इज अ टैक्स? टैक्स इज अ ऑब्लिगेशन व्हिच इज टू बी पेड टू गवर्नमेंट. नाउ व्हेन आई से इट इज एन ऑब्लिगेशन, हु ऑब्लाइज मी? मतलब मैं किसके लिए ऑब्लिगेशन हूं भैया? गवर्नमेंट. क्यों? फैसिलिटीज व्हिच वी यूज, फैसिलिटीज व्हिच वी यूज. अभी किसी नालायक के मन में ये जरूर आ सकता है, अंडरस्टैंड, कि सर अगर टैक्स मैं पे कर रहा हूं और मेरे टैक्स से सड़क बन रही है तो इट शुड बी यूज्ड बाय मी ओनली. इमेजिन, हो सकता है कोई लड़की ऐसा कहे कि सर इफ आई एम पेइंग द टैक्स दैट बिलोंग्स टू मी, आई कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद एवरीवन, आई डोंट लाइक शेयरिंग. अंडरस्टैंड, जो भी चीज गवर्नमेंट बना रही है दैट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी. डू यू अग्री? दैट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी. इट इज मेड आउट ऑफ पब्लिक मनी. क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल होगा कि लेट्स से पुरवा ने टैक्स भरा तो सिर्फ यही यूज कर पाई आइडेंटिफाई करना? आंसर इज नो. ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा आइडेंटिफाई करना. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और जो भी चीज गवर्नमेंट बनाती है दैट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी. समझ में आ रही बात? बिकॉज गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिविजुअल को नहीं. इसीलिए कोई ऐसा इंडिविजुअल ही नहीं कह सकता कि मैंने टैक्स भरा तो आई कैन यूज इट एक्सक्लूसिवली. यू आर नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ प्रोडक्ट. क्या बोला मैंने? यू आर नॉट
बाइंग अ प्रोडक्ट, तो पूरा ऐसा नहीं बोल सकती, इट शुड, इट इज माय रोड, मैं ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, ये सिर्फ मेरा है. यू आर नॉट बाइंग इट, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट. इसीलिए ये क्या है बेटा, ऑब्लिगेशन. यस ऑर नो? अभी अपने सोसाइटी के अंदर में गणपति बैठाया जाता है, अब तुम वहां पे शाम में आरती के लिए जाओ नहीं जाओ, कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन तो देना ही है कि नहीं, बराबर है? और तुमने गणपति के लिए 500 रुपए दिए, तो तुम ये बोल सकते क्या कि गणपति सिर्फ मेरा है? बोल सकते क्या ऐसा? नहीं. तो यू आर नॉट बाइंग इट, यू आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट. सो इट इज एन ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन कि अगर आपका एक इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जा रहा है तो यू हैव टू पे द टैक्स. अब जो मैं टैक्स पे करता हूं वो किस बेस पे होता है? अंडरस्टैंड, वर्ड क्या है? इनकम टैक्स. सो टैक्स इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम, इट इज नॉट द होल ऑफ योर इनकम, इट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम. तो आपकी इनकम का एक सर्टन परसेंटेज आपसे टैक्स के मामले में लिया जाएगा, आपकी इनकम का एक सर्टन परसेंटेज आपसे टैक्स के मामले में लिया जाएगा, राइट? सो इनकम टैक्स इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ इनकम. वी आर येट टू डिस्कस द वर्ड इनकम. अभी एक नया वर्ड आया, ये इनकम वर्ड को लेके मैंने यहां रख दिया, दिख रहा है आपको ये? ठीक है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसको, इसको यहां मैंने सेफ रखा है. ठीक है, लेट अस फर्स्ट अगेन कम टू टैक्स. सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज एन, टैक्स इज अ ऑब्लिगेशन पेएबल टू गवर्नमेंट. चलो इंटरलिंकिंग कर मेरे बच्चे, इंटरलिंकिंग कर. विच गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट? बिकॉज डीटी इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर टू द यूनियन लिस्ट, टू द एज पर आर्टिकल नंबर 246 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. याद आ रहा है क्या? दैट्स इंटरलिंकिंग. सो इट इज कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, इट इज कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम. सो इनकम का एक परसेंटेज आपका टैक्स होता है. अच्छा सर, सर कल ही आपने सिखाया था कि मैं इनकम टैक्स जो है ये कहां जाके पे करता हूं? हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बराबर? नहीं नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चलन भरना है. बैंक, यस और नो? बैंक करता क्या है इसका? ये जो टैक्सेस मैं पे कर रहा हूं ये एग्जैक्टली जा कहां रहा है? मन में सवाल उठना चाहिए कि ये जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं ये जा कहां रहा है? दिस गोज इनटू सीएफआई, दिस गोज इनटू सीएफआई. अब आप ये पूछेंगे सर सीएफआई क्या है? पूछो ना. सीएफआई का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू होता है डीटी से और आईडीटी से, ये दोनों सीएफआई में रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो इंडिया का जितना भी रेवेन्यू है इसे एक अकाउंट में रखा जाता है जिसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड, मिलाया गया डीटी प्लस आईडीटी का कंसोलिडेटेड फंड. किसका? इंडिया का. समझ में आई बात? सो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फंड, यू आर नॉट ओनिंग द फंड. समझ में आया? इसलिए आप ये नहीं बोल सकते मैं पैसा दे रहा तो मैं यूज करेगा, है ना? सो इट इज केप्ट इन सीएफआई. सर सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सुनो ना, थोड़ा सा और बताओ क्या मजा आएगा. ये सीएफआई सर रखते कहां होंगे? सोचो भारत का 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स आता है, मतलब 1,00,000 के आगे 7 जीरो. नया 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स आ रहा, मन में सवाल तो आना चाहिए पैसा कहां रखा जाता होगा. चलिए चार ऑप्शन देता हूं, आरबीआई, पेटीएम, आरबीआई, पेटीएम, एसबीआई, मोदी जी के घर पे आरबीआई में रखा जाता होगा, करेक्ट है कि नहीं है? एसबीआई, आरबीआई मैनेज दैट फंड. समझ में आया? आरबीआई इज नॉट अ बैंक, RBI is not a bank. It is a banker to bank. Foundation याद आया क्या? So RBI उसकी policy decision making में involved होता है, पर उसका funds जो रखा जाता है ये mainly SBI में रखा जाता है. इसीलिए SBI को government's bank भी कहा जाता है, इसीलिए SBI को government's bank भी कहा जाता है. तो उसके
सेफ कीपर एंड एक्सचेकर्स जो होते हैं आरबीआई इसका डिसीजन मेकिंग रखता है एंड इट इज द डिसीजन ऑफ आरबीआई कि उसको कहां रखा जाए एसबीआई में, क्योंकि उसका स्टेक भी वही है। समझ में आई बात? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपकी किताब में नहीं है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। यस अच्छा हाँ सर, तो टैक्स क्या है? टैक्स एक ऑब्लिगेशन है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, कहां रखा जाता है? इट इज केप्ट इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अब देखिए क्या होता होगा, ठीक है, पुरवाई इनकम कमाई, बराबर है, इनकम कमाने के बाद इसने क्या पे किया? टैक्स। कहां जाके पे किया होगा इसने? बैंक में। बैंक में गई, बैंक में टैक्स पे कर दिया। ये टैक्स कहां पहुंच गया होगा? गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। रखा कहां? अब वो इररिलेवेंट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला गया। अब सोचना ये है, क्या इसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती होगी? मतलब हमने कल ये बात सीखी थी, आज हम इंटरलिंक कर रहे हैं, दैट व्हाटएवर इज द टैक्स कलेक्टेड विल बी कलेक्टेड एज मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ एंड गिव इट बैक एज रेन। पर क्या हमें सारी सुख सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है? कौन देता है? कुछ सेंटर, कुछ स्टेट। तो विल द टैक्स कलेक्टेड बी ओनली केप्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इट शुड हैव बीन डिवाइडेड? पक्की बात है कि नहीं है? क्योंकि हमको जो सारी सुविधाएं मिलती है वो सिर्फ सेंटर से तो नहीं मिलती ना ब्रो। जैसे पानी पहुंचाना है या हमारे घर से कचरा उठाना है, ये सेंटर आके थोड़ी ना करता है, ये तो स्टेट करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू। हेलो, बराबर है? तो ये सुविधा ये दे रही, जबकि पुलिस प्रोटेक्शन सेंटर दे रही है, आर्मी प्रोटेक्शन सेंटर दे रही है, राइट? अगर कोई रायट्स हो जाते हैं तो उसका हैंडल सेंटर कर रही है। तो अब मैं जो टैक्स भर रहा हूं, कलेक्शन का पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन मेरा जो टैक्स है ये सिर्फ सेंटर तो नहीं रख सकता ना। दैट हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हां या हां? प्रैक्टिकली सही लग रहा है? यही बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा इट इज नॉट ओनली केप्ट बाय सेंटर, इट हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बेस समझ में आया? लेकिन अगर ये डिवीजन होना है तो कहीं तो लिखा होना चाहिए। अगर ये डिवीजन होना है तो कहीं तो लिखा होना चाहिए। हमारे बाबा साहब ने पहले ही लिख दिया, कहां? कॉन्स्टिट्यूशन में, वट एवर इज द टैक्स कलेक्टेड विल बी डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट, ताकि पूरा कंट्रोल कभी भी सेंटर के हाथ में ना आए, पूरा कंट्रोल कभी भी स्टेट के। ये कॉन्करेंट लिस्ट में लिखने लायक आइटम नहीं है, अंडरस्टैंड? जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है ये किसके बीच में डिवाइड होगा? सेंटर एंड स्टेट। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब आपसे ही आएगा, देखना। आपने वो बात अभी तुरंत निकाल दी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, अब अगला जवाब भी आप ही से आएगा। बीजेपी गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ डाउन साउथ इंडिया में नहीं है, अगर मैं केरला की बात करूं तो बीजेपी तो हमेशा क्या करना चाहेगी, सोच के रखिए, बीजेपी हमेशा ऐसा नहीं करना चाहेगी कि केरला को पैसा कम दो, हमको वोट नहीं दिया ना, बराबर है ना? बींग इन टू सेंटर, जिस स्टेट ने मेरे को वोट नहीं दिया, आता तुला दाखो तो मुझे सटक लिया, वो तो ये कर सकते हैं ना, ये पावर है उनके पास, पैसा तो उनके पास में आ रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। व्हाट इज योर ओपिनियन, ये डिसीजन किस स्टेट को कितना मिलेगा, ये सेंटर के हाथ में होना चाहिए या एक अनबायस्ड पर्सन के हाथ में होना चाहिए? क्योंकि अगर ये डिसीजन सेंटर के हाथ में होता तो सेंटर हमेशा यह मनमानी करता कि जिसने मेरे को वोट नहीं दिया मैं उसको पैसा नहीं देगा, बराबर है कि नहीं? तो यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो पैसा है यह कैसे डिवाइड होना चाहिए? यह एक बायस्ड पर्सन के हाथ में होना चाहिए, अनबायस्ड पर्सन के हाथ में होना चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति बताइए पूरे पॉलिटिक्स में जिसका रूलिंग पार्टी और नॉन रूलिंग पार्टी दोनों से लेन देन नहीं है, इट इज ओनली द। तो कितना पैसा किसको जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। और यही चीज लिखी है आर्टिकल नंबर 270 के अंदर कि भैया जितना पैसा आएगा ये कहां जाएगा? सेंटर जाए। कलेक्शन का राइट किसके पास है? सेंटर। एक बार सीएफआई में आ गया उसके बाद प्रेसिडेंट एंड फाइनेंस कमीशन नाम की कभी कोई चीज सुनी है? राइट, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हर स्टेट को बांटता है, क्योंकि अगर ये बांटने का डिसीजन सेंटर के हाथ में होता तो सेंटर हमेशा क्या करता? बाइसनेस। और पूरे पॉलिटिक्स में अकेला प्रेसिडेंट ही ऐसा व्यक्ति है जिसका ना इस पार्टी से लेन देन है, इस पार्टी से लेन देन है, दैट्स वाई उनका पोजिशन इस तरीके से रखा गया है कि वो प्रेसिडेंट है। समझ में आ रही बात? सो मजा आया क्या, आंखें खुली क्या कुछ?
तुमको अब ऐसा लग रहा होगा माँ कसम जीवन में इतना सब कुछ भी है, है। इसीलिए तो मजा आता है बेटा पढ़ के। चलो आर्टिकल नंबर 270 मेरे साथ पढ़िए एक बार, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, जरा जोर से पढ़िए, एक एक वर्ड समझ में आए तो भाई साहब फुल रिस्पेक्ट। ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सिर्फ टैक्सेस और ड्यूटीज नहीं, एंड लिखा है ब्रो, ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड शैल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन अ मैनर स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट और थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। इंग्लिश में लिखा, हर एक शब्द समझ में आया, पर ऐसा क्यों है ये ज्यादा बेटर समझ में आया? क्या सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ना है? ऐसा क्यों हुआ उसका लॉजिक समझ में आया? नहीं तो अगर सिर्फ सेंटर के हाथ में होता, मोदी जी बोलते मैं केरला को पैसा ही नहीं देगा, मेरे को वोट नहीं दिया, मैं गाय को, अरे वो तो ऐसा हो जाएगा ना, मेरे पास क्लास नहीं लगाई, मैं उस बच्चे की हेल्प क्यों करूं? सीधी बात है ना भाई। अब उसने अगर कुछ स्मार्ट डिसीजन नहीं लिया तो इसमें मेरी क्या गलती? बराबर है कि नहीं है? अब ये उसकी गलती, इसमें उसका घाटा, फास्ट ट्रैक में वो आएगा। पिछले बार जिसने किया था वो अभी फास्ट ट्रैक में है ही ना। तो अंडरस्टैंड करना, ये तो वैसे बात हो गई, पर इसका डिसीजन अगर एक अनबायस्ड पर्सन लेता तो ये ज्यादा सेंसिबल होता। सो व्हाटएवर इज द टैक्स कलेक्टेड, चलो, सो इस बच्ची ने क्या किया, टैक्स भरा। टैक्स भरने के बाद कहां गया होगा? सीएफआई। अब सीएफआई में जितना पैसा आया ये क्या करेंगे, सेंटर अपने पास रख देगी? ना मुन्ना ना, इसे क्या करना पड़ेगा, सेंटर और स्टेट। एक मिनट, डिविजन हम क्यों कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो, हमें सुख सुविधा सिर्फ सेंटर ही थोड़ी दे रहा है, स्टेट भी दे रहा है, यस और नो? तो इसलिए ये पैसे को क्या करना है, डिवाइड। चलो लिखो, टैक्स कलेक्टेड शैल बी डिवाइडेड, टैक्स कलेक्टेड शैल बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। आज जाना अपने दोस्तों को ये बातें पूछना कि भाई तेरे को ये पता है क्या, उसके आंख में आंसू आ जाएंगे, बोले भाई फुल रिस्पेक्ट, उसने डिस्कस ही नहीं किया होगा, मैं लिख के देने को तैयार हूं। आर्टिकल नंबर कौन सी बात चल रही है बेटा, है ना? बेस्ट पार्ट बताओ आपको, तुम्हारा बुक और उसका बुक भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ये सब तो डिस्कशन में ही नहीं है। पर मैंने आपको कल भी मॉड्यूल खोल के दिखा दिया कि ये सब आपके मॉड्यूल का पार्ट है। ओ या, से यस। तो ये हुआ आपका टैक्स, अंडरस्टैंड। मैंने अभी आपको टैक्स कैलकुलेशन नहीं सिखाया, टैक्स क्या होता है सिर्फ ये सिखाया, बराबर है? टैक्स के बाद आता है सरचार्ज। टैक्स के बाद क्या आता है बेटा? सरचार्ज। अच्छा, टैक्स के बाद क्या आता है? सरचार्ज। अब आप ये पूछेंगे, ये सरचार्ज मतलब क्या होता है, ये सरचार्ज मतलब क्या होता है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? जरा ध्यान से सुनना, कोई एक बच्ची हाथ उठाए, कोई भी एक बच्ची हाथ उठाए जल्दी से। हाँ बेटा, नाम क्या है तेरा? खुशी। हाँ, तो खुशी अपनी जो है ये CA CS CMA तीनों बन गई, इसको 20 लाख रुपए का पैकेज लग गया, ठीक है, 20 लाख रुपीज का पैकेज लग गया। खुशी बहुत खुश थी, खुशी क्या थी, बहुत खुश थी, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। इतने में वो आया, ए आया, ए आया, ए आके बोलता है लाओ खुशी, लाओ लाओ, अरे लाओ जल्दी टैक्स दो। खुशी बोलती है एक मिनट, 4 साल की गरीबी देखी है मैंने, फाउंडेशन में पैसा नहीं मिला, इंटर में पैसा नहीं मिला, आर्टिकलशिप में नहीं मिला, फाइनल में नहीं मिला, 4 साल की गरीबी देखी है, पैसा आया नहीं, मांगने आ गए, अरे जाओ ना जाके ADZ से लो, बहुत कमा रहा है, जाओ जाकर के DK से लो, जाओ जाके विजय सर से लो, जो ज्यादा कमा रहे आपने उनसे लेना चाहिए, मैं तो नई नई बनी हूं। देखिए, आप नई हो या पुरानी, देना तो आपको पड़ेगा।
सर नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले कमाने तो दो थोड़ा सा, मेरे मेरी पहले इच्छा तो पूरी हो जाए, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू परचेस। मैडम देखिए आपकी इच्छा बाजू रखिए, पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा। अरे अमीरों से लो, मोदी जी तो बड़ा कह रहे थे मैं अमीरों से लूंगा, फिर मेरे से क्यों ले रहे। डोंट यू थिंक व्हेन वी डिस्कस टैक्स एज अ प्रोग्रेसिव बेसिस, मतलब हायर द इनकम जो ज्यादा कमा रहे हैं, एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, अगर वो मेरे से भी आके टैक्स मांगते, नॉट जस्ट खुशी या हम में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमसे भी टैक्स मांगे तो हमारे मन में एक तो पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, यार अंबानी अडानी इतना कमा रहे हैं उनसे टैक्स लो ना यार, हमारे से काय को ले रहे हो। आएगा या नहीं आएगा एज अ रैशनल ह्यूमन, समझाना मैंने आपसे क्या कहा। जीएसटी में हम ये बात नहीं करते क्योंकि हमारे को पता है पार्ले जी पे वो टैक्स भी उतना ही देगा, मैं भी उतना ही देगा, पर व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स ये चुभने वाली चीज है क्योंकि ये मेरे पॉकेट से जा रहा है। अब मैं क्या बोलेगा, भाई अमीरों से लो ना वो इतना कमा रहे हैं, मेरे से काय को ले रहे हो तुम, या चलो हम दोनों से ले रहे हो, हम दोनों कमा रहे इसलिए, पर वो ज्यादा कमा रहा तो उससे ज्यादा आना चाहिए, हाँ या ना। इसीलिए एक कंसेप्ट लेके आए सरचार्ज, अ पर्सन हु इज अर्निंग मोर देन अ पर्टिकुलर लिमिट विल पे एडिशनल टैक्स। So what is surcharge? Surcharge is a additional tax, or you may call it as a tax on tax. ये tax का ही एक additional percentage होता है जो अमीर लोग ज्यादा देते हैं। Yes or no? When I say अमीर लोग, कितने अमीर लोग, आपके मन में सवाल उठना चाहिए। अमीर मतलब कितने? कई तो दिल से अमीर होते हैं सर, पैसों से क्या होता है। तो अमीर मतलब क्या? ये मन में आना चाहिए आपके। अरे पूछो ना क्या? अमीर का मतलब होता है पर्सन हु इज अर्निंग मोर देन 50 लाख इन इंडिया। तो इंडिया में अमीर का मतलब है अ पर्सन हु इज अर्निंग मोर देन 50 लाख। तो 50 लाख के ऊपर सरचार्ज चालू होता है। तो मुझे बताइए विल एडीजेड बी कम इनटू दिस लिमिट? यस। समझ में आई बात? तो जो आदमी साल भर के 50 लाख से ऊपर कमा रहा है वो आदमी क्या पे करता है? सरचार्ज। वो आदमी क्या पे करता है बेटा? सरचार्ज पे करता है। बताइए सलमान भाई इसमें आ रहे होंगे क्या? आ रहे होंगे। समझ में आई बात? Yes, तो जो व्यक्ति 50 लाख से ऊपर कमा रहा है वो व्यक्ति सरचार्ज में आता है। सो बताइए विजय की इनकम अगर 5 लाख रुपए है पर डे, तुमको सच में लगता है कि 5 लाख रुपए पर डे हो सकता है मेरा? कुछ भी नहीं। नहीं अच्छा समझिए, सपोज विजय की इनकम 5 लाख रुपए ही है इन टोटल साल भर की। एक मिनट, हम इनकम की बात कर रहे हैं, ग्रॉस रिसीट माइनस एक्सपेंसेस इनकम। समझ में है ना? एक्सपेंसेस में कुछ भी क्लेम करूं ये मेरा हुनर है। ये तो मेरा हुनर हुआ ना ब्रो, एक्सपेंसेस में कुछ भी क्लेम करूं ये तो मेरा हुनर हुआ। ठीक है इसको बाजू करो। अब सुनो, अगर विजय 5 लाख रुपए कमा रहा है, विजय पे टैक्स लग सकता है? हाँ। विजय पे सरचार्ज लगेगा? ना। यही सलमान भाई 5 करोड़ कमा रहे, टैक्स लगेगा? हाँ। सरचार्ज भी लगेगा? हाँ। अब इस स्टेटमेंट को फिर से सुनिए, आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। मैं अमीरों से लूंगा और गरीबों को दूंगा। जब यह स्टेटमेंट बोला गया कई अमीरों को समझ ही नहीं आया क्या लेगा। और बाद में समझ में आया लेगा का मतलब क्या लेगा? सरचार्ज। पर सर ये तो फिर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई। टैक्स इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट एक्विजिशन। तो अमीरों से लिया पर जो टैक्स नहीं भी भर पाते गरीब आदमी भी सड़क यूज कर पाएगा। लॉजिक समझ में आया? समझ में आई बात? तो लिखो ना व्हाट इज सरचार्ज। सरचार्ज इज अ एडिशनल टैक्स, इट इज एन एडिशनल टैक्स इफ इनकम एक्सीड अ लिमिट। ये लिमिट कितनी है हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझना, आज का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि सरचार्ज कैसे निकालना। इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स और परसेंटेज ऑफ टैक्स। जैसे कि मैंने कहा टैक्स होता है तो टैक्स प्लस सरचार्ज एक साथ ही आता होगा, बिकॉज टैक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग, टैक्स सरचार्ज सेस, बराबर है ना? टैक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग। तो यू टेल मी माई ब्रदर, ये भी सी एफ आई में ही जाता होगा,
कलेक्ट तो एक साथ ही होता होगा. सो इट इज अ पार्ट ऑफ सी एफ आई, इट इज अ पार्ट ऑफ सी एफ आई. सर जैसे टैक्स लगाने का पावर आपके कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल भी तो लगाने का, इसके लिए भी कोई आर्टिकल होगा एडिशनल टैक्स लगाने का, है ना? आर्टिकल नंबर 271, इट इज लेविड एज पर आर्टिकल नंबर 271. सर एक सवाल पूछूं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, साले कल से कॉन्स्टिट्यूशन ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए जा रहे हो. आर्टिकल 265, आर्टिकल 245, आर्टिकल 123, आर्टिकल 270, आर्टिकल 271, पर ये सब जो वर्ड है ये वहां से आ रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना भाई मदर कॉन्स्टिट्यूशन से. सो आर्टिकल नंबर 271, अब जरा ध्यान से सुनिए, व्हाट अ फैंटास्टिक ब्रेन दिस करंट एनडीए गवर्नमेंट हैज. पूछो कैसे. तो मोदी गवर्नमेंट पावर में आया इन 2014. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, टैक्सेस हैज अ लॉट टू डू विद पॉलिटिक्स, तो तुमको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा ये आया क्यों. जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आया, मोदी गवर्नमेंट को अपनी कुछ स्कीम्स चलानी थी. मोदी गवर्नमेंट को क्या करना था, अपनी कुछ स्कीम्स चलानी थी जो उनके थॉट में थी. अब इसके लिए पूरा पैसे पे कंट्रोल उनका चाहिए था. अब जितना टैक्सेस कलेक्ट होता था वो तो डिवाइड हो जाता था बिटवीन, बराबर है, पर कुछ पैसा ऐसा चाहिए था जो उनको खुद के कंट्रोल में चाहिए था, ताकि हम बता सके कि ये हमारी गवर्नमेंट का ही लाया हुआ पैसा है या हमारा ही इंप्लीमेंट किया गया प्लान है. डू यू अग्री, बराबर है. मोदी गवर्नमेंट ने ना टैक्सेस के साथ नहीं खेला, सरचार्ज के साथ खेला, बिकॉज सरचार्ज इज ओनली केप्ट बाय यूनियन. तो मोदी गवर्नमेंट ने, आप देखिए मोदी गवर्नमेंट जब से आया ना तब से उन्होंने बेसिक स्लैब लैट्स के साथ खेला ही नहीं. बेसिक स्लैब रेट्स इन्होंने 1.60 से 2 कर दिया, 2 से 2.5 कर दिया, और 2.5-4 साल से चलाए जा रहे, इसके साथ वो खेलते ही नहीं. उन्होंने हमेशा खेला किसके साथ, सरचार्ज, ताकि पूरा पैसा सेंटर के कंट्रोल में रहे, स्टेट के पास जाए ही नहीं. तो उन्होंने इतना स्मार्ट वर्क के साथ प्ले किया कि उन्होंने टैक्स को छोड़ दिया. उन्होंने बोला टैक्स जो है वो तो वैसे ही सेंटर और स्टेट में डिवाइड हो रहा, कुछ पैसा मेरे को मेरे कंट्रोल में चाहिए ताकि मैं कुछ स्कीम चला सकूं. सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत, महिलाओं से रिलेटेड कुछ स्कीम, समझ में आ रही बात, क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसको नाम ही सेंटर के द्वारा जाए और ये क्लियर कट जाए मार्केट में कि ये गया ही किसके द्वारा है, मोदी गवर्नमेंट, समझ में आई बात. सो व्हाट अ स्मार्ट प्ले विद द टैक्सेशन. उन्होंने कभी टैक्स के साथ खेला ही नहीं, उन्होंने जिसके साथ खेला वो कौन था, सरचार्ज, बिकॉज सरचार्ज इज ओनली केप्ट बाय यूनियन. आज जाना अपने दोस्त को पूछना सरचार्ज पता है, वो बोलेगा हाँ सरचार्ज पता है कि भैया एडिशनल. फिर उसको पूछना कौन रखता है, कौन क्या रखता है, गवर्नमेंट. रिस्पेक्ट, जा 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 तू जा, टेंशन मत ले, आगे बोलने का ही नहीं उसको. ये सुनो, पासिंग परसेंटेज कम रही है आपके हित में है. बी वेरी सेल्फिश भाई, रिजल्ट की बात है, बात समझना, राइट. आइए मैं आपको आर्टिकल नंबर 271 पढ़ाता हूँ, ठीक है. ये जो नोट्स है ये टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने कल ही डाल दिया था, आज आपको जरूरत नहीं क्योंकि मैं सब कुछ लिखा रहा हूं, अभी जरूरत नहीं आपको. आर्टिकल 271 पढ़िए मेरे साथ, पार्लियामेंट में पढ़ो बे, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिफर्ड इन दोज आर्टिकल बाय अ सरचार्ज. स्टॉप, यानी सरचार्ज लगाया जा सकता है किस पे भैया, किसी भी टैक्सेस या किसी भी ड्यूटीज पे. फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, वहां स्टेट नहीं लिखा, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, यानी जितना भी सरचार्ज कलेक्ट होगा ये सारा का सारा कौन रखेगा, यूनियन. तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्ट वर्क किया, उन्होंने कभी भी टैक्स को छेड़ा ही नहीं. जितना छेड़छाड़ करना है सब हर साल किसके साथ करते, सरचार्ज के साथ, समझ में आया बात. सो इट इज ओनली केप्ड बाय यूनियन एंड होल प्रोसीड्स ऑफ सच सरचार्ज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो कलेक्ट पूरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही होगा, बराबर है, लेकिन उसको प्रेसिडेंट सेग्रीगेट करके जितना सरचार्ज में आया होगा उसको सीधा सेंटर के पास पकड़ा देती, जितना टैक्स बचता उसको क्या करती, डिवाइड. आर यू गेटिंग द पॉइंट. वेट अ मोमेंट, आपके मन में एक सवाल अभी भी नहीं आया, आना चाहिए. प्रेसिडेंट कैसे सेग्रीगेट करेंगे टैक्स का कितना आया, सरचार्ज का कितना आया, सेस का कितना आया, मन में सवाल नहीं उठ रहा.
अरे भाई पूरे इंडिया से, कहाँ कहाँ से। अच्छा एक बार प्लीज इस क्लास में बैठे हुए बच्चे हाथ उठाए, कितने लोग महाराष्ट्र के बाहर से हैं? महाराष्ट्र के बाहर से हैं, बराबर। अब इतने लोग महाराष्ट्र के बाहर से हैं, टैक्सेस तो ये सब पे कर रहे हैं, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं किसने कितना टैक्स दिया, कितने कितना सरचार्ज दिया, कितने कितना सेस दिया, बराबर है कि नहीं है? तो मन में एक प्रैक्टिकल सवाल उठेगा ना, वो कैसे आइडेंटिफाई करते होंगे? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊं, जब आप टैक्स का फॉर्म भरते हो ना किसी भी क्लाइंट के लिए, उसमें टैक्स का कॉलम अलग लिखते हो, सरचार्ज का कॉलम अलग लिखते हो, सेस का कॉलम अलग लिखते हो, तो उनके पास भी जो जाता है वो सेग्रीगेट होकर जाता है और टोटल अलग जाता है। समझ में आई बात? तो अब ये क्लासिफाई करना बड़ा आसान हो गया कि भैया टैक्स कितना आया, सरचार्ज कितना आया, सेस कितना आया। तो अब जब आर्टिकल चिप में जाओगे आप देखोगे कि आप जो फॉर्म भरते हो ना टैक्स का, उसमें टैक्स अलग लिखना पड़ता है, सरचार्ज अलग लिखना पड़ता है और सेस अलग लिखना पड़ता है। एंड दैट इज वाई क्लास में भी जब हम कंप्यूटेशन करेंगे टैक्स अलग लिखेंगे, सरचार्ज अलग लिखेंगे, HEC अलग लिखेंगे। समझ में आया क्या? लिखते काहे नहीं, लिखिए। इट इज केप्ट ओनली बाय यूनियन। ये बड़ी ओके MCQ बन सकती है लाइन, ये लाइन बड़ी ओके MCQ बन सकती है, पर ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो क्या टैक्स में बच्चे सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता है? ना। सिर्फ सरचार्ज कलेक्ट होता है? ना। तीसरी चीज एक और आती है HEC, और इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? टैक्स। समझ में आई बात? तो जब हम इन तीनों को मिला देते हैं, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो हमको क्या मिलता है बेटा? टोटल टैक्स पेएबल। समझ में आई बात? पर क्या सरचार्ज हर केस में आएगा? नहीं, जैसा कि मैंने बता दिया 50 लाख के ऊपर जो है अमीर लोग उनके लिए ही आता है, अदरवाइज नहीं आता। सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करते, क्या कैलकुलेट करते? पहले मीनिंग समझो, हमें कहीं भागने की जल्दी नहीं है, ठीक है? पहली पहली बार आए हैं, नया नया सब्जेक्ट है, एक एक वर्ड के ऊपर भरपूर फोकस कर लो। एक बार तुमको ये सारी चीज समझ गए, मैं तुमको बोलता तुम खुद ही दनादन कैलकुलेट करना चालू कर दोगे, राइट? अब आते हैं सेस। इसको रीनेम किया गया है, रीनेम्ड इन DT एज HEC, दैट इज हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। देखिए सेस कई प्रकार के होते हैं, इनकम टैक्स में हम सेस को HEC कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म आप एग्जाम में यूज कर सकते हो HEC, बराबर है, जिसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा अब ये सेस क्यों कलेक्ट किया जाता है, मन में सवाल उठना चाहिए, ये सेस क्यों कलेक्ट किया जाता है? फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सेस कलेक्ट करने का बहुत स्पेसिफिक पर्पस होता है, सरकार कुछ पर्पसेस, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए एक सेपरेट फंड, एक सेपरेट अमाउंट कलेक्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेस। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेस। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेपरेट पर्पस, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर देखा जाए इंडिया इन दो सेक्टर्स में लैक कर रहा है एज ऑफ नाउ, गवर्नमेंट चाहती है इनके लिए एक सेपरेट पैसा है, मतलब बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस ये वो के लिए सेपरेट पैसा है, इनके लिए एडिशनली थोड़ा सा अलग पैसा है, और इसीलिए क्या किया जाता है? सेस कलेक्ट किया जाता है। दोनों में जगह होता है, DT में भी होता है, GST में भी होता है सेस, अलग अलग नाम से हो सकता है सेस। DT में दो पर्पज के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन। यस, आप एक बात समझिए और आपको बहुत क्लैरिटी से ये बात अग्री भी कर पाएंगे आप। कोविड आया, सरकार ने वैक्सीनेशन फ्री दिया, लगाने के लिए हमने जो ऊपर से दिया फॉर दैट मैटर प्लीज बाजू कीजिए, पर इंडिया में 140 करोड़ लोग को लगभग वैक्सीनेशन लगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी ने भी ये सोचा इसका पैसा कहां से बना? इसका पैसा पूरा का पूरा बना सेस से। इतने सालों से टैक्स के साथ साथ हेल्थ के लिए पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। आप देखिए एक सैनिटेशन ड्राइव होता है, फ्री सैनिटरी पैड्स बांटे जाते हैं सरकार की तरफ से, बराबर है कि नहीं है? पैसा कहां से आता? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आपने स्कूल्स के अंदर में मिड डे मील स्कीम सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान सुना होगा, जिसके तहत अनप्रिविलेज चाइल्ड्स को क्या किया जाता है? एजुकेशन दिया जाता है हायर स्कूल्स के अंदर में। पर स्कूल तो पैसा लेगी ना बॉस इस चीज के लिए,
तो ये पैसा कहां से कंट्रीब्यूट किया जाता है? हेल्थ एंड एजुकेशन से. तो आप देखेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा फंडिंग. अब देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलते हैं, बराबर है कि नहीं है? आपने कभी ये सोचा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लोगों को पैसा कैसे जा रहा होगा? क्योंकि वहां पे तो सुविधाएं फ्री है. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रन कैसे कर रहा है? हेल्थ एंड एजुकेशन से. समझ में आ रही बात? तो यहां से वो फंडिंग अराइज होती है. अच्छा सर, सर ये जो HEC है ये काय पे कलेक्ट किया जाता है? ये टैक्स का एक परसेंटेज है. ये किसका एक परसेंटेज है? टैक्स. इनकम का नहीं, टैक्स का एक परसेंटेज. और ये मैंडेटरी है, मतलब आप चाहे ना चाहे अगर टैक्स बोला तो आपको HEC रखना ही रखना है. यस, सो इट इज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स. इट इज मैंडेटरी. बोला हो नहीं बोला हो तुम्हें देना ही है. बोला हो नहीं बोला हो तुम्हें देना ही है. अच्छा जी सर, सर क्या ये भी CFI में रखा जाता है? ऑब्वियसली यस, ऑल्सो केप्ट इन CFI बट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली. बट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली. इज दैट डन? तो बताओ, जब आपसे कोई पूछेगा टैक्स पे करना है, आप क्या करोगे? टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस सेस. सेस को मैंने इफ एनी नहीं कहा, आपने देखा? मैंने सिर्फ सरचार्ज को इफ एनी कहा. बताओ क्यों? सिर्फ अमीर पे करेंगे, पर HEC तो सबको देना है, हाँ या ना? नाउ यू प्लीज टेल मी MCQ एज ट्रू और फॉल्स. If my tax is zero, my HEC would be zero. ये बच्ची कह रही है ये मैंडेटरी है. मेरे सवाल को फिर सुने. If tax is zero, HEC is zero. Obviously yes. Anything multiplied by zero will be zero. Anything multiplied by zero will be zero. So if there is no tax, there won't be any cess. But if there is 1 rupee as tax, there will be HEC. प्रॉब्लम में बोला हो या प्रॉब्लम में ना बोला हो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. चलो जी सर, हम कहां हैं? सर कहां हैं हम? टैक्स के अंदर में है सर हम. चलिए अब ध्यान से सुनिए, मैं तीसरी चीज पे आता हूं. हमने दूसरा वर्ड भी खत्म कर दिया, टैक्स. टैक्स में हमने देखा व्हाट इज टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. ये तीन चीजें हमने टैक्स में देखी. हमें चार वर्ड पढ़ने थे, इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब मैं तीसरे वर्ड पे जा रहा हूं. अब मैं तीसरा वर्ड चालू कर रहा हूं, 1961. सर देखो, 2 साल पुरानी मैं गाड़ी नहीं चलाता, 2 साल पुराना मैं शर्ट नहीं पहनता, 2 साल पुरानी. तो 1961 का लॉ हम 2024-25 में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? पर मन में सवाल नहीं उठना चाहिए क्या? 1961 का लॉ, खैर ये सवाल तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उठा लेना चाहिए था बचपन में, 1872 का लॉ. पर आपने तब नहीं उठाया, पर मैं तो आपसे पूछूंगा 1961 का लॉ 2024 में पढ़ रहे हैं, क्यों भाई? भाई 1961 से लेके आज तक के कई कंडीशन चेंज हुई होगी, हाँ या हाँ? तो मैं 1961 का लॉ आज पढ़े जा रहा, क्या सेंस है? लॉ तो वही है, लॉ में हर साल क्या आते हैं? अमेंडमेंट्स. लॉ में हर साल क्या आते हैं? अमेंडमेंट्स. ये सुनो, सो लेट अस डिस्कस अमेंडमेंट्स एंड लेट अस डिस्कस बजट. आज पूरा का पूरा डिस्कशन करते हैं किस चीज के ऊपर? बजट. निर्मला सीतारमण जी जो 1 फरवरी को लेके आती है उसका पूरा रेलेवेंस, और इस बजट में अमेंडमेंट कैसे आते हैं, ये अमेंडमेंट का आपके सब्जेक्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, लेट अस डिस्कस दैट. क्योंकि एक्ट तो 1961 में आ गया, लेकिन इसमें हर साल क्या हो रहा है? चेंजेस.
तो एक्ट पासिंग ईयर 1961 है, पर हर साल एक्ट पूरा का पूरा फ्रेश होता है। कैसे वो समझती हैं? सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं बजट से। कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बजट? जब मैं कहता हूं बजट, मतलब एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं? हाँ जी, प्रीटी मच करेक्ट, एस्टिमेशन ऑफ टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस। बट व्हाई शुड वी क्रिएट अ बजट? अच्छा, और डीप में जाते हैं। बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर विच एक्ट? एवरीबॉडी, बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर विच एक्ट? कभी आपने सुना होगा ना टीवी वी पे, अभी 1 फरवरी को आया था, फाइनेंस एक्ट। परफेक्टली रॉन्ग आंसर। बराबर है, एकदम करेक्ट जवाब। ये जो सवाल था ना, ये टेक महिंद्रा का इंटरव्यू क्वेश्चन था सीए वालों के लिए। बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर विच एक्ट, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो मेनी पीपल गेव इट रॉन्ग आंसर। वो लिख क्या है? फाइनेंस एक्ट। कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। ये टीसीएस का, बिग फोर का ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बजट कौन से एक्ट से प्रिपेयर्ड होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ, क्योंकि यही तुम्हारा बेसिक टेस्ट हो जाता, यही तुम्हारा बेसिक टेस्ट हो जाता। पढ़ो तो हद कर दो, वरना रद्द कर दो। बजट आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से प्रिपेयर होता है। सब लिखाएंगे, रुको, लिखो मत, मैं सब लिखाऊंगा, रुको। ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो तुम नहीं लिखोगे। रुक जाओ, पहले सीख लो, क्लरिकल वर्क बाद में करना, राइटिंग वर्क। बजट, बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कितने तारीख को पेश होता है? देखो, पहले ऐसा होता था कि बजट जो आता था वो मेरे बर्थडे के दिन 28 फरवरी को आता था। बराबर है, ये मेरे बर्थडे के दिन 28 फरवरी को आता था, बट दैट वाज अ ब्रिटिशर्स रूल कि वो 28 फरवरी को लाते थे। मोदी गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके 1 फरवरी को लेके आ गया। पहले ऐसा होता था, रेल बजट और फाइनेंस बजट अलग अलग दिन पेश होते थे। एक मिनट, आपके मन में पहला सवाल ये उठना चाहिए, रेल के बजट की जरूरत क्या है? हम किसी और सेगमेंट के लिए तो बजट नहीं बनाते, जैसे टेलीकॉम बजट, बैंकिंग बजट, रेलवे को बजट की क्या जरूरत है? पूछो ना, क्या जरूरत है? मोनोपोली सेगमेंट है, चार तरह के मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। मोनोपोली चला रहा है, दैट टू इंडियन गवर्नमेंट चला रहा है, बताना पड़ेगा, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं तुम रेलवे को ले जाके बेच दो, क्योंकि वहां पर लिखा था रेलवे मेरी संपत्ति है। इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है बात? तो आपको, क्योंकि आप मोनोपोली सेगमेंट में हैं और सिर्फ आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, इट्स अ पब्लिक मनी। इसलिए रेलवे का सेपरेट बजट बनाया जाता है। अब रेल बजट और फाइनेंस बजट दोनों एक साथ आता है 1 फरवरी को। पहले ये 28 तारीख को हुआ करता था, राइट? पहले 28 तारीख को हुआ करता था, अब ये कितने तारीख को होता है? 1 फरवरी को। ठीक है, ये नया गवर्नमेंट का रूल है। अच्छा, बजट जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है फाइनल बजट, दूसरा होता है इंटरिम बजट। बराबर है, वापस से सुनिए, वापस से सुनिए, ठीक है? भैया के ऊपर ध्यान दे दिया सबने, भैया जा रहे, बाय बोलो। अब फैट ऑब्जेक्ट पे फोकस करो। बजट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरिम बजट, एक होता है फाइनल बजट। ठीक है, फाइनल बजट हर साल आता है, एवरी ईयर। फाइनल बजट कितने साल आता है? हर साल, एवरी ईयर। लेकिन जिस साल इलेक्शन होने वाले होते हैं उस साल दो बजट निकलते हैं, जैसे 2024। इस साल आप देखेंगे निर्मला सीतारमण जी जब 1 तारीख को आई, वहां पे आपने न्यूज में पढ़ा इंटरिम बजट, ना कि फाइनल बजट। समझ में आई बात? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए, ये सरकार चले जाएगी, बराबर है, ये अलग बात है री इलेक्ट होके आ सकती है, पर हम तो यही माने कि एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता कि कौन सी गवर्नमेंट जीत रही है, ठीक है, इट मे बी एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग, इन कोलिशन, वॉट एवर, इनका टर्म खत्म हो जाएगा टेक्निकली इन अप्रैल। फिर इलेक्शन आएगा, राइट? इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, जब तक के क्या होगा, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वर्क करेगा, जुलाई में नया रिजल्ट आ जाएगा, नए प्रधानमंत्री एटसेट्रा बनेंगे, और फिर नई सरकार बनेगी। बराबर है कि नहीं? राइट, तो जिस साल इलेक्शन होता है उस साल दो बजट आता है, एक होता है इंटरिम बजट जो सिर्फ जुलाई तक के वर्क करता है, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। फिर नए सरकार आएगी, नए डिवीजन होंगे, हो सकता है नए फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएं,
ये नए फाइनेंस मिनिस्टर जुलाई से अगले मार्च तक का एक और बजट बनाते हैं जिसको बोलते हैं फाइनल बजट। फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में क्या होगा, एक ही बजट आएगा, फाइनल बजट। समझ में आई बात? तो हर साल कौन सा बजट आता है, फाइनल, लेकिन इलेक्शन ईयर में कितने आते हैं, दो। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर मैं तो सीए स्टूडेंट हूं, ये बजट जब पुराना वाला होगा मेरे को वो भी पढ़ना पड़ेगा, जो नया वाला है मेरे को वो भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ पर सर इसमें मेरी, हाँ सर लेकिन, हाँ क्योंकि तुम्हें पुराना बजट भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो फरवरी से लागू हो चुका होगा अप्रैल के बाद, और तुम्हें नया भी पढ़ना पड़ेगा। बट डोंट वरी, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। पूछिए कैसे, अभी निर्मला सीतारमन जी जो बजट लेके आई, पूरे डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ दो अमेंडमेंट। नई सरकार बनेगी वो अपने हिसाब से बजट लेके आएगी, बराबर है? तो सब लोग वेट कर रहे हैं किसका, जुलाई अगस्त का, जब नया बजट आएगा। समझ में आई बात? पर ये बजट तुमको एप्लीकेबल है क्या, ये सोचने वाली बात है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर वन, बजट में दो तरह के अमेंडमेंट आते हैं, डीटी के भी और आईडीटी के भी, बराबर है? आईडीटी के जो अमेंडमेंट होते हैं वो उसी रात से लागू होते हैं, आईडीटी के जो अमेंडमेंट होते हैं जनरली वो उसी रात से अप्लाई कर देते हैं, उसी रात से अप्लाई कर देते हैं। पर डायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट होते हैं, रुकिए रुकिए, एक सवाल कल मैंने आपके मन में छोड़ा था, सवाल क्या था? एक्ट आया था 1960 और रूल्स आया था, अब एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, डू यू वाना गो मैड? देखो मैं तुम्हें पावर बताता हूं इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट का, इंटरलिंक, तुमको ऐसा मजा आ जाएगा अगले जो स्टेटमेंट कहने जा रहा हूं। सवाल क्या था कल का? एक्ट 1961, रूल्स, पक्की बात, और सवाल था ऐसा क्यों? जनरली बजट के अंदर में आईडीटी का जो अमेंडमेंट आता है वो उसी रात से अप्लाई करता है, पर डीटी का जो अमेंडमेंट आता है वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करता है, क्योंकि करंट ईयर में तो आप इनकम कमाएंगे ना, और जब इनकम फाइनलाइज होगी तो उस पर टैक्स भरेंगे ना, तो टेक्निकली इस साल जो इनकम कमाओगे उस पर टैक्स इस साल नहीं पे होगा, सब्सिक्वेंट ईयर में पे होगा। तो डीटी के अमेंडमेंट इस साल से थोड़ी ना इंप्लीमेंट होंगे, डीटी के अमेंडमेंट अगले साल से इंप्लीमेंट होंगे। स्टॉप, एक मिनट इधर रख, एक्ट 1961, रूल्स 1962, 61 में जो बजट आया होगा, रूल्स इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, इंप्लीमेंट कब से होने चाहिए रूल्स, हेंस प्रूव्ड एक्ट 1961, रूल्स 1962। थैंक यू सो मच। कोर लॉजिक समझ में आया, ऐसा कैसे समझा, बोलो नहीं समझा, फिर से सुन, तेरा ध्यान था मेरा नहीं था, मैं अपने आप को समझा रहा हूं, विजय सुन, बराबर एक ही नहीं है। अभी कुछ लोगों की नींद उठी, अजी एक मिनट कुछ बोला, रुक 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 रुक, ये कुछ बोला मैंने कुछ तो मिस किया है, वापस सुन। डीटी का बजट, बजट कौन ला रहा है, 1 फरवरी को कौन ला रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर। बजट के दो प्रकार, फाइनल बजट, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट जिस साल में इलेक्शन होगा, फाइनल बजट हर साल इलेक्शन ईयर के आगे। क्लियर है? बजट जो भी आता है उसमें आईडीटी के अमेंडमेंट, डीटी के अमेंडमेंट, आईडीटी के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई करते, पेट्रोल प्राइजेस जैसे वो उसी रात से अप्लाई करते, पर डीटी के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई नहीं हो सकते। पूछो ना क्यों? अरे उस साल आदमी पहले इनकम कमाएगा, इनकम 31 मार्च को फाइनलाइज होगी, अकाउंट 31 मार्च को फाइनलाइज होते, इनकम नहीं, अकाउंट्स 31 मार्च को फाइनलाइज होते, इनकम नहीं। समझ में आ रही बात? इनकम तो बाद में समझ में आएंगी, सारे रिकंसिलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा करने के बाद, बराबर है? तो ऐसा नहीं होगा शेड्यूल 3 के हिसाब से जब प्रॉफिट दिख रही है इनकम है, नहीं ऐसा नहीं होता। अभी तो हमें इनकम वर्ड डिस्कस करना बाकी है, आज ही करेंगे वो भी। अब सवाल उठा है डीटी का अमेंडमेंट फिर उसी साल से अप्लाई हो सकते हैं क्या? नहीं, डीटी का अमेंडमेंट कब से अप्लाई होते हैं, नेक्स्ट ईयर से। इसीलिए पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा है, आज के लैंग्वेज में नहीं। ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है आपके पूरे सिलेबस के अंदर में जो आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा है, असेसमेंट ईयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि करंट ईयर में तो आप इनकम कमाएंगे, जो इनकम आई उस पर आप क्या देंगे, टैक्स। और इनकम क्या ऐसा है क्या, मैंने ये प्रोडक्ट बेचा, इनकम आई, चलो टैक्स भर के आ गए, ठीक है आज का काम खत्म। इट्स एन्युअल कॉन्सेप्ट, इट्स अ
क्योंकि ऐसा हो सकता है आज प्रोडक्ट बेचा इनकम आई, कल लॉस भी तो हो सकता है ना। आज पेटीएम में 15 रुपए का प्रॉफिट है, कल न्यूज आ गई। जरूरी थोड़ी ना। तो इनकम टैक्स डे टू डे बेसिस पे नहीं देते हम लोग, ये कोई वेजेस नहीं है डे टू डे बेसिस पे देने के लिए, ये टैक्स है। एनुअली दिया जाएगा, वो भी नेट करके, जितनी इनकम थी उसमें से जितने लॉस थे माइनस करो, बचा हुआ इनकम क्या बन गया, नेट इनकम। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज सेट ऑफ, द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज सेट ऑफ। आप अपने नेट इनकम पे टैक्स भरते हो, तो व्हेन आई से इनकम आई मीन नेट इनकम, इसके ऊपर आप अपना टैक्स भरते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। उधर पीछे मालिक, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो अब बजट आया, पूरा बजट अगले साल से अप्लाई करता है। व्हाट इज एक्ट? प्रोविजन ऑफ लॉ। व्हाट इज रूल्स? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एक्ट 1961 में आया, उस साल इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस सब्जेक्ट के साथ। तो इंप्लीमेंटेशन कब होगा? नेक्स्ट ईयर में। हेंस एक्ट आया 1961, रूल्स आया, समझ में आई बात? नहीं तो जनरली जिस साल में एक्ट आता उसी साल में रूल्स आते। कंपनीज एक्ट के साथ यही होता होगा। डीटी में ऐसा हो नहीं सकता, डीटी में ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल के लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आई बात? तो एक्ट, रूल्स, लॉजिक समझ में आया। बजट बताना मत किसी को, आज जाना और जानबूझ करके अपने जो वो ऐसे छोटे मोटे वो फाउंडेशन के निबंध भी होंगे अभी है ना, वो अभी कोई फाउंडेशन वाला मिल रहा होगा तो तुम्हारे को ऐसा लग रहा होगा ना, साले जितना तेरा पूरा सिलेबस था ना चैप्टर नंबर 1 उतना एक दिन में पढ़ के आए हम। तो जो फाउंडेशन ने उसको बुलाना, मालूम है क्या बजट कैसा होता? ऐसे थोड़ा होशियारी मारते हुए ना, अब तुम सीनियर बन गए ना। हाँ बजट पता है? बजट, हाँ बजट क्या? बजट तो हर साल आता है। अच्छा कौन लाता है? डायरेक्ट टैक्स का कब आता है? इनडायरेक्ट टैक्स का कब आता है? कुछ नहीं पता। उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, रिस्पेक्ट, तभी साला ये इंटर में है। अंदर की सच्चाई अपने को पता है, बताने का नहीं। अरे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड विद क्लाइंट्स। चलो बेटा, बजट कौन से एक्ट से प्रिपेयर्ड होता है बोल? प्रिपेयर्ड एज पर, प्रिपेयर्ड एज पर FRBM एक्ट। सर FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। सो बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनल बजट, दूसरा होता है इंटरिम बजट। फाइनल बजट कब आता है बेटा? एवरी ईयर। इंटरिम बजट इन द ईयर ऑफ इलेक्शन, फॉर एग्जांपल 2019-2024। अब मुझे बताओ, क्या मैं कल आपको रियली एक्सप्लेन कर सकता था एक्ट 61 और रूल 62 क्यों? इसलिए मैंने कहा डीटी में सिर्फ पेशेंस रखना, क्योंकि आपको पहले सब्जेक्ट में डेवलप होना पड़ेगा, तो आगे आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। हाँ जी, फाइनल बजट कब आता है? 1 February एवरी ईयर, बराबर है कि नहीं? कौन प्रेजेंट करता है? प्रेजेंटेड बाय FM। बजट्स में क्या आते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? प्रपोज्ड चेंजेस।
इन द एक्ट और रूल्स. तो कल कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था, सर चेंजेस और अमेंडमेंट सेम ही होते हैं क्या या अलग अलग होते हैं? दीज आर प्रपोज्ड चेंजेस, दीज आर प्रपोज्ड चेंजेस. अच्छा सुनिए ना, सुनते हो अजी, सुनते हो? मैंने प्रपोज्ड चेंजेस लिखा, फाइनल नहीं. आप प्लीज वर्ड पे थोड़ा फोकस करो. पूछो ना ऐसा क्यों, यू शुड बी क्वेश्चनिंग माइंड, ऐसा क्यों? जब बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है ना, ऐसा नहीं होता कि जो उसने कह दिया वो फाइनल है. इस बजट को पार्लियामेंट में रखना होता है. अपोजिशन पार्टी को हर चीज को क्वेश्चन करने का राइट होता है. तो अपोजिशन पार्टी इस हर चीज को राइट कर सकती है, पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकता है, और कुछ चीजें क्वैश हो जाती है. तो जो बजट में आया जरूरी नहीं वही सही है. बजट के बाद सारी चीजें क्वैश होने के बाद जब उसको यू नो पास कर दिया जाता है तो ही वो फाइनल फाइनेंस एक्ट में एंटर करता है. तो ऐसा नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कुछ कह दिया ये सही है, गलत. इसको डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद जो फाइनल चीज आती है हम उसको ही एक्चुअल अमेंडमेंट कहते हैं. इसीलिए अमेंडमेंट इज अ प्रपोज्ड चेंज एंड नॉट अ फाइनल चेंज. समझ में आ रही है बात? सो इट इज अ प्रपोज्ड चेंज. अच्छा सर तुम्हारा एक विचारू का, मुझे भी देखना है ये बजट कहां से मिलता है, मुझे भी देखना है कहां कहां अमेंडमेंट हुआ है, कहां कहां नहीं. प्रैक्टिकल दिखाओ क्या, थोड़ा सा एक मिनट लगेगा एक्स्ट्रा. ठीक है सुनो, अरे सुनते हो? यूनियन बजट डॉट वही थ्री, गलत जगह चले गए थे. डॉट कहां से आता है यहां पे? देखिए एक वेबसाइट है यूनियन बजट डॉट निक डॉट इन या इंडिया बजट डॉट जी ओ वी डॉट इन. बराबर है, इस पैसा जाने का. जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच दे देते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर जैसे ही अपना स्पीच दे देते हैं वो स्पीच तुरंत इधर आता है, वो स्पीच तुरंत इधर आता है. तो आप कई बार देखते होंगे कि भैया बजट हुआ नहीं, कि बड़े बड़े चैनल के ऊपर लोग आकर के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला वो बोलने लग जाते. आपको रियली लगता है जो उनने 55 मिनट बोला किसी ने बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद आकर के उसको टीवी पे बोलने लग गया? नहीं, जैसे ही बजट आता है वो इस वेबसाइट पे आता है, वो इस वेबसाइट से तुरंत निकालते, तुरंत निकालने के बाद उसको दनादन रीड करते और रीड करने के बाद वहाँ पे टीवी पे आकर के बोलते हुआ क्या है. तो आप में से कोई लोग जाकर के टीवी पे अगर एंकर बन गए या टीवी पे यू नो एज एन एक्सपर्ट बन गए वहाँ पे जाने के लिए, राइट, तो आपको कहाँ से निकालना है उसकी तैयारी आज से करवा रहा हूँ. समझ में आया? तो यहां जाना, यहां जा करके इधर देखो. सबसे पहले निर्मला दीदी ने क्या कहा वो यहां मिलेगा, या फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा वो यहां मिलेगा. उसके नीचे यहां पे देखो एक चीज मिल रही है, फाइनेंस बिल. समझ में आ रही बात? इस फाइनेंस बिल को मस्त ऐसा जोर से टिक करने का. जैसे आप टिक करोगे आपने एक वर्ड पे फोकस किया, फाइनेंस बिल, यानी जब तक ये फाइनल डिस्कस होता नहीं है फाइनेंस एक्ट नहीं बनेगा. समझ में आया क्या? इसीलिए इसको फाइनेंस बिल बोला जाता है. अब देखियो ये फाइनेंस बिल में गया, ये पूरा एक एक चीजें फिर आपको बताता है रेट ऑफ टैक्स हम इस साल के लिए क्या रख रहे हैं. ठीक है, सब कुछ समझ. नीचे गए, पहले इनने रेट ऑफ टैक्स सबके लिए डिस्कस किया, ये अभी आपका ऑलमोस्ट कल का पार्ट है. यस, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ऐसा एक एक पॉइंट डिस्कस होता है, ये तो खैर बहुत बड़ा होता है, राइट. उसके बाद में ये देखो ऐसा चालू होता है इनकम टैक्स. कहाँ गया रे, डाउनलोड फट से. ये देखो इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स के रेट्स क्या हैं इस साल के वो बताए जाते हैं. ये अब तुम आगे देखोगे. ये वर्ड कहीं पड़ा पड़ा सा लग रहा है क्या, जरा देखना वाला, ये वर्ड कहीं पड़ा पड़ा सा लग रहा है क्या? अब तुम समझ रहे हो ये क्या लिखा है? हाँ, तो ये हर व्यक्ति देगा, है ना? कौन देगा? अमीर लोग. अमीर लोग भारत में क्या होते हैं? जिसकी इनकम. समझ में आ रहा है कि अब इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? सीधा नेशनल डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो तुम निकाल के, सीधा नेशनल डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो. अच्छा, अगर तुम चाय पिलाओ मेरे को तो एक और काम की चीज बताता हूँ. चाय पिलाओगे? चाय बड़ी जरूरी है भाई लाइफ में, है ना? और सीए करते हो, कितने लोग चाय नहीं पीते यहाँ पे? चाय कभी टेस्ट नहीं की, पी नहीं. अच्छा, पीते नहीं कितने लोग है? पीते नहीं. प्लीज इन्हें इस कम्युनिटी से बाहर करो. चाय कोई कैसे नहीं पी सकता यार,
चलो लड़कियों का समझ में आता है, कॉफी उनको मिल जाती है स्टारबक्स की, लड़कों, अरे मतलब लड़कों का क्या है यार, लड़के भी चाय नहीं पी रहे, कॉफी। बेटा मान लो मेरी एक राय, मोहब्बत से बेहतर है चाय। सही बात बोल रहा हूं मैं, अरे सही में ये मुंह तक तो आती है। अरे मतलब टेस्ट में अच्छी होती है, ऐसा कहने का मतलब। चाय पिलाओगे? बोलो हाँ। यहां एक अच्छी चीज बताओ, अगर कोई भी सेक्शन में अमेंडमेंट आया है, एज अ टीचर मेरे को भी ये कैसे पता चलेगा ये अमेंडमेंट क्यों आया, क्योंकि मुझे तो क्लास में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अमेंडमेंट आया क्यों है, तो मास्टर को कहां से पता चलता कि अमेंडमेंट आया है और इस अमेंडमेंट का रीजन क्या है? आपको पता है यहां पे ना एक और डॉक्यूमेंट आता है जिसको लिखा जाता है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। यहां पे एक और डॉक्यूमेंट आता है, वो अभी नहीं आया होगा क्योंकि इस साल दो ही अमेंडमेंट आए हैं, तो उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, बराबर है? नहीं तो हर साल क्या होता है, जैसे ही बजट आता है ना, या आप देखना जुलाई के बाद इसी वेबसाइट पे ना एक और यहां पे पार्ट ऐड हो जाएगा, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। इसके अंदर में रीजन लिखा होता है कोई भी सेक्शन में अमेंडमेंट आया तो अमेंडमेंट क्यों आया, मतलब देश में क्या इशू चल रहा था जिसके कारण यह अमेंड करना जरूरी हो गया। एक मिनट, सरकार को क्या जरूरत पड़ गई इतना एक्सप्लेन करने की? इट्स अ पब्लिक मनी, जनता को जवाब देना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? उनका मॉरल ऑब्लिगेशन है, जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये पैसा उनका नहीं है, पैसा किसका है? पब्लिक। समझ में आई बात? तो अगर आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है। समझ में आ रही बात? सो यहां पे जाना। अच्छा, अब आपको नहीं लगता डीटी के चार्ट जैसा समरी कुछ होना चाहिए? अरे हाँ या ना? ये की बजट हाईलाइट्स, अगर आपको पूरा बजट ना पढ़ के सिर्फ ऊपरा ऊपरी में पढ़ना है कि एग्जैक्टली बोला क्या क्या है, राइट? सो दीज आर डीटी चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स ऑफ बजट। समझ में आई बात? तो ये है पूरा का पूरा वेबसाइट, बराबर है? गवर्नमेंट की बैलेंस शीट कभी आपको देखनी है? सर क्या गवर्नमेंट की बैलेंस शीट? ये देखो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बजट, गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में कितना पैसा डालेगी, मिनिस्ट्री वाइज बजट, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है। समझ में आई बात? सो नाउ यू नो बजट कहाँ आता है, कहाँ देखना होता है, बजट के अंदर में जो अमेंडमेंट आएंगे उसका रीजन कहाँ पढ़ना है, और बजट शॉर्ट में पढ़ना है तो कहाँ से देखना है। समझ में आया? तो कल चल के अगर तुम CNBC, जी या ऐसी किसी वेबसाइट पे एक्सपर्ट बोल करके जाओ, तुमको समझ में आ गया बजट आते ही किधर जाने का, न्यूज़ पे नहीं जाने का, बाकी जनता न्यूज़ पे जाएगी, बींग CA तुमने इस वेबसाइट पे जाने का, निकालने का, दनादन पढ़ लेने का क्या बोल रहे हो, और फिर एक्सपर्ट बोल करके वहां पे समझ में आया? अगर आपको स्मार्ट वर्क पता है तो ऑटोमेटिकली चीजें बनेगी, याद रखना। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सो बजट कहां मिलता है, वेबसाइट बोलो। चलो unionbudget.nic.in, ठीक है। बजट में क्या आते हैं बेटा? चेंजेस। चेंजेस किसके अंदर में आएंगे? डीटी, आईडीटी। आईडीटी के अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल होंगे? एप्लीकेबल फ्रॉम मिडनाइट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो जब तक कुछ और ना कह दिया जाए वो उसी रात से लगेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। भाई जी डन, 2 मिनट के लिए पेन नीचे रखो, 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देखिए 1 फेब
2023 को बजट आया होगा, क्या आप मेरे साथ हैं? हेलो, पक्की बात? ये कितने हैं? ध्यान नहीं है, फिर से फोकस करो। फोकस, सुन, 1 फरवरी 2023 को बजट आया होगा, बराबर है? तो ये लागू कब से हुआ होगा? इस दिन आपका बजट आया होगा। ये बजट क्या मैं कह सकता हूं 1 अप्रैल 2023 से चालू हुआ होगा, 31 मार्च 2024 ये बना आपका फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करेंगे? अपनी इनकम अर्न करेंगे। और डोंट यू थिंक 24-25 के अंदर में आप इस इनकम पे क्या पे करेंगे? टैक्स। सबको समझ में आया? तो ये बन गया आपका प्रीवियस ईयर और ये बन गया आपका असेसमेंट ईयर। समझ में आया बच्चे? और याद होगा तो बजट है आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा होता है, इसीलिए एक्ट यहीं पे आ गया, लेकिन पेमेंट तो अगले साल होगा ना बेटा उसका, है ना? हम ईयर एंड की बात नहीं कर रहे, वो एफआर अकाउंट्स में होता है, हम यहाँ पे नेक्स्ट ईयर टैक्स पेमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जांपल बनाओ, चलो डने जी, अच्छा जी, अब मैं सभी यात्रीगण से एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज इसका उत्तर सही तरीके से दीजिएगा। आपके लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल होगा अगर आप नवंबर एग्जाम दे रहे हैं तो? बजट 23 या बजट 24? मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया, अब इसका इंप्लीमेंटेशन आप खुद करें। एक बजट आया था 2023 में और एक बजट आया था 2024 में, मतलब इस साल। आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है नवंबर के लिए, 23 या 24? ओके, हाउ मेनी पीपल 23? 23, 23, 23, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ मेनी पीपल 24? 24? अरे गलत होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? अच्छा, डर के क्या, ऐसे क्या उठाए थे ना इसे? हाँ, पक्की बात? और जिनने हाथ नहीं उठाया उनके कहाँ बिजी है? अरे कहीं तो बिजी होंगे ना। सुनो, आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है बजट 23, क्योंकि जो बजट, ध्यान से सुन, जो बजट कहां आया होगा 24, वो अप्लाई कब से चालू होगा? 1 4 2024। तो 24-25 में तो आप अपनी क्या करेंगे? इनकम अर्न करेंगे। और उस पर टैक्स कब देंगे? 25-26 में आप उसके ऊपर क्या देंगे? टैक्स। तो टेक्निकली 1 फरवरी 2024 को जो बजट आया वो आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपका अटेम्प्ट इधर फॉल हो रहा है। किसी को इधर डालने का मूड? समझ में आ रहा है? आपका अटेम्प्ट इधर फॉल हो रहा है, इधर नहीं। समझ में आ रही है बात? तो मेरे भाई, आपका अगर, सुनो, अब मैं बहुत काम की बात कहने जा रहा हूं, मई 24 या नवंबर 24 एग्जाम है, फॉर दैट मैटर जून 24 या दिसंबर 24 एग्जाम है, आपके लिए कौन सा बजट इंपॉर्टेंट है? आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2023। प्लीज नोट, इफ आई डू नॉट क्लियर
नवंबर 24 देन अब समझिए आपके ऊपर क्या तलवार लटक रही है, अब समझिए आपके ऊपर क्या तलवार लटक रही है। अगर आप नवंबर 24 एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते फॉर दैट मैटर, डीटी फिर से पढ़ना पड़ेगा, जीएसटी फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका बजट फाइनेंस एक्ट 24 में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मई 25 और नवंबर 25 के लिए 24 वाला बजट, मई 26 नवंबर 26 के लिए 25 वाला बजट होगा। समझ में आ रही है क्या बात? तो आप अगर 24 का एग्जाम दे रहे 23 का बजट, 25 के एग्जाम दे रहे 24 का बजट, 24 में बजट आएगा तभी तो इंप्लीमेंट 25 में होगा। आया क्या समझ में आई बात? तो आप सभी के लिए याद रखे फाइनेंस एक्ट 23 एप्लीकेबल है। पर मेरे दोस्त अगर गलती से नवंबर 24 तेरा क्लियर नहीं होता तो एज फार एज डीटी जीएसटी इज कंसर्न तेरा बजट ही चेंज हो जाएगा और उस टाइम दो बजट पढ़ने पड़ेंगे, इंटरिम भी और फाइनल भी, क्योंकि 24 में दो बजट आने वाले हैं। हालांकि इंटरिम में इतने चेंजेस नहीं है तो आपको दर्द नहीं होगा, पर वापस से यही गवर्नमेंट आ गई और इसने भर भर के इंप्लीमेंट कर दिए जुलाई में, आप समझ रहे हैं ना? सर क्या आप हमारी, हाँ, पर ये दर्द तुम्हारे लिए ही नहीं है। और अब मैं एक बात बोलूं, आप सबको लगता है कि सीए पढ़ते ही आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, इस बात को सुन के अब आपको क्या लग रहा है कि हर साल बजट आता है, क्या आपकी पढ़ाई जीवन भर कभी खत्म होने वाली है क्या? आंसर इज नो एंड नेवर। जिस कोर्स में तुम हो उसमें पढ़ाई जीवन भर है। सर हमको तो लगा था सीए बनते ही ऐसा होगी, मस्त ऐसा बेल दबाऊंगा सेक्रेटरी आएगी, नहीं होता ऐसा है ना, जो तुम इमेजिन करके बैठे हो ना ऐसा नहीं होता, तुम इमेजिन करके जो बैठे हो ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही बात? हर साल बजट आता, चुपचाप ऐसा निकालना पड़ता यूनियन बजट और ऐसा लेके बैठना पड़ता किधर क्या चेंजेस आए, और इतने में खत्म नहीं होता, नोटिफिकेशन भी आते, सर्कुलर भी आते, केस लॉ भी आते, और ये सब पढ़ना पड़ता। और याद रखे ये सब 50 मार्क के लिए है। ये सब कितने मार्क के लिए? 50। वेलकम टू गोवा सिंगम। बहुत इंटर में आना था तुम्हारे को है? चलो ये पहला लॉजिक समझ में आया बेटा सभी को? चलो 1961 का लॉ मैं 2024 में पढ़ रहा हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल क्या आता है बेटा? बजट। बजट कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला इंटरिम, कम ऑन रिवाइज, पहला इंटरिम, दूसरा फाइनल, राइट? इंटरिम और फाइनल बजट जो होगा इससे डीटी और आईडीटी के अमेंडमेंट्स आते हैं, आईडीटी के अमेंडमेंट्स उसी रात से अप्लाई करते हैं, डीटी के अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई करते हैं। फाइनेंशियल ईयर में तो इनकम अर्न होगी, राइट? जो नए टैक्स रेट आए होंगे, टीडीएस रेट आए होंगे, वो सब आप फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई करेंगे, लेकिन आपका जो फाइनल इनकम टैक्स है वो आप कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में पे करेंगे। डू यू अग्री? तो आपको 24 के लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल है? 23। बट जस्ट इन केस आपका नवंबर 24 क्लियर नहीं होता है, आपका क्या चेंज हो जाएगा? फाइनेंस बजट चेंज हो जाएगा और आपको अमेंडमेंट पढ़ने पड़ेंगे। नहीं तो भी पढ़ने पड़ रहे हैं, वैसे भी पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आ रही है क्या बात? तो चेंज इज अ पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का ही नेचर बदलाव है। समझ में आ रही बात? चलो जी, अच्छा अब क्लियर है अमेंडमेंट क्या होता है। यस, यहां लेंगे हम एक ब्रेक, क्योंकि हमारा 3 वर्ड पढ़ के हो चुका है टैक्स एक्ट 1961। ब्रेक के बाद हम लोग सबसे बड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं। यस, सी यू आफ्टर द ब्रेक। कोई ऑप्शन नहीं, द डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ ऑफ लैंड। आगे आएगा, पहले सिर्फ वर्ड समझ लो कितना परसेंट है वो बाद में समझना।
हाँ जी चलो जल्दी 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 KWICK क्विक चलो जल्दी 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 प्लीज मेक श्योर ब्रेक 10 मिनट से ज्यादा हम एक्सटेंड ना करें, है ना, मतलब ब्रेक 10 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड ना करें ऐसा। चलो यस सर वेलकम आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोग 3 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि कल से लेकर आज तक हम 3 ही वर्ड डिस्कस कर पाए हैं, शायद एक हाथ पेज लिखा भी हो। होमवर्क किया क्या तुमने, पेज नंबर लिखे सभी? रजिस्टर बहुत ईमानदारी से मेंटेन करना, ये बात समझ के चल लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना। चलिए आइए मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूं। अब हमारा एक ही वर्ड बचता है, दैट इज इनकम। अब हमारा एक ही वर्ड बचता है, दैट इज इनकम। चलो आप सभी से अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे डिस्कशन करने जा रहा हूं, इनकम। इस डिस्कशन में मुझे आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत लगने वाली है, ठीक है, इस डिस्कशन में मुझे आप सबकी बहुत ज्यादा हेल्प लगने वाली है। जितने लोग पूरे इंडिया में वर्चुअली नॉन वर्चुअली देख रहे हैं, चाहे वो भारत के किसी भी स्टेट से देख रहे हो, डोंट वरी, मेरे आपका जो मैसेज है मेरे तक जरूर पहुंच रहा है सिस्टम के थ्रू। तो चलिए सब लोग आ गए, आर यू रेडी? इनकम, व्हेन आई से इनकम What do you mean? आपको क्या अंडरस्टैंड होता है कि भैया ये इनकम है? जनरली क्या अंडरस्टैंड होता है आपको कि इनकम मतलब क्या है? पैसा, बराबर है कि नहीं? पर या रिसीट बोल सकता हूं मैं, पर क्या हर रिसीट इनकम हो सकती है क्या? नहीं, हर तरीके का जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आपकी इनकम भी नहीं कहला सकती, बराबर है कि नहीं? तो मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं और आप मुझे बताइएगा पूरा सोच समझ करके। और अब हमें यहां पे कई लोग लगेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग को बोलना चालू करना पड़ेगा, खड़े रह करके शायद एक दूसरे से झगड़ा भी करना पड़े। तो हम हर चीज पर डिस्कशन करेंगे, पॉसिबल है तो खड़े रह के या बैठ करके आपको लिटरली झगड़ा करना है, एज इफ यू आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, मैं मेरा पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं। एवरीबॉडी रेडी? उधर पीछे रेडी? चलो, मैंने स्मगलिंग की पैसा कमाया, बराबर है, मैंने ड्रग्स बेचा पैसे कमाया, मर्डर किया पैसा आया, क्या ये मेरी इनकम है? हां या ना? एनीवन विथ नो? नोबडी? एक को लगता है ये मेरी इनकम नहीं है, कोई और है जिसको लग रहा है? दो को लग रहा है ये मेरी इनकम नहीं है। ओके, किसको लग रहा है ये मेरी इनकम है? ओके, हाँ चलिए मैम, क्या आप उसे जवाब दे सकती है क्यों इनकम है? अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, चाहे वो स्मगलिंग हो या नॉन स्मगलिंग हो, इनकम तो है ही, ऐसा मेरी काबिल दोस्त कहती है। एक मिनट मैडम, आप उसे ऑन पेपर दिखा सकती है? जब आप इजहार ही नहीं कर सकती तो इकरार कैसे हुआ? अगर आप उसे ऑन पेपर दिखा ही नहीं सकती तो आप कैसे मान सकती है इनकम है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। बहुत से लोग इलीगल एक्टिविटी करते हैं पर वो उनके लिए तो इनकम ही होती है, उनके लिए तो इनकम ही है ना। सख्त, ऐसे पिघलना नहीं, सख्त। हाँ मैडम, एक मिनट,
इलीगल एक्टिविटी पनिशेबल ऑफेंस है, कैसे होगा टैक्स? अरे इनकम तो इनकम ही है, टैक्स पे होगा नहीं होगा ये अलग बात है। पॉइंट टू बी नोटेड, सुनना, पॉइंट टू बी नोटेड है ब्रो। यहां ये पिघल गया। चलो बेटर डिस्कशन में। हाँ और कोई है? बच्ची कह रही है ये इनकम है, देना चाहेगा जवाब? अरे मैडम इलीगल ऑब्जेक्ट है, आप कैसे इसे इनकम कह सकती हैं? आपको क्यों पिघलना है? चलिए इस डिस्कशन को निकाल के मैंने यहां रख दिया, ठीक है? आप ये तो समझ रहे हैं ना, हम जो यहां वहां रख रहे हो बाद में कनेक्ट हो जा रहा है, तो ये यहां रख दिया। अब दूसरा तरीका आपको समझाता हूं, बताइएगा ये इनकम है या नहीं है, ठीक है? मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी करता, अचानक नीचे 500 का नोट मिला, क्या ये मेरी इनकम है? क्या ये मेरी इनकम है? इट डिपेंड्स। जी सर इनकम है। क्यों? हाँ पैसा आया, इनकम है। डेबिट व्हाट कम्स इन, इनकम, इनकम ब्रो बोल रहा है इनकम है, किसी को शक है इस पे? ये इनकम नहीं है जी। उस मेरे को नहीं, उसको जवाब दे, क्लाइंट के भी आप पे उसको जवाब दे। हाँ भाई, हाँ सर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कंसिडरेशन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब इनकम होंगी। ऐसा कुछ भी मिला तो इनकम थोड़ी ने, ऐसा ये कह रहे? अरे कंसिडरेशन का अच्छा डाल है, पैसा पैसा आया, इनकम है। अरे जर्नल एंट्री क्या पास, जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? अरे हमें प्रूफ थोड़ी न करना है, बस मिल गया। सुन मैं ये मोनोलॉग बस इसलिए क्रिएट करा रहा हूं, यू हैव मल्टीपल ओपिनियंस एंड देन यू शुड रीच अ सेंसिबल कंक्लूजन कि क्या हमें इसे इनकम मानना चाहिए या नहीं। ये बात मस्ती के लिए नहीं चल रही है, ये बात इस चीज के लिए चल रही है कि हाउ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम इशू। तो यहां पे हम वो मस्ती नहीं कर रहे, मस्ती इज अ पार्ट ऑफ इट, पर इसमें समझने लायक बात ये है, हाउ कैन इंटरप्रिटेशन चेंज फ्रॉम वन और टू वर्ड्स। तो समझो और सुनो अच्छे से, बहुत मजा आएगा और मजे भी करो। हाँ सर सॉरी, जागो। हाँ ये इधर कौन बैठे? हाँ तो सुन भाई। हाँ सर पॉइंट प्लीज, आपका पॉइंट रिपीट कीजिए। सर पैसा मिला, दिखाने का जरूरत नहीं, मिला। ओ माय गॉड, वेट 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 वेट, ये क्या? बंदे ने बहुत सेंसिबल बात कही। देखो बंदे ने कहा कि अगर तू हर रिसीट को इनकम मान रहा है तो जो गुड्स लॉस में सेल हुआ फिर लॉस को भी क्या तू इनकम कहेगा क्या? वन क्वेश्चन अराइज, इज नेगेटिव इनकम एंड इनकम? क्योंकि पॉजिटिव इनकम में से नेगेटिव इनकम हटाएंगे तो नेट इनकम मिलनी चाहिए फिर। समझ में आया क्या? डिस्कशन देखिए कैसे एक एक चीज को बाहर निकालेगा, लॉ बनाएंगे। हाँ सर फिर तो नेगेटिव इनकम पे कुछ भी, ये दिस शुड नॉट बी नोटेड। नहीं नहीं नहीं, निगेटिव होगा तो तू क्यों टैक्स भरेगा भाई? मेक सेंस? यानी एक चीज जो हमें आज सीखने को मिली, निगेटिव इनकम पे टैक्स नहीं जाएगा। हाँ पर क्या इस निगेटिव इनकम को मैं मेरे पॉजिटिव इनकम के साथ सेट ऑफ कर पाऊंगा क्या? इस साल अगर सेट ऑफ नहीं हो पाई तो क्या मैं अगले साल सेट ऑफ कर पाऊंगा क्या? यस। तो देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज सेट ऑफ,
विच सेज यू, अगर आपकी निगेटिव इनकम है इस साल, लॉस को मैं निगेटिव इनकम कह रहा हूं, अगर इस साल लॉस है उसे पॉजिटिव इनकम के साथ सेट ऑफ कर लो, इस साल नहीं हो पाया अगले साल कर लो। कई बार जरूरी थोड़ी ना इच्छा उसी दिन पूरी हो जाए, तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है ना। सो कैन लॉस बी कैरी फॉरवर्ड? यस। सिस्टम समझा? और बात करते हैं, ठीक है, दोनों जन बैठ जाओ। तो ये हमारा दूसरा सवाल, पैसे मिले अचानक से, ठीक है। अब जरा समझना, अभी अभी एक पावन दिन गया है, बसंत पंचमी, बराबर है, और उसी के साथ साथ वैलेंटाइन डे भी था, बराबर है। तो मान लो किसी के बाबू सोना जादू टोना ने, बराबर है, किसी के बाबू सोना जादू टोना ने अपनी किडनी बेच के सामने वाले को आईफोन दिया। स्टॉप, यहां दो अबे मस्ती मत कर, कंसेप्ट सुन, यहां दो ट्रांजैक्शन है। पॉइंट नंबर वन, किडनी बेचा पैसे आए, इज इट एन इनकम? किडनी बेचा पैसे आए, इज इट एन इनकम? किडनी बेच मारा, मान लो ये मेरे भाई ने बेच मारा किडनी अपनी बाबू सोना जादू टोना के लिए, क्या ये इनकम है? हाँ या हाँ? ये इनकम है? मैम कह रही है इनकम है। किसको लग रहा है इनकम नहीं है? नहीं नहीं, हाँ जी आप जवाब दीजिए, उसके तरफ देखिए, आपके अपोनेंट है। हाँ मैम, इट इज नॉट अ रेगुलर इनकम, हाउ कैन यू से दिस? ऐसा वो क्या, कुछ तो बेचा है, कंसिडरेशन तो आया है। नहीं नहीं, पिछले पिछले की कोई बात नहीं है, एक मिनट, ये अगला पिछला कुछ नहीं, जो है सीधा। मैडम वो हर समय पैसा थोड़ी नहीं देगा, इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, तो ये इनकम कैसे? पर इनकम तो है ना, ये वन टाइम एक्टिविटी है मैम। नहीं नहीं, लड़ बेटा तू, डर मत, मैं हूं तेरे साथ, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। हाँ आपको ये लग रहा है कि अगर कोई एक ही बार प्रोडक्ट बेचता है तो वो इनकम नहीं है, ऐसे ही बोला ना बच्चे? हाँ, तो एक मिनट, कई प्रोडक्ट वन टाइम यूज होते हैं, एक मिनट, एक, नहीं 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 नहीं, आई वोंट एक्सेप्ट दिस, देर आर मेनी प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड विच कैन बी यूज ओनली वंस। एक मिनट, जो तुम समझ रहे हो मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल बैंडेड, मेडिकल में मिलता है बैंडेड, कैन बी यूज ओनली फॉर वन टाइम, तो फिर ये आप इनकम नहीं मानेंगे, बराबर है ना बच्चे? हाँ, ओ ठीक है, अगर इनकम नहीं है तो क्या है ये बताओ? गिफ्ट? एक मिनट, ये कोर्ट का ध्यान भटकाना चाह रहा है माय लॉर्ड। गिफ्ट बाद में की एक्टिविटी है, पहले किडनी बेचा, ये पॉइंट है। मैंने अभी तक गिफ्ट का डिस्कशन चालू ही नहीं किया। नहीं नहीं मैडम, एक मिनट मैडम, किडनी बेचने की बात हो रही है, आप गिफ्ट की बातें अभी नहीं कर सकती। हाँ तो आप बताइए, किडनी बेचा इनकम है या नहीं है? यहां ये पिघल गया। चलो एक एक्टिविटी हो गई, दोनों बैठ जाओ, ठीक है। अब दूसरा एक्टिविटी, आईफोन 15 लिया इसके पैसे से, और आईफोन 15 लेकर के किसी को गिफ्ट दे दिया, इज गिफ्ट एन इनकम? आप समझे, पर्पस ये मस्ती करना नहीं है, पर्पस एक एक चीज को अलग अलग करना है, ताकि हम निखर के बाहर आए, क्या ये इनकम है या ये इनकम नहीं है। अब देखो इसमें दो ट्रांजैक्शन है, पहला ट्रांजैक्शन कोई एसेट बेचना और दूसरा ट्रांजैक्शन इसको गिफ्ट में देना। अब दूसरे ट्रांजैक्शन पे मैं बात कर रहा हूं, इज गिफ्ट एन इनकम? तो बाबू सोना ने जादू टोना को अपनी इनकम दे दी, अब बताइए जिसको आईफोन मिला इज इट एन इनकम? चलिए आईफोन छोड़ दीजिए, हाल फिलहाल में मैं सिर्फ गिफ्ट वर्ड यूज करता हूं, फॉरगेट अबाउट आईफोन। गिफ्ट दिया, इज इट एन इनकम? सो गिफ्ट इज नॉट एन इनकम, करेक्ट। चलिए लड़कों से पूछते हैं, जिसको ये गिफ्ट मिला, सिर्फ लड़के जवाब देंगे, ठीक है, लड़कियां तो इसे इनकम नहीं मानना चाहेगी।
पर्सनल टैक्स है ना, चुभेगा. लड़कियां तो ऐसे गिफ्ट नहीं मानती. लड़कों को क्या लगता है, आप जो गिफ्ट दे रहे हैं लड़कियों को, फॉर दैट मैटर, इज इट एन इनकम फॉर देम? क्यों भाई, क्या तकलीफ है उनके लिए, ये इनकम नहीं है? हाँ बता. क्या मिलने के बाद बेचा? अच्छा, आईफोन मिलने के बाद बेचा. देखो यार, ये एक और ट्रांजैक्शन बीच में लेके आ गया. आईफोन मिला, लड़की ने बेच दिया, ये एक तीसरा ट्रांजैक्शन है अब. ठीक है, अभी मैं दूसरे ट्रांजैक्शन पे हूं. पॉइंट टू बी नोटेड. ये कोर्ट का ध्यान नहीं भटकाना चाहिए. गिफ्ट जिसको मिला, क्या ये गिफ्ट इनकम है क्या? गिफ्ट इज नॉट एन इनकम. तो तीसरा सवाल आ गया, किडनी बेचा. चौथा सवाल आ गया गिफ्ट. पहला सवाल क्या था? पाउडर बेच के पैसा आया या पाउडर बेच के पैसा आया, इज इट एन इनकम? दूसरा सवाल था रस्ते पे पैसा मिला, इसका क्या? तीसरा सवाल था किडनी बेचा, पैसा आया. चौथा सवाल था गिफ्ट मिला, ये पैसा है, ये इनकम है या नहीं? ठीक है, सीए फाउंडेशन का इंटर का रिजल्ट था. बच्चा गया, भगवान को जेब से 10 रुपये निकाला, मंदिर में चढ़ा दिया, दगड़ूशेठ मंदिर में. बराबर, जेब से 10 रुपये निकाला, चढ़ा दिया. हे भगवान, उसको बहन की नज़र से देखूंगा, पास करा देना. अब किसी ट्रस्ट को डोनेशन मिला. इज डोनेशन टू अ ट्रस्ट रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट, इज डोनेशन रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट इज एन इनकम फॉर दैट ट्रस्ट? पर आपको लगता है मंदिर टैक्स पे करता होगा, तो फिर आप उसे इनकम कैसे मान रहे हैं? क्या बेटा, सीए फाइनल, ओ फर्स्ट अटेम्प्ट, ओ बहुत कुछ समझना है बेटा जीवन में अभी. बोलिए, फिर से सवाल पूछूं. 10 रुपये भगवान को चढ़ाए, ट्रस्ट में चढ़ाए, ठीक है, क्या ट्रस्ट के लिए वो 10 रुपये इनकम है? पर आपको लगता है मंदिर टैक्स देता होगा, तो फिर इनकम कैसे हुई? या तो कोई और कंसेप्ट है जो सीखना पड़ेगा. समझ में आया? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्या वर्ड है? इज इट एन इनकम? यस. इज इट टैक्सेबल? नो. समझा? तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज एग्जम्प्शन. नेक्स्ट सवाल पूछता हूं. मैंने एकत्वम में जॉब किया, सैलरी मिली, इज इट एन इनकम टू मी? मैंने मेरा घर किराए पे दिया, मैंने मेरा घर किराए पे दिया, इनकम है? ओके. मैंने मेरा प्रॉपर्टी सेल किया. सोचते जाइए, सोचते जाइए, अभी हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं. मैं तो सिर्फ आपका, आपके दिमाग में सवाल पैदा कर रहा हूं, ताकि उसका जब जवाब दूं तो आपको क्लियर लॉजिक के साथ समझ में आए कि हाँ यार, ये बात सेंसिबल है. लॉ सेंसिबल होना चाहिए, लॉ तो वो है ही. हाँ, प्रॉफिट में बेचा तो इनकम है, ठीक है, हम तो मान के चल रहे हैं ना, निगेटिव इनकम भी इनकम का पार्ट है ही. हाँ, तो प्रॉपर्टी बेचा, इज इट एन इनकम? प्रॉपर्टी बेचा, वो भाई कह रहा है इनकम नहीं है. यानी एक और सवाल ऐड हो गया, प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया इसका क्या? ठीक है, अभी कुछ देर पहले ये मेरा भाई डिस्कशन कर रहा था, पैसा मिला तो ये इनकम माना जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना, डिस्कशन यही चल रहा था भाई, बराबर है? पॉइंट करो पहले, नोट. ओ भाई, नोट कर. विजय सारडा ने तेरे को लोन दिया 5 लाख रुपए का, अभी तो तू बोला पैसा मिला इनकम है, पर आपने पहले क्या डिस्कस किया? पैसा मिला इनकम है. अब आप बात पलट रहे हैं. नहीं महाशय, आप गलत कर... नहीं नहीं, आप बुरा मत, आप गलत कर रहे हैं भाई साहब. मतलब हमें कुछ और समझ में आया, हर रिसीट इनकम नहीं होती, क्योंकि लाइबिलिटीज भी रिसीट ऑफ मनी है, बट ये इनकम नहीं हो सकती. तो बैंक लोन, क्रेडिटर्स पेमेंट, यस और नो? या शेयर कैपिटल में एक्वायर किया गया पैसा, शेयर प्रीमियम पे एक्वायर किया गया पैसा, ये रिसीट तो है, पर इसे इनकम कैटेगराइज?
और अगर ये इनकम नहीं है तो इस पे टैक्स कलेक्शन हो सकता नहीं, समझ में आई बात? और डिस्कस करेंगे, रख रहा हूं मैं ये सारी लाइन, रख रहा हूं मैं यहां पे एक साथ एक एक पॉइंट करके। पहले सवालों को अपने मन में आने दो थोड़ा सा, ठीक है? बहुत सारा सोचते रहो फिर हम उसको एक साथ डिस्कस करेंगे। किसी को जल्दी है किसी चीज की? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि मैंने लॉटरी लगाई, तीन पत्ती खेली, जंगली रमी पे आओ ना महाराज, तो जंगली रमी खेला, ड्रीम इलेवन खेला, पैसे आए, क्या ये मेरी इनकम है? बट इट्स अ गेम ऑफ चांस। अभी अभी वो भाई कह रहा था रेगुलर एक्टिविटी तो है ही नहीं, नहीं अब मैं लॉटरी पे आ गया, बॉडी पे अटके हो, मैं लॉटरी पे आ गया, हम करेंगे उसको डिस्कस, बॉडी वाले पार्ट को। मैं सब सवालों को रखे जा रहा हूं और इस सबका जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा, सबका बदला लेगा तेरे भाई जल। बोलो, ये भाई अभी कह रहा था कि वन टाइम एक्टिविटी है लॉटरी, रोज रोज थोड़ी नहीं लगती है, तो क्या ये इनकम है, हाँ या ना? ठीक है, ये एक सवाल और रख दिया मैंने कि अगर मुझे लॉटरी, मैंने बिग बॉस में एंट्री की, ठीक है, मैंने बिग बॉस में एंट्री की, बिग बॉस का गेम शो मैं जीत के आ गया, अब बताइए क्या ये इनकम है? पर बिग बॉस में मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को एक कार मिल गई, फॉर एग्जाम्पल रोडीज, मेरे को एक कार मिली, पैसा नहीं मिला, अब ये इनकम है? अब इससे एक और सवाल खड़ा हुआ, इज रिसीट इन काइंड एन इनकम? देख कितने नए नए थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें उस हर चीज से फर्क पड़ना चाहिए जो इनकम पे है, क्योंकि इस पे क्या लगेगा, टैक्स, तो हमें अब उस हर चीज से फर्क पड़ना चाहिए। तो अगर रिसीट ही काइंड में हुई तो क्या ये इनकम होनी चाहिए, ये एक नया सवाल आके खड़ा होता है। यस, अच्छा, तिरुपति मंदिर में लोग बाल डोनेट करते हैं, बराबर, अब ये जो बाल है ये अल्टीमेटली सेल कर दिए जाते होंगे, अब किसी ने ट्रस्ट को डोनेट किया विदाउट एनी कंसिडरेशन, बट ट्रस्ट ने इन बालों को हेयरविक बनाने वाली कंपनी या कैंसर पेशेंट्स के लिए सेल कर दिया, ट्रस्ट को इनकम आई फ्रॉम सेलिंग ऑफ दैट वेस्ट प्रोडक्ट। मैं वेस्ट प्रोडक्ट कह सकता हूं इसे, yes, किसी के लिए वो दुआ है, पर ट्रस्ट के लिए एक यू नो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिससे वो सेल करके शायद फंड्स जनरेट करके जिसको नीड है उनके लिए यूज करते हैं, यस, yes? अब वो वेस्ट प्रोडक्ट सेलिंग से भी जनरेट होने वाला इनकम क्या ये इनकम माना जाना चाहिए क्या? तो इसी तरीके से आप अपने घर की जब रद्दी सेल करते हैं क्या ये इनकम है? आपने घर का टीवी बेचा, फ्रिज बेचा ओएलएक्स पे, क्या ये इनकम है, हाँ या ना? इनकम है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट से आने वाली चीज को आप इनकम मान रहे हैं। और चलिए इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम को क्या कहेंगे आप, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इज इट एन इनकम? ओके, मतलब इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम भी आपके लिए इनकम मानी जा रही है, ऐसा आप कह रहे हैं, बराबर, ठीक है। ये सारी चीजों को हमने रख दिया, तो हमने एक लॉन्ग लिस्ट बना ली इनफ कि क्या ये इनकम है या ये इनकम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने मेरी बुक की कॉपीराइट बनाई और ये कॉपीराइट सेल किया, ट्रेडमार्क सेल किया, नो हाउ सेल किया, इज इट एन इनकम? गुड। मैंने मेरी फ्रेंचाइजी दी एकत्वम की और फ्रेंचाइजी से इनकम आई, इज इट एन इनकम? गुड। तो आई थिंक वी हैड इनफ ऑफ डिस्कशन, लेट अस गो, व्हाट इज एन इनकम? क्या पहला शब्द इनकम डिफाइंड है? द आंसर इज यस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इनकम को डिफाइन करता है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, पूरी लिस्ट को पढ़ने का काम ही नहीं है, समझ में आई बात, पूरी लिस्ट को पढ़ने का काम ही नहीं है। सो इनकम इज डिफाइंड, लिखते जाओ, हम एक एक चीजें क्लियर करते जाएंगे। अब हम इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, तो आपकी इनकम को डिफाइन किया गया है 224 में, इस डेफिनेशन को बिल्कुल याद नहीं रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनकम इज डिफाइंड, हाँ जी, बिल्कुल, अभी आगे के डिस्कशन पे है ये, हाँ जी, बैठ के पूछा आराम से, हाँ, हम्म,
मैं वही बताया, ये सारे सवाल मैंने रख दिए, अब इन सारे सवाल का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और अंत में आपसे पूछते जाऊंगा इन सारे सवालों का जवाब आप क्या देंगे। समझ में आया? अब पूरा पहले सवाल पूछा, अब कंटेंट एक्सप्लेन कर रहा, अब जैसे ही आपका कंटेंट एक्सप्लेन होगा इसके जवाब आप खुद दोगे, इज इट एन इनकम और नॉट, जस्ट वेट। बताइए, पहला सवाल था हमारा लीगल इनकम या इलीगल इनकम भी इनकम है क्या? पाउडर बेच के पैसा कमाया, गांजा अफीम हीरोइन, गांजा हीरोइन का धंधा, या ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो लॉ जिसकी मान्यता नहीं देता, क्या इससे आने वाली इनकम इनकम टैक्स में इनकम कहलाती है क्या? इस पे लॉ में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। अब आपको तो पता है जब लॉ में कुछ नहीं लिखा होता है तो मैटर कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा, केस का नाम था TA कुरेशी। केस का नाम था TA कुरेशी। इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर याद नहीं रखना, केस लॉ याद नहीं रखना, पर कुछ केस लॉ ऐसे जो याद रखना है, जिसमें से ये एक केस लॉ है TA कुरेशी केस लॉ, ये केस लॉ याद रखना है। चलिए पहले समझाता हूं इस केस लॉ में हुआ क्या था, फिर जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो एक दिन हुआ, ये जो TA कुरेशी साहब थे, ये लोग कस्टम, ये लोग क्या करते थे, इलीगल गुड्स मंगाते थे। एक बार इस इलीगल गुड्स को पकड़ लिया गया और कस्टम ने उसे कॉन्फिस्केट कर लिया, मतलब जब्त कर लिया, बराबर है? जितना गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट ने कॉन्फिस्केट कर लिया उतना लॉस इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम कर दिया, गुड्स कॉन्फिस्केटेड बाय कस्टम डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा आपने इस लॉस को PNL में डेबिट करके प्रॉफिट रिड्यूस करने की कोशिश की है। कोई भी चीज लॉस अगर PNL में डेबिट होगा तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा, मेक सेंस? आपने प्रॉफिट रिड्यूस करने की कोशिश की है, पर हम इस लॉस को लॉस नहीं मानते, हम इतना ही आपकी इनकम में फिर से ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि यह अनलॉफुल एक्टिविटी थी और अनलॉफुल एक्टिविटी को हम अलाउ नहीं कर सकते, तो आपको तो इस पे टैक्स देना पड़ेगा, ये मैं आपको प्रॉफिट रिड्यूस करने नहीं दूंगा। टीए कुरेशी सर कहते वाह सर वाह, गजब, इतने सालों से जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं ना, ये सब इलीगल एक्टिविटी से ही है। आज जब मेरा गुड्स पकड़ा गया आप कहते हैं मैं इसे लॉस अलाउ नहीं करूंगा, वाह, इनकम लेना था जब आप आ गए टैक्स लेने के लिए, आपको लॉस भी अलाउ करना पड़ेगा। नो, इट इज फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। ओ यह ओके, इनकम इज ऑल्सो फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, मैं टैक्स भी नहीं दूंगा। आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, भाई बात समझ, अगर तुम्हें मेरी इनकम पे हक चाहिए तो मेरे लॉस पे भी तुम्हें बेनिफिट देना पड़ेगा। तुम ये कह रहे हो क्या कि इलीगल इनकम है तो मैं टैक्स नहीं करूंगा? तुम इलीगल इनकम को टैक्स करना चाहते हो पर इससे आने वाले लॉस को कंसिडर नहीं करना चाहते, ये तो पॉइंट गलत है ना, हाँ या ना? एज अ टैक्स पेयर अगर मेरा लॉस हुआ है, हाँ, इतने साल से अगर तुम कहते कि चल तू टैक्स भी मत भर, मैं एक्सेप्ट करता इस बात को। एक तरफ तुमको टैक्स लेना है पर मेरे लॉस को अंडरस्टैंड नहीं करना है, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, मैटर कोर्ट में गया, पहला डिस्कशन आया, इलीगल इनकम को इनकम माना गया क्या? कोर्ट ने देखा नहीं, पर सारी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा इलीगल इनकम इनकम तो है, और डिसीजन आया कि इस लॉस को भी एक को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बोल के अलाउ करना पड़ेगा। सो इट वॉज हेल्ड आउट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल, लीगल या इलीगल CPC सिविल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हैंडल करते बैठेगा। इनकम टैक्स सिर्फ पैसा पैसा करता है और पैसे पे ही मरता है। इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल। सो इट वॉज हेल्ड इन TA कुरेशी जजमेंट कि अगर आप इलीगल इनकम को इनकम मान रहे हैं तो ये इनकम इनकम टैक्स के लिए कंसिडर होगी, एंड सिंस इट्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इट बिकेम लॉ ऑफ लैंड, यस और नो? सो इनकम कैन बी लीगल और इलीगल, TA कुरेशी जजमेंट। तो क्या इलीगल इनकम पे भी टैक्स देना होता है? यस। फर्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट टिक बॉक्स हो गया बेटा। तो अब अगर इलीगल इनकम भी है तो इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल। हमारे यहां इनकम है मतलब टैक्स है, विषय खत्म, हमारा को दिमाग लगाना ही नहीं है ये इलीगल है या इलीगल। तो ये सब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा करते थे, लॉ में पढ़ा करते थे, इनकम टैक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलीगल एक्टिविटी से आने वाला इनकम भी एक इनकम है। समझ में आ रही है बात? तो ये हुआ पहला चीज, TA कुरेशी जजमेंट, इनकम कैन बी लीगल और इलीगल। नेक्स्ट, इनकम कैन बी रेगुलर और
इरेग्युलर। भैया वन टाइम एक्टिविटी भी इनकम है। छोटा सा एग्जांपल समझ लेता हूं, बराबर है। टूरिस्ट प्लेस पे कोई व्यक्ति गया, वहां पे एक ठेला था, वहां पे मैगी खा ली। जरूरी थोड़ी ना हर बार आकर के वो ये करेगा। दूसरी बात, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो साल भर नहीं बिकते। एरोप्लेन्स, जो एरोप्लेन्स बना रही है कंपनी, आपको क्या लगता है कि साल भर एरोप्लेन बेचती होंगी क्या? हार्डली 3-4 महीने में एक कॉन्ट्रैक्ट आता होगा जो बेचते होंगे। जो रेलवे कोचेस बनाते हैं उनको क्या रोज कॉन्ट्रैक्ट आते क्या, भैया एक रेलवे कोच देना? तो चाहे ये रेगुलर एक्टिविटी हो चाहे ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं। अच्छा, कई काम तो ऐसे होते जो सीजनल होते हैं, कई काम तो ऐसे होते जो सीजनल होते हैं। अब उनको तो साल भर इनकम आ ही नहीं रही है ना, उनको तो सिर्फ सीजन में ही काम आ रहा है। तो क्या ये रेगुलर एक्टिविटी होनी जरूरी है? नहीं। इट कैन बी रेगुलर एक्टिविटी, इट कैन बी इरेगुलर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग। अभी अगर आप देखोगे मेरा जो टीचिंग का पार्ट है ये आपको 2 महीना 2.5 महीना ही है, उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं? मेरे लिए तो ये रेगुलर एक्टिविटी है ही नहीं ना। ये सुनो, ये बात अलग है कि मैं अलग अलग क्लास ले रहा हूं, बट अगर मैं सिर्फ एक सेगमेंट की बात करूं तो मेरे लिए ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। या फॉर दैट मैटर एक अकेडमी 4 महीने ही वर्क करती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 4 महीने ही वर्क कर रही है, तो साल भर के लिए भी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो आपके हिसाब से तो हमारी इनकम होनी नहीं चाहिए, जितने मल्टीपल में तुम कैलकुलेट करते हो। इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद रेगुलर और इरेगुलर एक्टिविटी। यस और नो? इनकम मींस रिसीट, इनकम मींस रिसीट, बट एवरी रिसीट is not an income. Income means a receipt, but every receipt is not an income. Her receipt income नहीं होती, but her receipt income नहीं होती। तो receipt को 2 part में classify किया जाता है मेरा बच्चा, capital receipt, revenue receipt, capital receipt और रेवेन्यू रिसीट, ऐसे 2 receipt में क्लासिफाई किया जाता है, बराबर है। व्हाट इज कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स, आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफाइड। जो कैपिटल रिसीट होती है ना बेटा, इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जो कैपिटल रिसीट होती है ना बेटा, इसके ऊपर क्या नहीं देना पड़ता? टैक्स नहीं देना पड़ता। दीज आर नॉट टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, कैपिटल रिसीट्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल oblique liability in business, do you agree? एक व्यक्ति बिजनेस में अपना पैसा डालता है, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में वो पैसा रिसीट है, पर क्या ये रिसीट बिजनेस की इनकम है? नहीं। अगर इनकम होती तो हम पीएनएल के क्रेडिट में लिखते, ना कि लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। समझ में आ रही बात? इसीलिए जो बिजनेस का कैपिटल होता है, जो बिजनेस में लाइबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, बॉन्ड, डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर्स, एनी अदर सिक्योरिटीज, व्हाट आर द जर्नल एंट्री वी पास? कैश अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड, डिबेंचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारी चीजों को हम लाइबिलिटी पार्ट में डालते हैं, ना कि इनकम पार्ट में। अगर इनकम होती तो ऑल इनकम मस्ट हैव बीन क्रेडिटेड टू पीएनएल। अब लॉजिक समझ रहा है क्या कुछ चीजों का? समझ में आ रही बात? तो हर रिसीट इनकम नहीं होती, बराबर है। तो अगर आपके लिए, तो जब भी कोई पैसा आया, अंडरस्टैंड करना, जब भी कोई पैसा आया पहले ये सोचो, क्या ये मेरे लिए लायबिलिटी है, क्या ये मेरे लिए कैपिटल है? अगर आंसर आता है यस, तो ये कैपिटल रिसीट है, और कैपिटल रिसीट है तो नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो आपको इनकम की डेफिनेशन को कभी याद नहीं रखना, आपको हमेशा पैसा आते ही पहले अपने आप को क्वेश्चन करना है, इज इट अ कैपिटल रिसीट और इज इट अ रेवेन्यू रिसीट। अगर ये कैपिटल रिसीट है, मतलब ये मेरे लिए लायबिलिटी है जो रिसीवर है उसके लिए, या मेरे लिए ये कैपिटल है, इसको मेरे को इनकम ही नहीं मानना है। इट इज अ रिसीट बट नॉट टैक्सेबल, इट इज अ रिसीट बट नॉट टैक्सेबल। यस और नो? ये हुआ पहला। दूसरा हुआ पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट।
दैट इज एसेट्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज. एसेट्स यूज फॉर पर्सनल पर्पज. सोच समझ के बताइए, पर्सनल एसेट्स को आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं क्या? सोच समझ के बताइए, पर्सनल एसेट्स को आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं क्या? तो आप सोच करके बताइए कि जब आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया उसके बेचने पे, क्या आप उसे इनकम मान सकते हैं क्या? आंसर इज नो, क्योंकि आपने उसको एक्सपेंसेस ही ट्रीट नहीं किया था. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसीलिए देखिए, आपके घर की जब रद्दी सेल होती है, आपके मॉम और डैड कभी इस पर टैक्स नहीं भर सकते, क्योंकि उसको कभी बिजनेस एक्सपेंसेस माना ही नहीं गया, रिकॉर्ड्स में लाया ही नहीं गया. आपके घर का टीवी बिका, आपके घर का सोफा बिका ओएलएक्स पे, नॉट लायबल टू इनकम टैक्स. आपने कभी नहीं देखा होगा आपके घर पे पुरानी स्कूटर होती है वो बेच देते, टू व्हीलर होती है वो बेच देते, कार होती है वो बेच देते, पर कभी इस पर टैक्स नहीं दिया जाता. क्यों नहीं दिया जाता? दीज आर पर्सनल इफेक्ट्स. तो जो चीजें पर्सनल यूज के लिए यूज होती है, राइट, इसके ऊपर कभी टैक्स नहीं दिया जाता, इसके ऊपर कभी टैक्स नहीं दिया जाता. तो आप बताइए, आपके घर का सोफा बिका, विल दैट इनकम बी लायबल टू टैक्स? नो. दूसरा उसका एक और रीजन है, ये कभी प्रॉफिट्स में भी नहीं जाते, अनलेस एंड अनटिल ये कोई अदर टाइप का एसेट हो, ये प्रॉफिट्स में नहीं जाते, ये उल्टा लॉस में चले जाते. यस, टीवी, सोफा, रद्दी, कुछ टिक हो रहे हैं क्या जो हमने डिस्कस किए थे? राइट, ये सब आपकी इनकम नहीं माने जाते, क्योंकि ये सब आपके पर्सनल एसेट्स है. आप आपका मोबाइल बेचते हो हर बार, आप देखिए आप क्या करते हो, मोबाइल अपग्रेड करते हो, पुराना दे देते हो, नया ले लेते हो, राइट. ये जो आप बेच रहे हैं एक्सचेंज के अंदर में, आप कौन सा टैक्स भरते हो इस पे? ये तो आपने कई बार किया है, कौन सा टैक्स भरा आपने इस पे? पर आपने कभी सवाल नहीं पूछा कि क्यों नहीं भरा. Why? Because these are capital receipts used for personal purpose. इसे कभी business का expenditure माना ही नहीं गया, इसके लिए आप इसके ऊपर टैक्स नहीं भर रहे हो. Are you getting the point? पर हाँ, अगर मान लो यही आप बिजनेस में क्लेम करते हैं एज अ बिजनेस असेट, जब आप इसको सेल करते ना बेटा, तब इस पैसे, तब इसके ऊपर इनकम जरूर आता, क्योंकि आपने पहले अगर इसे एक्सपेंसेस माना है तो इसकी रिकवरी पे आप इसे इनकम मानना पड़ता, क्योंकि वो असेट आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया होता. समझ में आती है बात? आपने उसे क्या किया होता? बुक्स में रिकॉर्ड किया होता. आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया होता, तो बुक्स में जब उसको बेचते तो पैसा आपको वापस बुक्स में डालना पड़ता. तो अब दो पार्ट, मोबाइल पर्सनल यूज, बिजनेस यूज. पर्सनल यूज बेचोगे पैसा आएगा, देयर विल बी टैक्स, ये कैपिटल रिसीट का पार्ट बन जाएगा. पर बिजनेस यूज था मतलब आपने इसे एक्सपेंसेस क्लेम किया होगा या डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, एज द केस में भी आप जब बेचोगे तो इसको टैक्स आएगा, रेवेन्यू रिसीट बन जाएगा. समझ में आई बात? तो कहां आ रहा है और कहां जा रहा है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, ये इनकम है या ये इनकम नहीं है. समझ में आ रही है बात? राइट, अच्छा. बट यहां पे कुछ चीजें रेफर एक्सेप्शन टू पर्सनल इफेक्ट इन कैपिटल गेन, रेफर एक्सेप्शन टू पर्सनल इफेक्ट इन कैपिटल गेन. अब पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं. एक्सेप्शन है मतलब इनके ऊपर टैक्स आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, अंडरस्टैंड, सपोज कीजिए मेरी ये रिंग हाथ की, ठीक है, क्या मैं इसे पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं? यस. पर जब मैं इसे बेचूंगा ना तो इस पर टैक्स आएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन में कवर है पर्सनल इफेक्ट के. जो हम थोड़े से और मैच्योर हो जाएंगे सब्जेक्ट में तो कैपिटल गेन में पढ़ेंगे. हाल फिलहाल में बस बेसिक पॉइंट समझना है कि पर्सनल चीज अगर कोई है और मैं इसे बेच रहा हूं, इट इज नॉट लायबल टू टैक्स. इसे कौन सी रिसीट माना जाएगा? कैपिटल रिसीट. यस और नो? सो हर रिसीट इनकम नहीं होती. रिसीट को दो पार्ट में क्लासिफाई करो. जैसे ही पैसा आया, पहले ये सोचो क्या ये कैपिटल रिसीट है, क्या ये लाइबिलिटी है, क्या ये पर्सनल इफेक्ट है. अगर जवाब आपका यस आ जाता है तो कौन सी रिसीट बन गई? कैपिटल रिसीट. और कैपिटल रिसीट पे टैक्स देने का नहीं. कैपिटल रिसीट पे टैक्स देने का? आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैपिटल रिसीट छोड़ के अब अपनी कुछ चेकलिस्ट बनाई हुई है. अब जरा सोच के देखिए, मेरे घर का रद्दी बेचा, क्या उस पर टैक्स देना है क्या? घर का सोफा बेचा, घर का टीवी बेचा, घर का फ्रिज बेचा, घर का फर्नीचर बेचा, नहीं देना है. बिजनेस का फर्नीचर बेचा, बिजनेस का फ्रिज बेचा, बिजनेस का टीवी बेचा, बिजनेस का एसी बेचा, क्योंकि आपने अगर इसे पहले एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया तो आप बाद में इसे इनकम रिकॉर्ड करोगे.
पर अगर आपने पहले ही रिकॉर्ड नहीं किया तो आप बाद में उसका रिसीव्ट पे रिकॉर्ड हो सकता नहीं. समझ में आया? बिकॉज अकाउंट्स वर्क ऑन ड्यूअल सिस्टम बेसिस. अकाउंट्स वर्क ऑन ड्यूअल सिस्टम बेसिस. समझ में आ रही है बात? आप एक तरफ की सिंगल एंट्री पास नहीं कर पाओगे, दोनों तरफ की करनी पड़ेगी. अब जो रिसीट कैपिटल रिसीट नहीं है वो सारी रिसीट बन गई रेवेन्यू रिसीट. तो जो रिसीट कैपिटल रिसीट नहीं है वो सारी रिसीट कौन सी रिसीट बन गई? रेवेन्यू रिसीट. सो रेवेन्यू रिसीट का प्यारा सा डेफिनेशन पता है क्या है? कंपनी विच इज नॉट अ विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी. तो ऑल रिसीट विच आर नॉट, बोलो बेटा, कैपिटल रिसीट्स आर रेवेन्यू रिसीट्स. ऑल रिसीट्स विच आर नॉट कैपिटल रिसीट्स आर रेवेन्यू रिसीट्स. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस डिडक्शन ऑब्लिक एग्जम्पशन इज गिवन. रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस डिडक्शन एंड एग्जम्पशन इज गिवन. जरा आई लाइनर लगाना इस पे, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन पे. ये नए वर्ड है हमारी जिंदगी में आए हुए. आपको तो पता है अपने एवरेज बच्चे ये सब तो वर्ड पढ़े ही नहीं अपन ने. और डीप जाना पड़ेगा, और डिटेल में जाना पड़ेगा. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इज गिफ्ट एन इनकम? इज गिफ्ट एन इनकम? यस. जैसे ही कुछ भी मिला पहले ये सोचो, इज इट अ कैपिटल रिसीट? क्या वो आपके लिए कैपिटल है? नहीं. क्या वो आपके लिए लाइबिलिटी है? नहीं. क्या वो आपके पर्सनल इफेक्ट है? मे बी यस, मे बी नो. मे बी यस, मे बी नो. पर गिफ्ट को क्या एसेंशियली इनकम माना जा सकता है? क्योंकि इसमें यस का भी क्राइटेरिया है. इनकम माना जा सकता है क्या? हां. टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है हम आगे डिस्कस करेंगे. पर इज गिफ्ट एन इनकम? यस, क्योंकि वहां पर यस का क्राइटेरिया भी है. इज इट एन इनकम? यस. इज इट टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? एक आगे चैप्टर आता है IFOS, वहां पे पूरा एक कंसेप्ट है गिफ्ट टैक्सेशन. यस, वहां डिस्कस करेंगे. और इसीलिए देखिए, रुक 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 रुक, हल मत जगह से बिल्कुल मत हल. देख 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 देख, जब हम 224 की इनकम की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, 224 की इनकम की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, गिफ्ट इज कवर्ड. क्योंकि यहां पे यस का क्राइटेरिया भी है. यहां पे किसका क्राइटेरिया है? यस. अब गिफ्ट टैक्सेबल है या नहीं है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. बट इज गिफ्ट एन इनकम? यस. समझ में आया? पर खैर, एक जनरल बात आपको बता के रखता हूं, अगर गिफ्ट का वैल्यू 50,000 से ऊपर है एंड ये कैपिटल रिसीट है तो ये टैक्स होता है. अब ये जनरल क्राइटेरिया याद रखो. अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि रिलेटिव से मिला तो क्या, नॉन रिलेटिव से मिला तो क्या, शादी पे मिला तो क्या, ट्रस्ट से मिला तो क्या. ऐसे 15 एक्सेप्शन है. ये आज नहीं, आज का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है. इज गिफ्ट एन इनकम? एक शब्द में जवाब आना चाहिए, यस. अब इसमें कितना टैक्सेबल, कब टैक्सेबल और क्या, ये सब आपको एक पूरा चैप्टर है. देखो दिखाता हूं. एक चैप्टर है आपका IFOS का फुल फॉर्म है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. दिस विल बी 6th चैप्टर टू यू. जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है बेटा? टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट. तो पैसा मिला तो क्या, गिफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली तो क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली तो क्या, ये सब हम यहां डिस्कस करेंगे. है ना? क्या लगेगा? पेशेंस. पहले समझो ये इनकम है क्या, बाद में समझेंगे ये टैक्स पे है क्या. समझ में आई बात? चलिए दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं फिर से. दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी. सिर्फ इसे कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट पे क्लासिफाई कीजिए. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इज इट अ कैपिटल रिसीट? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इज इट अ कैपिटल रिसीट? क्या ये कैपिटल है? नहीं. क्या ये लाइबिलिटी है? नहीं. क्या ये पर्सनल इफेक्ट है? नहीं.
इसीलिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एंड अदर कैजुअल इनकम को क्या माना गया है? इनकम. मैं डेफिनेशन लर्न करा दूं, सेंसिबल नहीं है. मैं आपको समझाऊं कि ये क्या है, ये सेंसिबल पॉइंट है कि ये इनकम है या नहीं है. तुम खुद आइडेंटिफाई करने चाहिए कि ये इनकम है या नहीं है, यस और नो, राइट. अब बताइए, मैं मंदिर में गया, मंदिर को मैंने डोनेशन दे दिया, बराबर है. उस मंदिर के लिए कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? क्या उस मंदिर के लिए कैपिटल है? नहीं. क्या उस मंदिर के लिए लाइबिलिटी है? नहीं. क्या उस मंदिर के लिए पर्सनल इफेक्ट है? नहीं. ये उसके लिए कौन सी रिसीट बन गई? रेवेन्यू रिसीट. इसीलिए वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इज एन इनकम. इसीलिए वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन. आपको मंदिर ने ऐसा बोला था कि चले पैसे दे, वॉलेंट्री किया ना. वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इज एन इनकम. आप इस वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन को डोनेशन भी कह सकते हो. आप इस वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या कह सकते हो? डोनेशन. यस और नो? अच्छा जी सर, इसके आगे, इसके आगे सोचिए ये इनकम है या नहीं. सोचिए ये इनकम है या नहीं. हमने कुछ और डिस्कस किया था. रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अचानक से 500 का नोट मिला. इज इट अ कैपिटल रिसीट और अ रेवेन्यू रिसीट? याद रखे, जो कैपिटल रिसीट नहीं है वो सारा कौन सा है? रेवेन्यू रिसीट. 500 रुपए मिले, इज इट एन इनकम? यस. ये अलग बात है, आप शो करेंगे या नहीं. बात समझ ना, हम दो अलग अलग बात कर रहे हैं. क्या ये इनकम होनी चाहिए? यस. बताइए, बिग बॉस में गए आपने कुछ जीता, रोडीज में गए आपने कुछ जीता, इज इट एन इनकम? यस, क्योंकि सेक्शन कहता है विनिंग इज एन इनकम. सेक्शन क्या कहता है बेटा? विनिंग इज एन इनकम. तो क्या ये विनिंग इनकम है? यस सर, ये इनकम है. अब आते हैं, बताइए, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और इंश्योरेंस पॉलिसी से मेरे को पैसा आया, इज इट एन इनकम? वापस से सवाल का जवाब पूछो. बच्चे आपका सवाल यही था किसी का, वहां पे इंश्योरेंस का यही सवाल था. अब मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा तो अकाउंटिंग एंट्री जरूर पास करी होगी मैंने, हाँ या ना? बराबर है, प्रीमियम पेड टू कैश एंड बैंक, हाँ. अब इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा, इज इट अ कैपिटल रिसीट? हाउ इट इज अ कैपिटल रिसीट? इज इट अ कैपिटल रिसीट? क्या ये कैपिटल है? नहीं. क्या ये लाइबिलिटी है? नहीं. क्या ये पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे? नहीं. प्रोडक्ट होना चाहिए पर्सनल यूज के लिए यूज करने के लिए. जो रिसीट हुई, क्या ये टैक्सेबल है? यस. सॉरी, क्या ये इनकम है? यस. टैक्सेबल है या नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे. इसीलिए देखिए, इनकम की डेफिनेशन में इंश्योरेंस पॉलिसी भी कवर हो रही है. आगे बेटे, आपके सवाल का जवाब समझ में आ रही है बात? तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी कवर हो रही है. तो ये क्या होनी चाहिए बेटा? रिसीट, रेवेन्यू रिसीट होनी चाहिए. रेवेन्यू रिसीट है तो ये इनकम है. अब आगे क्या सवाल हम आगे डिस्कस करेंगे, ये इनकम टैक्सेबल है या नहीं है. पहले उसे क्या बनाना पड़ेगा? इनकम. बाद में हम बना पाएंगे ये टैक्सेबल है या नहीं है. समझ में आ रही है बात? उसके लिए सेपरेट सेक्शन है, ये टैक्सेबल है या नहीं है. नेक्स्ट सवाल, मैंने एकत्वम में काम किया, सैलरी आई, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, इज इट एन इनकम? टैक्सेबल है या नहीं है हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये इनकम है या नहीं है हम ये डिस्कस कर रहे. बताइए, विजय ने अपना घर किराए पे दिया, दुकान किराए पे दी, रेंट आया, इज इट एन इनकम? इज इट अ रेवेन्यू रिसीट? यस. विजय ने प्रॉपर्टी सेल किया, पैसा आया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, याद आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे कैपिटल रिसीट, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू पर्सनल इफेक्ट, प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ देम. तो भले ही आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे गोल्ड एक एक्सेप्शन है, वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक एक्सेप्शन है. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस घर में मैं रह रहा हूं, इस घर को जब मैं बेचता हूं, इस पे टैक्स आता है, क्योंकि देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू पर्सनल इफेक्ट. और ये हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन में. ये हम कहां पढ़ेंगे बेटा? कैपिटल गेन में. समझ में आई बात? अब जो चीज कैपिटल रिसीट नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट में कौन सी रिसीट बन गई बेटा? रेवेन्यू रिसीट. पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन रेवेन्यू रिसीट में आ गए. रेवेन्यू रिसीट इज ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स. इसीलिए देखिए, आपके डैड जब प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो इस पे टैक्सेशन एस्पेक्ट्स आते हैं, चाहे वो घर हो, दुकान हो, एग्रीकल्चर लैंड हो या अदर लैंड हो. बात समझ में आई सभी को? ये लॉजिक है उस चीज के पीछे, क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन में आता है. यस और नो? राइट. अब उस पर टैक्सेशन कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है. पहले ये समझो ये रिसीट कौन सी है, फिर ये समझो ये इनकम है क्या, फिर ये समझना ये टैक्सेबल है क्या. बराबर है? अब देखिए, हमारी सारी चेकलिस्ट जितनी बनाई थी, ये सब टिक हो गई. हमारा पहला पॉइंट था इल्लीगल इनकम, इनकम है क्या?
यस, इंश्योरेंस आने वाला पैसा इनकम है क्या? यस yes. अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं टैक्सेबल है कि नहीं, ये इनकम है या नहीं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं. मंदिर को जो पैसा मिल रहा है ये इनकम है क्या? यस yes. मंदिर इस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल कर रहा है ये इनकम है क्या? यस yes. बताइए, इंटरेस्ट और डिविडेंड इन्वेस्टमेंट इनकम है क्या? ये इनकम है क्या? सोच करके देखिए, मैंने पैसा बैंक में डाला, इस पे मेरे को इंटरेस्ट मिला, इज इट अ कैपिटल रिसीट? पैसा मिलते ही अपने आप से तीन सवाल पूछो. पहला, इज इट अ कैपिटल? नो. इज इट अ लायबिलिटी? नो. इज इट अ पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स है क्या? नहीं. तो इंटरेस्ट इनकम कौन सी इनकम बन गई? इज इट एन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट? यस. क्या ये इनकम बन गई? यस. यस और नो, राइट? तो आपने अगर कोई भी इनकम यू नो जनरेट की है तो ये आपके लिए क्या बन गई बेटा? इनकम का पार्ट बन गई, अगर ये इन्वेस्टमेंट से भी आ रही है तो भी. यस yes, इसीलिए इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हैं इस पे क्या पे करते हैं? टैक्सेस. समझ में आ रही बात? डिविडेंड जो आप अर्न करते हैं इस पे क्या पे करते हैं बेटा? टैक्सेस. तो क्या डिविडेंड भी इनकम है? यस yes. देखिए, जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होंगे, क्योंकि डिविडेंड किसके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनता, डिविडेंड इज हमेशा इन्वेस्टमेंट इनकम. इसीलिए जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ते रहेंगे, ये देखिए यहाँ डिविडेंड डिस्कस करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे. समझ में आ रही बात? और ये सब हम सेक्शन 56 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए ये अदर सोर्सेज की होती है. उनका मेन सोर्स बिजनेस होता है या सैलरी होता है या रेंटल इनकम होता है, ये उनके लिए हमेशा अदर सोर्स बनती है. गिफ्ट हो गया, ये उनके लिए हमेशा अदर सोर्स बनता है. इसलिए ये सब कहाँ कवर होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. पर सवाल आज का पहला, इज इट एन इनकम? यस. बराबर है. किडनी बेचा, पैसे आए. अब सोचिए, किडनी गांव की है क्या खुद की है? तो किडनी बेचा, पैसे आए, इज इट लायबल टू टैक्स? व्हाट इज द लॉजिक? पर्सनल इफेक्ट. समझ नहीं बात? अब बताइए, सोने का दांत लगवाया था, ये बेचा, सोने का दांत लगाया, पूरी बात सुन, सोने का दांत लगाया और बेचा, इज इट अ लायबल टू टैक्स? गोल्ड इज एन एक्सेप्शन टू पर्सनल इफेक्ट. मैंने सोने का शर्ट बनाया, शर्ट तो पर्सनल है ना, हाँ, तो नो टैक्स. क्या है बेटा? गोल्ड, रोलेक्स, डायमंड स्टडेड रोलेक्स और जेकॉब, जेकॉब एंड को, इज इट टैक्सेबल? यस. प्रीशियस स्टोन. क्या है बेटा? प्रीशियस स्टोन. ज्वेलरी की डेफिनेशन में प्रीशियस स्टोन भी आता है. ज्वेलरी की डेफिनेशन में प्रीशियस, डायमंड इज नॉट अ ज्वेलरी, डायमंड इज अ प्रीशियस स्टोन. और जब हम ज्वेलरी की डेफिनेशन देखते हैं उसमें डायमंड आता है. हीरा है सदा के लिए. किसके लिए है हीरा? सदा के लिए. तो इसी के लिए वो क्या बन जाता है? इनकम का पार्ट बनता है. आया क्या? यस और नो? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? अच्छा, और भी कुछ था? हाँ, मैंने प्रॉपर्टी बेची, इनकम आई, इज इट एन इनकम? यस. सारे चेकलिस्ट डन हो गए. अब मैं आपसे सवाल और सुनना चाहता हूँ. किसी के मन में कुछ है या ये इनकम है या नहीं? जी, सेलिंग अ कार. सभी लोग प्लीज अंडरस्टैंड, कार पर्सनल यूज, बिजनेस यूज. पर्सनल यूज कैपिटल रिसीट, बिजनेस यूज रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, रेवेन्यू रिसीट चार्जेबल टू टैक्स. खुद से आ गया जवाब कि लर्न करना पड़ा? बाजू, नेक्स्ट सवाल. नहीं तो मैं पूछता हूं, मैं पूछू क्या? अफीम बेचा, पैसे आए. अफीम, 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 कैनबीस, गांजा, अफीम भी बोला जाता है. अफीम बेचा, पैसे आए, इज इट एन इनकम? यस. पक्की बात? पक्का श्योर हो? आपने अपने क्लास के नोट्स उनको बेचे जिनने स्मार्ट डिसीजन नहीं लिया, इज इट एन इनकम? यस, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट. आप अगर इसे कमोडिटी बना करके सेल कर रहे हैं तो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप अगर इसे कमोडिटी बनाकर सेल कर रहे हैं, जेरोक्स की दुकान में जो लोग जेरोक्स करवाते हैं, आपसे भी मंगा जाएगा, सुनना. जेरोक्स वाली दुकान को जो पैसा दिया जा रहा है, इज इट एन इनकम फॉर दैट शॉप? यस, ऑब्वियसली यस. इन्वेस्टमेंट से पैसा आया, मैंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, इंटरेस्ट आया, इज इट एन इनकम? यस, इट्स एन इनकम. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अब आप इसमें जितने क्राइटेरिया जोड़ दो, बेसिक रूल विल रिमेन सेम. इज इट अ कैपिटल रिसीट? इज इट अ रेवेन्यू? बताइए, हमने क्लास के बेंच बेचे, पैसा आया, इज इट एन इनकम?
यस, अभिषेक सर ने घर पे उनको ऐसा लगा कि उनका जो बेड है वो फ्लफी नहीं है, ये बेचा, पैसा आया, इज इट एन इनकम? नो। पर हमारे ऑफिस में रखा सोफा बेचा, इज इट एन इनकम? पर्सनल कंप्यूटर सेल किया, बिजनेस कंप्यूटर सेल किया, पर्सनल फोन सेल किया, बिजनेस फोन सेल किया, समझ में आ रहा है? तो अब मेरे को जब 15 मिनट पहले आपके मन में दुनिया के सवाल थे, अब आपके मन में दुनिया के सवाल नहीं है। हाँ, अब और सुनिए, और लोगों से पूछते हैं। जी बच्चे, अंडरस्टैंड, अगर प्योरली आपने अपना बुक दे दिया, मैंने इसीलिए कहा, आप उसे अगर कमोडिटी बना के बेच रहे हैं, आपने जेरोक्स निकाल दिया और उसको आप अलग अलग लोगों को सेल कर रहे हैं, दैट विल बी एन इनकम। प्योरली अपनी नोट्स किसी को दे दी, यू वॉन्ट इवन चार्ज, समझ में आई बात? बट वो फिर रिसीट, कैपिटल रिसीट बन जाएगा, रेवेन्यू रिसीट नहीं। नेक्स्ट, कोई और? हाँ जी, हाँ जी, आप स्नीकर बेचते हैं, ह्यूज प्रॉफिट होता है, अंडरस्टैंड। स्नीकर, स्नीकर इज इट यूज फॉर पर्सनल पर्पस और बिजनेस पर्पस? शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स? नो। आने वाली रिसीट कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? कैपिटल रिसीट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट इज अबाउट इज इट एन इनकम और नॉट। हायर इनकम रहेगी सर, चार्ज ले लेंगे। हायर इनकम रहेगी, क्या ले लेंगे? सर चार्ज ले लेंगे, हमको की फर्क पड़ता है, समझ में आई बात? सो इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू सेल, इट इज अबाउट इज इट एन इनकम और नॉट, एंड इफ इट इज एन इनकम, इज इट टैक्सेबल और नॉट। इसीलिए मैंने आपको दो पॉइंट और हाईलाइट करवाए, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। और सवाल पूछो ना प्लीज, एक दो और, किसी के मन में आ रहा है प्लीज पूछो ना, थोड़ा डाउट क्लियर होगा बहुत लोगों का। हाँ, पर्सनल बाइक रेंट पे दे दी, अब इतने बार तो हम डिस्कस कर लिए, पर्सनल है, विल इट बी एन इनकम? नो, क्योंकि आप उसको बिजनेस में शो ही नहीं करोगे, रादर आप इनकम भी शो नहीं करोगे। वॉट इफ यू बाय इन द नेम ऑफ द बिजनेस बट यूज इट फॉर पर्सनल पर्पज? पीपल डू इट, बट वेन एवर एओ पकड़ेगा पूरी बारात आएगी। मतलब लोग यही करते हैं। अब जैसे मैं छोड़, अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया, अपन से पता है मार्केट में कैसा होता है। अब सोचिए लोग क्या करते, दिस इज कॉल्ड एज टैक्स प्लानिंग, जिसपे मैं नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा था, आपने अभी ये सवाल को रेज कर दिया। ये जो आईपैड है ना, ये बिजनेस का आईपैड है, पर विजय इस पे क्या सिर्फ काम ही करता होगा या नेटफ्लिक्स एंड चिल भी होता होगा? अब बात समझ रहे हो? आपके डैड क्या करते हैं जरा समझिए, और आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। आपके डैड हमेशा कोई भी एसेट ना जानबूझ के बिजनेस के नाम से लेंगे। अब सोचिए होता क्या है, आपको भी ट्राई करो, आपके डैड बिजनेस के नाम से लेते, या फिर अगर बिजनेस ही प्रोप्राइटरी पे है तो खुद के नाम से लेते। अब सोचो आपके घर पे होता क्या है, मैं कुछ चीजें बताता हूँ, राज की बात। और आज जाना पप्पा को बोलना सब समझ गया मेरे को, भाई इतना टैक्स पड़ के आया है। आपके डैड क्या करते मालूम है? आपके डैड ना एसेट जो है वो बिजनेस के नाम से उठाते हैं। बिजनेस में इसका रिकॉर्ड होता है। अब या तो वो वैल्यू कम होगी, एसेट क्लासिफाई नहीं करते होंगे तो पूरा का पूरा एक्सपेंस में क्लेम कर देते, या तो फिर उसको एसेट दिखा देते। एसेट दिखाते तो भी डेप्रिसिएशन तो आता ही आता है, लेते जाते लेते जाते लेते जाते। और आप देखिएगा, इस आईपैड को अगर कभी सेल करने की नौबत आई, पप्पा कैश में करेंगे, बुक्स में कभी दिखाया नहीं जाता ये सेल हो रहा है। कौन देखने आ रहा सेल हो रहा है या नहीं? बुक्स में पड़े रहने देते, वैल्यू जीरो कर देते, वैल्यू क्या कर देते? जीरो। चार पाँच साल बाद एक बहुत निग्लिजिबल वैल्यू का इनकम दिखा देते, एक्चुअल पैसा बहुत पहले ही आ चुका होता है, समझ में आया? पर किसको पता है एग्जैक्टली सेल कब हुआ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देखने आ रहा क्या? समझ में आई बात? तो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। बाकी सब छोड़िए, मान लीजिए डीके, ये जो बंदा है ना डीके, तुम्हारा लॉ का मास्टर, ये हर 3 महीने में मोबाइल बदल देता। अब सोचिए ये क्या कर रहा होगा। नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं हाउ मार्केट ऑपरेट्स। बुक में एक्सपेंसेस क्लेम होता है, डेप्रिसिएशन मिलता है, या तो एक्सपेंसेस क्लेम हो जाता पूरा का पूरा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, बराबर है? इन्फ्लुएंसर के लिए ये कंप्लीटली एक्सपेंसेस होगा, बाकियों के लिए एसेट होगा।
पर्सन टू पर्सन कैटेगरी डिफर होगी, कैमरा है, मोबाइल है। इन्फ्लुएंसर्स के लिए तो ये डेली एसेट हो गया ना, एक्सपेंसेस क्लेम होता है, बाद में किसी को बेचना होता है, वो कैश में बेच करके पैसा बना लेता और 3-4 साल बाद बुक्स में अंदर में रिकॉर्ड करता कि भैया सेल हो गया एकदम निग्लिजिबल वैल्यू पे, मतलब एक्सपेंसेस पूरा क्लेम कर दिया, इनकम बुक भी करना है तो निग्लिजिबल क्लेम होता। ऐसा कई लोग करते हैं, अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत मेहनत करने के बाद आई ब्रॉट अ लैंड रोवर, बहुत मेहनत करने के बाद झगड़े हुए बीवी से कई, फिर मैंने डिस्कवरी ली, बराबर है। पर आप सोचिए विजय ने क्या अलग किया होगा, इस डिस्कवरी अ पर्सनल असेट, पागल है क्या, बिजनेस असेट, पूछ क्यों, कैसी बात कर रहे हो दादा, असेट यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, पेट्रोल एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अलाउड एज डिडक्शन, कार में किसी भी तरह का अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन टू अ कैपिटल असेट नो अलाउड एज डिडक्शन, 30% का टैक्स बच रहा है, प्लस सरचार्ज बच रहा है, प्लस HEC बच रहा है। जिस दिन बेचेंगे उस दिन इनकम कितनी रिकॉर्ड करना है वो तो पता ही है, सिंस डिप्रिसिएबल असेट है, जितना डिडक्शन क्लेम किया उतनी इनकम तो रिकॉर्ड होगी नहीं। तो कई लोग ऐसा करते, अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया। इसीलिए आपके डैड हर असेट किस नाम से परचेस करते, बिजनेस। ये तो हुआ DT। तुम्हारे डैड एक और काम करते हैं, उस पर GST नंबर डाल देते हैं, तो उसका GST का इनपुट भी क्लेम कर देते। अपने घर वालों को सीधा मत समझो, कोई एथिक्स फॉलो नहीं कर रहा। एथिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन बुक्स, समझ में आया बात। अब जाना पप्पा को ऐसे देखना शाम में, अब समझा मैं क्या ये सब कहां से बना है, गद्दार क्या, देश का टैक्स चोरी चोरी कर करके ये बनाया ना, इतना टैक्स चोरी करके ये बनाया ना, शिट। पर अब आप सोचिए, वो इन टैक्स के लूप होल्स का ही यूज कर रहे हैं, वो टैक्स के लूप होल्स का यूज कर रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज तुम्हें शायद ये अनएथिकल लग जाए, 2 साल रुको, तुम 2 साल आने ही वाले हो, तुम आने ही वाले हो, और कमाओगे इतना कि खुद ये करोगे, कमाओगे इतना कि खुद ये करोगे। किसको अच्छा नहीं लगता देश में टैक्स पे करना, GST पे करो हमें अच्छा लगेगा, DT पर्सनल जेब से जा रहा बाबू। लॉजिक समझ में आया बेटा सभी को, नहीं एक दो सवाल और पूछो, ऐसे कैसे। हाँ जी, एक मिनट, आपका सवाल था बेटा किसी का बीच में। हाँ और आपने उसको गोल्ड का बना लिया, ठीक है, सुनिए। तो एक कार थी, इन्होंने MS धोनी सर की उस पर साइन ले ली, या फॉर दैट मैटर उसमें गोल्ड चला लिया, गोल्डन गाइस, यस गोल्ड चढ़ा दिया, और बाद में उसे ऑक्शन के अंदर में बेचा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। पहली बात, ये पर्सनल इफेक्ट के डेफिनेशन में इस चीज को समझने के लिए, आपके सवाल को मैं रख लेता हूं मेरे पास, ठीक है, पर इसका जवाब मैं आपको कहां दे पाऊंगा, कैपिटल गेन, क्योंकि कैपिटल गेन में आपको पूरा पर्सनल इफेक्ट का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। पर क्योंकि आपको क्यूरोसिटी है, मैं आपको जवाब दे दूं, हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। कितने में बिका इज नॉट अ क्वेश्चन, इज इट एन इनकम इज अ क्वेश्चन। मोटे मोटे तौर पे जवाब यह है कि इस पे टैक्स नहीं आएगा, पर फिर भी आपका सवाल लेके रख दिया, लॉजिक के साथ आपको कैपिटल गेन में फिर समझाऊंगा। इधर किसी का था, हाँ जी बच्चे, कौन सा, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ आप उसको दिखाओगे क्या बुक्स में, पहले ये बताओ। आई थिंक योर आंसर इज क्लियर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, 500 रुपए का नोट मिला, अब नोट पे तो ये लिखा है जिसको मैं मिला मैं उसका हूं, पर लॉजिकली क्या मैं उसे, सेंसिबली बात कर लो, क्या मैं उसे बुक्स में दिखाऊंगा, क्या मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। द क्वेश्चन एंड्स, व्हेन डेबिट इज नॉट कम इन हाउ क्रेडिट कैन गोज आउट, समझना है, ड्यूअल एंट्री सिस्टम। अब सोचिए, आप में से जितने लोगों के घर पे दुकान है, कैश में सेल्स होता होगा तो क्या होता होगा,
जिस चीज का रिकॉर्ड ही नहीं, मतलब ये कभी बिकी ही नहीं, समझ में आया। इसलिए धंधे में कैश आता है, और कैश में धंधा क्यों होता होगा, 30% का टैक्स बच रहा है बाबू, 30% का टैक्स बचा के आप बिजनेस में 30% वर्किंग कैपिटल फिर इन्फ्यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर बिग कैश में रहा है तो बाय भी तो कैश में होता होगा ना, तभी जाके तो सब बराबर होता होगा। तो एक बिजनेसमैन को बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है कितना कैश में बेचा। तो जिन जिन के घर पे दुकान होगी ना बेटा, जा करके देखना 2 बिल बुक क्यों है, वेट अ मोमेंट, बिल बुक ही क्यों है जबकि आज तो बिल सिस्टम से भी निकल सकता है। अबे हार्ड कॉपी की जरूरत ही नहीं है, सिस्टम से जा सकता है, पर हार्ड कॉपी ना उनको दी जाती है जिनको वारंटी तो देना है पर हमें हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो दुकानदार इसको प्रोडक्ट बेच के वारंटी दे रहा है कि कभी भी प्रोडक्ट मैडम बिल्कुल आइए, बहन जी कभी भी आइए, हम सब आपको सर्विसेज देंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बेचा मैंने है। पर बिल बुक जो दिया है ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है, सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं हुई ना, अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन अ सिस्टम, समझ में आई बात। ऐसा कई लोग करते हैं, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है लाइफ में, ठीक है। आपने बिल्कुल टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए, आज हम एक कसम खाते हैं, क्या हम टैक्स चोरी करेंगे, नहीं। क्या हम अपनी पूरी इनकम दिखाएंगे, हाँ। क्या हम पूरा टैक्स पे करेंगे, हाँ। क्या हम क्लाइंट से पूरा टैक्स पे कराएंगे, हाँ। समझ में आ गया आपको। अब पता है आप इस की पोजीशन पे बैठे हो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए, आप इस पोजीशन पे आ जाते हो जहां पे आप दिखा भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते, एंड इंटरप्लेइंग विद दिस इज अ स्मार्ट वर्क विच इज डन बाय अ सीए एंड सीएमए, कि दिखाना भी है पर पूरा नहीं, बताना भी है पर पूरा नहीं, जताना भी है पर पूरा नहीं, समझ में आई बात। और यही स्मार्ट वर्क आपको सीखना है कि कितना दिखाना कितना नहीं, समझ में आ रही बात। यही चीज हमें यहां सीखनी है, इसीलिए मैं कहता हूं इनकम टैक्स से पहले क्या आता है, इनकम, समझ में आई बात। कुछ और सवाल मैं पूछूं, इज इट एन इनकम और नॉट, सोच के बताइएगा, राइट। मैंने क्या किया था, मुझे कुछ प्रॉपर्टी विल में मिली, इज इट एन इनकम टू विजय, मुझे कुछ प्रॉपर्टी विल में मिली, अब मैं गिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं विल की बात कर रहा हूं, मुझे कुछ प्रॉपर्टी विल में मिली, इज इट एन इनकम, हाउ हाउ। अगेन ये सवाल डिपेंड नहीं करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या क्या मिला, तो आप सिर्फ इनकम क्लासिफाई नहीं बोल सकते, आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या क्या मिला उसके ऊपर डिपेंड। मेरे को विल में कार मिली जो खुद उसके बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, हाउ कैन दैट बी माई इनकम। तो अगेन आपका जवाब होना चाहिए डिपेंड्स, अगेन आपका जवाब क्या होना चाहिए, डिपेंड्स। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रोफेशनल यू आर योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू सी, इसीलिए आप देखेंगे हम कभी भी क्लियर रिप्लाई नहीं देंगे, हम पहले पूरा सुनेंगे। एज अ सीए एज अ प्रोफेशनल हमारी पहली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पूरा सुन हम क्या बोल रहे हैं और उसको अंदर तोड़ कि क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि एक विल में आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी आएगी, आर यू गेटिंग द पॉइंट। आप विल में सिर्फ ये अज्यूम नहीं कर सकते कि सिर्फ प्रॉपर्टी आएगी, इसीलिए आपका जवाब क्या होना चाहिए, डिपेंड्स। और इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट के लास्ट लाइन पे लिखा होता है डिटेल्स टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस आई रिसीव्ड, क्योंकि हम उतने पे ही अपना कमेंट देते हैं जिसका इंफॉर्मेशन हमें मिला है, एंड दैट्स व्हाई ऑडिट रिपोर्ट का लास्ट पार्ट ये लिखा होता है। समझ में आया बात सभी को, तो इनकम मींस रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। चलिए अब एक और डिस्कशन करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ इनकम का डिस्कशन, बहुत बड़ा है बेटा। आइए हम एक और डिस्कशन करते हैं पिन मनी, क्या डिस्कस करने जाते हैं हम, पिन मनी। व्हाट अबाउट पिन मनी, पहले समझते पिन मनी क्या होता है। वाइफ जो हस्बैंड को पिन मार मार के पैसा निकाल लेती है या उसके जेब से निकाल लेती है, इसे कहा जाता है पिन मनी। मतलब एक घर खर्ची जो वाइफ हस्बैंड को देती है या हस्बैंड वाइफ को देता है, एज द केस मे बी। जैसे मेरे केस में मेरे को मेरी वाइफ देती है 100 रुपये रोज, सच में मेरी वाइफ मेरे को 100 रुपये रोज ही देती, मैं पैसा कितना भी कमा लूं मेरी वाइफ मेरे को 100 रुपये रोज देती, कसम से। पूछो क्यों, बोलती देख
खाना डिनर नाश्ता तेरे को घर से मिलता, पेट्रोल एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफिस से क्लेम होते हैं। अब तो आप समझ रहे हैं ना, बिजनेस एक्सपेंडिचर बाबू, बराबर है। तो पैसे की तेरे को जरूरत क्या है? उस बिचारी को क्या पता, हमारे आधे दोस्त तो ये सोच के आ रहे कि मैं पैसा लेके आ रहा, है ना। एक लड़कों के कितने खर्चे होते हैं सिर्फ लड़के ही जानते हैं, समझ रहे हो ना। तो हर पुरुष को मैं जनहित में एक बात कहना चाहता हूं, आपका एक अकाउंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके बारे में घर पे पता, एक बैंक अकाउंट आपका ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके बारे में घर पे पता ना हो, समझ में आई बात। खैर अजय, अब ये पिन मनी क्या होता है? पिन मनी का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को जो पैसे देती है, हम उसे कहते हैं पिन मनी, बराबर है। तो आप देखेंगे मम्मी को जो एक अमाउंट मिलता है पापा के तरफ से, एक उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या घर खर्ची के लिए, इसको कहा जाता है पिन मनी। इज दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय हाउस वाइफ एन इनकम? इज दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय हाउस वाइफ और हाउस हस्बैंड इज एन इनकम? नो, पिन मनी को इनकम नहीं माना गया है। इसके ऊपर सेपरेट केस लॉज भी है और लॉ ने इसे क्लैरिफाई भी किया है। तो मान लो राइट, पल्लू ने आपके विज्जू सर को राइट रुपीज 5,000 पर मंथ दिया। विजय सर कौन हो गए? इसके स्पाउस। विजय सर कौन हो गए? स्पाउस। इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम, ये इनकम नहीं माना जाता, इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। अच्छा, अब एक सवाल पूछूं क्या, विजू सर इन्वेस्टेड इट इन RIL और RIL से डिविडेंड आया, पिन मनी इज नॉट एन इनकम, इज डिविडेंड एन इनकम? प्राउड ऑफ यू, इन्वेस्टमेंट इनकम इज एन इनकम, पिन मनी इज नॉट एन इनकम। इसे हिंदी में स्त्री धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री धन। और इस पे एब्सोल्यूट हक होता है स्त्री का, इनफैक्ट हस्बैंड भी नहीं मान सकते। दो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में तो ऐसा भी आया है कि अगर वाइफ ने ही हस्बैंड को ये पैसे वापस दिए एज अ लोन, एज अ लोन, तो वाइफ को पूरा अधिकार है इस पैसे को रिकवर करने का। ये प्योरली क्या माना जाता है? स्त्री धन, समझ में आया। पुरुष धन एज द केस में भी लिखा सबने, ये लिखा या नहीं लिखा? ये लिख, अच्छा इनकम लिखा या नहीं लिखा अभी तक? ये लिख दिया, कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट हो गया, लिखो पिन मनी। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं, कुछ नया रोज सीख रहे कि नहीं अपन? हाँ जी, दहेज, आए है, वाह 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 बेटे वाह। मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था ये बैच में ये सवाल मेरे से किसी ने पूछा क्यों नहीं। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। दहेज में मिला पैसा इनकम है यानी? पब्लिक आवाज करो जल्दी से। अच्छा पहली बात बताओ, दहेज को मैं गिफ्ट का नाम दे सकता हूं? इज दहेज अ गिफ्ट? यस। अब इसकी टैक्सेबिलिटी है या नहीं, जैसा कि मैंने कहा? अच्छा पहली बात, इज गिफ्ट एन इनकम? यस। टैक्सेबल है या नहीं, मैं IFOS में डिस्कस कर पाऊंगा। पर दहेज इज एन इनकम? यस। ये टैक्सेबल है या नहीं, मैं IFOS में डिस्कस कर पाऊंगा। उसके लिए आपको और थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा सब्जेक्ट में। पता है सारी लड़कियां तेरे को किस नजरों से देख रही है, साले दहेज लेगा तू? हाँ, दहेज रिकॉर्ड होता है बेटा। हाँ, लड़की ने बहुत प्यारा सवाल पूछा, रिकॉर्ड कौन करेगा? आप बेटा अपने घर पे शादी होती ना तब देखना, एक फुफ्फड़ को पकड़ा जाता, सॉरी एक फूफाजी को पकड़ा जाता है, ठीक है, एक फुफ्फड़ या जिसका मुंह एकदम सड़ावा होगा ना उसको पकड़ा जाता है, जिसको शादी में बहुत ट्रबल करना है उसको ये काम दे दिया जाता है। और आप देखिएगा उसके हाथ में हमेशा एक बैग रहेगा, और मिलनी करके एक प्रोग्राम होता है शादी के अंदर में, जिसमें उसके यहाँ से जितना जो कुछ आया है एक पेज पे लिख के आता है सब कुछ, और इसे फिर एक रजिस्टर में एंटर किया जाता है। इस रजिस्टर को हमेशा संभाल के रखा जाता है, और इसके बाद मम्मी जब दूसरे शादी में जाती है तो उतने का ही लिफाफा बनाती है जितने का लिफाफा आया है।
तो मम्मी को ये कैसे डिसीजन होता है कि उतना ही देना है? और मम्मी देखिए इस टाइम पे एक सवाल भी जवाब भी देती है, देने के लेने हैं या लेने के देने हैं? जितना आया है उतना हमें वापस देना पड़ता है, तो अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ रिकॉर्ड इट कैन नॉट बी डन। तो ये होता है। यस, हम क्या शादियों में अलग गेम में रहते हैं, बींग चाइल्ड हम लोग क्या रहते हैं, शादियों में अलग गेम में बैठे रहते हैं। पर बिलीव मी, ये क्लास करने के बाद शादियों में आप बहुत ध्यान दोगे कि हो क्या रहा है। आप वहां पे फिर हम आपके है कौन नहीं करते बैठोगे, आप वहां पे ये ढूंढते बैठोगे कौन किधर किसको क्या दे रहा है। एंड बींग सीए स्टूडेंट ना, मैं बताऊं तुमको, जैसे ही ब्रेक खत्म होगा ना, तुम ये भी सोचना चालू कर दोगे चाय वाले ने चाय बेचा, इज इट एन इनकम। देखो तुम्हारे को ये ऐसा डेवलप होता ना, तुम हर चीज को सोचने लग जाओगे। ये मिनिमम 6 चाय तो बेचता ही होगा, मान ले 1000 बच्चा, मतलब 1000 चाय, 1000 चाय 5 के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, 1000 × 10, और ये तो डेली का है, और दिन में 3 चाय, इसमें बहुत स्कोप लग रहा है। है ना बेटा, पर सोचना छोटा नहीं, सोचना बड़ा। टी कंपनी बनाने का सोचो, टी बेचने का नहीं, टी कंपनी बनाने का सोचो, टी बेचने का नहीं, बड़ा करेंगे। पिन मनी डन है बेटा? चलिए डिस्प्यूटेड इनकम, जो आपने मेरे से सवाल नहीं पूछा पर मैं आपको बताऊंगा, व्हाट अबाउट डिस्प्यूटेड इनकम। मान के चलो अपने डीके भाऊ है, इनकी एक कंपनी वाव लिमिटेड, इनकी एक कंपनी क्या थी, वाव लिमिटेड। इस वाव लिमिटेड में एक हाउस प्रॉपर्टी थी, क्या थी बेटा, एक हाउस प्रॉपर्टी जिससे आता था रेंट ऑफ ₹50,000 पर मंथ, जिसे क्या आता था बेटा, रेंट आता था 50,000 पर मंथ। अब हमारे डीके भाऊ ने क्लियर डिवीजन किया ही नहीं। मान के चलो डीके के दो सन थे, एक का नाम था निलय और एक का नाम था सुदर्शन, बराबर। सपोज डीके ने क्लैरिफाई किया ही नहीं ये प्रॉपर्टी किसको मिलने वाली है, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी से रेंट आ ही रहा है, आपके हिसाब से कौन टैक्स भरेगा इस पे? आपने मेरे से सवाल पूछना चाहिए था, पर क्योंकि तुमने मेरे से सवाल नहीं पूछा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हें इसका जवाब पता है। बड़े आगे नेक्स्ट कंसेप्ट, तो पूछो पूछो रे, क्यूरियोसिटी तुम में होनी चाहिए कुछ नया जानने की, बोलो जल्दी से। तो आप मुझे बताओ निलय और सुदर्शन टैक्स किसके हाथ में हो? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्यूटेड इनकम, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्यूटेड इनकम। तो जब भी ऐसा हो कि भैया दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए एंड दे बोथ क्लेम अ पर्टिकुलर इनकम, राइट, तो ऐसे केस में एओ असेसिंग ऑफिसर के पास एक राइट आ जाता है, वो या तो सिर्फ निलय से ले सकता है या सिर्फ सुदर्शन से ले सकता है या दोनों से भी ले सकता है। ये पावर किसके हाथ में है? एओ। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्यूटेड इनकम, द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्यूटेड इनकम, येस ऑर नो? सो इन दिस केस एओ कैन ट्रीट निलय और सुदर्शन और बोथ एज, बोलो बेटा, डीम्ड ओनर एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम आइदर और बोथ। अब कभी ना कभी कोर्ट में सेटलमेंट होता होगा, बात समझना आगे का भी पॉइंट, कभी ना कभी कोर्ट सेटल कर देती होगी ये निलय का है या सुदर्शन का है, एज द केस में भी, बराबर है। अब जब भी ये सेटलमेंट होता होगा एक आदमी को रिफंड मिल जाता होगा, मान लो अगर दोनों से लिया तो एक को रिफंड मिल जाता है, दूसरे को टैक्स देना होता है। अब जिसको रिफंड दिया उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, इतने सालों से वो भर चुका होगा पर उसको कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, ये हो गया डिस्प्यूटेड इनकम। इज दैट डन? नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन और वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बच्चे, तो ऐसे केस में बेटा उसके पास पावर है ना, वो दोनों से ले लेता, वो पढ़ता ही नहीं इस डिसीजन में,
उसके पास पावर है सिर्फ नीले से ले ले, उसके पास पावर है सिर्फ सुदर्शन से ले ले, पर सेफर साइड वो क्या करेगा? आप एओ हो, पावर आपके पास है एक से ले, दो से ले या दोनों से ले, आप क्या करोगे? दोनों से ले। आप बोलोगे मेरा जुरिस्डिक्शन थोड़ी ना दोनों में से कौन ओनर है, ये तो उल्टा नीले एविडेंस बना देगा कि मेरे से टैक्स ले रहा मतलब ओनर तो मैं ही हुआ ना, वो तो कोर्ट में एविडेंस बोल के खड़ा कर देगा। समझ में आई बात? तो एओ इसमें पड़ता ही नहीं, एओ पहले दोनों से ले लेता, अंत में क्या होना है, देना तो किसी एक को वापस है, दैट टू विदाउट इंटरेस्ट। तो जिसका नहीं आया तो ये रिफंड ले खत्म कर विदाउट इंटरेस्ट, एओ जब तक के पैसा रखा है ना डिपार्टमेंट के पास। चलिए दो कंसेप्ट और समझते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। इस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इनकम अंडरस्टैंड कीजिए कुछ ऐसे, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। प्रेस्टीज पॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें कई सारे दुकानदार हैं, आपको क्या लगता है मेंटेनेंस देते होंगे कि नहीं देते होंगे? बिल्डिंग मेंटेन्ड है या नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। वॉशरूम्स मेंटेन्ड है या नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि क्या कॉमन मेंटेनेंस देते होंगे। अब एकत्वम अकेडमी ने पैसा दिया प्रेस्टीज पॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इज इट अ रेवेन्यू रिसीट? यस। इज इट टैक्सेबल? अब सोचो एकत्वम अकेडमी के जैसे बहुत सारी अकेडमी, बहुत सारे दुकानदार, उनको मेंटेनेंस देते होंगे, पर मेंटेनेंस रेवेन्यू रिसीट तो है, पर क्या ये टैक्सेबल होने चाहिए? क्या सोच के देखिए, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक उसी तरीके से आप जिस सोसाइटी या फ्लैट में रह रहे हो वहां पर हर महीने आप मेंटेनेंस दे रहे हो, राइट? मान लीजिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक काम करेंगे, आने वाले संडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, सिंहगढ़ पे ट्रैक करेंगे, सबसे एक कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्ट किया। ये कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम होना चाहिए क्या? कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम होना चाहिए क्या, हाँ या ना? नेवर, नेवर। कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन एक कॉमन एक्सपेंसेस के लिए होता है, ये किसी के लिए इनकम नहीं माना जाएगा। नहीं तो जो बंदा ट्रिप का कोऑर्डिनेशन कर रहा है वो बोलेगा मेरे को हाथ ही नहीं लगाने का, कॉमन इनकम आया तुम तो मेरे को टैक्स भरवा दोगे। सो कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम, कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम। तो मान लो चार पांच लोगों ने मिलके मेंटेनेंस दिया, किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेट से प्रेस्टीज पॉइंट। नॉट एन इनकम, कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट एन इनकम, कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट एन इनकम। ओए ओए, बट व्हाट अबाउट वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन? फॉर एग्जाम्पल, विजय ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, किसी टेम्पल को, मॉस्क, मस्जिद, गुरुद्वारा, वॉट एवर रिलीजियस प्लेस को उसने 50 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया, क्या इनके लिए ये इनकम है क्या? हमने पहले डिस्कस कर लिया, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इज एन इनकम, 224 में भी कवर्ड है। कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम। समझ में आया? विजय पेड टू टेम्पल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ट्रस्ट। एक बच्चा ऑनलाइन पूछ रहा है, सर डिवोर्स के बाद एलिमनी देना पड़ा। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट सपोज कर लीजिए, अरबाज भैया और मलाइका दीदी दोनों अलग अलग हुए हैं, मलाइका दीदी को कुछ एलिमनी मिला होगा, या कोई टेनिस प्लेयर अपने हस्बैंड से अलग हुए, एलिमनी देना पड़ा होगा, मान के चलते एलिमनी मिला, जिसको मिला उसके लिए ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट।
सर क्या है ये? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ये विल का कुछ पार्ट मिला होगा, इसे क्लासिफाई किया जाता है एज गिफ्ट, विल इनहेरिटेंस या क्लासिफाई किया जाता है एज गिफ्ट। अब सवाल ये उठता है ये टैक्सेबल होना चाहिए क्या? जिसका आंसर है नो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में मिलता है और आगे जाके हम इसको और एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। हर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता, कुछ गिफ्ट एग्जम्प्ट होते हैं, जैसे रिलेटिव से मिले हुए गिफ्ट एग्जम्प्ट होते हैं, राइट? उसके बाद में शादी में मिले हुए गिफ्ट एग्जम्प्ट होते हैं। इज इट एन इनकम? यस। बट इज इट टैक्सेबल? द आंसर इज नो। यस जी सर, हो नहीं सकता ऐसा। आप कहीं जॉब कर रहे हैं ना, तो आपके अकाउंट में आता है, आपके मॉम के अकाउंट में नहीं आ सकता। उसका रीजन मैं आपको और स्पेसिफिक बताता हूं। जब कोई एम्प्लॉई होता है ना बेटा, तो वो एम्प्लॉई ईपीएफ एक्ट के अंदर में रजिस्टर होता है, ग्रेचुटी एक्ट के अंदर में रजिस्टर होता है, प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर में रजिस्टर होता है, इसलिए वो नहीं हो सकता। बट फिर भी मान लो आपने ऐसा कर लिया, तो अभी थोड़ी देर बाद हमें क्लबिंग नाम का कंसेप्ट पढ़ेंगे। जिस दिन एओ को ये पता चल गया ऐसा हो रहा है, वो इनकम आपके हाथ में टैक्स कर देगा। पैसा भले ही मम्मी के अकाउंट में पड़ा होगा, टैक्सेशन आप भरोगे। इसके लिए एक चैप्टर है कॉल्ड एज क्लबिंग, पूरा चैप्टर है ये। देखो आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम होगा क्लबिंग। ये देखिए यहाँ चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक में, क्लबिंग नाम का चैप्टर है। इसका सेक्शन नंबर 60 है, ट्रांसफर ऑफ इनकम नो ट्रांसफर ऑफ असेट। आपने इनकम भी किसी को ट्रांसफर कर दी, ये इनकम आपके हाथ में टैक्स हो जाएगी जिस दिन ये वो पकड़ेगा उस दिन। तो जिस दिन पकड़े जाओगे पूरी बारात आएगी। अच्छा, प्लस इंटरेस्ट और पेनल्टी भरना पड़ेगा फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। कितनी? 200%। क्या क्या कितना? 200% तक का पेनल्टी है, 200%। तो आज जितना छुपाओगे कल उतना निकालना पड़ेगा। ये सुनो, है सब है। मैंने आपको क्या बोला, थोड़ा सा लिटिल पेशेंस रखना पड़ेगा। आज पहले सिर्फ ये समझो इनकम क्या है, फिर कौन सी। आज आप क्या डिस्कस करने जा रहे हैं पता है क्या? आज आप क्या चाह रहे हैं, मैं क्या डिस्कस कर दूं ये टैक्स है कि नहीं है, और मैं आपसे डिस्कस करवाना चाह रहा हूं ये इनकम है या नहीं है। समझना, दोनों का बहुत बेसिक डिफरेंस है। पर आपको पता है क्या हो रहा है, क्यूरोसिटी जाग रही है सब्जेक्ट में, विच इज अ वेरी गुड पार्ट। अब आपको क्यूरोसिटी जाग रही है, ये है क्या, वो है क्या, ये है क्या, वो है क्या, विच इज अ वेरी गुड पार्ट। इट इज नाउ एन आर्ट ऑफ अ टीचर कि तुमसे एक क्वेश्चन जनरेट करवा रहा है। हाँ जी बच्चे, अगेन इन दैट पर्टिकुलर केस, जैसे आप पांच लोग मिल करके कोई एसेट बाय करेंगे, बराबर है, इसको हम लोग को ओनरशिप बोलते हैं। और को ओनरशिप में इसे एओपी बोल करके क्लासिफाई किया जाता है, और इसे फिर बिजनेस का प्रारूप दिया जाता है, तो फिर ये बिजनेस इनकम बन जाएगा। रेगुलर इरेगुलर डजंट मैटर। अगेन चाइल्ड को जनरेट होने वाली इनकम का क्या होगा, ऐसा ही कुछ, या चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए जो पैसा मिला उसका क्या होगा, बराबर ना, गिफ्ट टैक्सेशन में कवर होगा आईएफओएस में। क्या? एक मिनट, डिड आई हियर इट राइट? तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? एक मिनट, कुछ मिसकन्फ्यूजन है, लेट देम क्लैरिफाई। हाँ 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 एक मिनट, he is asking two different question intermingled with one question. Do you agree with this point? उसका point क्या है कि मान लो उसका salary जो था employer ने उसके मम्मी के account में डाला, ठीक है, मतलब जो A को आने वाला income है वो A की mom को चला गया। अब A का divorce हुआ, उसका क्यों करवा रहा है, हुई नहीं अभी उसकी, A का divorce हुआ, अब alimony A की wife को देगा, बराबर A की नहीं है, right? तो इसका टैक्सेबिलिटी का क्या होगा। अब यहां पे हम दो अलग अलग एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर एक कि भैया सैलरी इनकम किधर से चली गई,
मॉम के अकाउंट में चली गई, यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा, पैसा भले ही मम्मी के अकाउंट में गया होगा पर टैक्सेस पे ए भरेगा, दैट्स कॉल्ड एज सेक्शन 60 क्लबिंग प्रोविजन, बराबर है। अब दूसरा प्रोविजन आता है, ए को सर्टन अमाउंट ए की वाइफ को देना है, अब ए की वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा नहीं या नहीं, ये हम IFOS में डिस्कस करेंगे। क्या ए की वाइफ के लिए ये इनकम है? यस, टैक्सेबल है, डिस्कशन का पार्ट है, जो बहुत लंबा काम है, एक दिन में नहीं हो सकता, बिलीव मी। मैं वही आपसे कह रहा हूं ना, आप चाह रहे हो आज मेरे से कि मैं टैक्सेबिलिटी डिस्कस करूं, और मैं चाह रहा हूं पहले ये ढूंढ लो ये इनकम है या नहीं। तुम बहुत आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, समझ में आ रही बात? चलिए एक शायरी से इसे समझाना चाहूंगा, टैक्सेशन के सब्जेक्ट को जरा शायरी से समझाना चाहूंगा। इरशाद बोलो, एक ही दिन में समझ लोगे क्या मुझे? मैंने खुद को बनाने में सदियां बिताई है। इट कैनॉट बी डिस्कस्ड इन वन डे माई फ्रेंड। रीजन ये है, पहले इनकम तो समझो, अभी तक तो तुमको यही नहीं पता हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, मैं आज उसके टैक्सेबिलिटी एस्पेक्ट कैसे डिस्कस कर लूं? और ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? पहले इनकम तो समझ लो, फिर टैक्स आएगा ना, सेकेंड वर्ड है टैक्स, पहले इनकम तो समझ लिया मेरे ब्रो। और मैं क्या बोला, पेशेंस रख, ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो तेरे को समझ में नहीं आएगा, जो उल्टा तेरे मन में नहीं है वो भी आके डिस्कस करेंगे अपन, बराबर है? होल्ड ऑन, आएगा, पर सवाल आ रहा है तो पूछते रहो, मैं आपको ये बता दूंगा इसका टैक्सेबिलिटी एस्पेक्ट क्या होगा। अच्छा, कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियर है? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अभी तक आपने पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ प्रॉफिट इनकम नहीं माना जाता बिजनेस में, उसके लिए हम एक सेक्शन 28 पढ़ेंगे PGBP के अंदर में, कि सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट ही इनकम नहीं है, बिजनेस में बहुत सारी इनकम इनकम मानी जाती है। एक कंसेप्ट आता है डीम्ड इनकम करके, बताता हूँ कहाँ, इधर देखिए, मतलब ये आज डिस्कस नहीं हो सकता इसलिए बोल रहा हूँ, हम बहुत प्री मैच्योर है सब्जेक्ट में। इधर देखिए, एक डीम्ड इनकम नाम का कंसेप्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है? सिर्फ प्रॉफिट ही इनकम नहीं माना जाता, डीम्ड इनकम इज ऑल्सो एन इनकम, वी आर येट टू डिस्कस इट। यस, ओके, चलो अब आते हैं हम। अच्छा एक मिनट, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि सर यार आज हम कंटेंट छोड़ करके बाकी इतना सारा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, मन में सवाल उठना चाहिए, पूछो ना। हाँ, डोंट वरी माय फ्रेंड्स, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हमारे मॉड्यूल में दिया नहीं है। रुको रे, एक मिनट तो रुको बे, ये देखो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये सारा डिस्कशन, जितना डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा डिस्कशन आपके मॉड्यूल के अंदर के डिस्कशन है। ये देखिए, अभी हमने कुछ वर्ड डिस्कस किए, पहला क्या डिस्कस किया, क्लबिंग, हमने क्या डिस्कस किया, सेट ऑफ, ठीक है, कुछ डिडक्शन नाम का वर्ड भी आया हमारे साथ में, वो भी है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखो यहाँ पे डेफिनेशंस चालू होती है, पर्सन, असेसी, कंपनी, फर्म, AOPBY, अभी मैं आपको AOPBY बोल रहा था बच्चे, वो यहाँ है। इनकम क्या 224 में डिफाइंड है? हमारा जितना डिस्कशन चल रहा सब इस बेसिस पे चल रहा, आज हम सब ये डिस्कस करते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे डीम्ड प्रॉफिट, कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम, कार्ड गेम इनकम, यस, हम ये सब डिस्कस करे जा रहे हैं। कहीं दिख रहा है क्या रेगुलर रिसीट वर्सेस कैजुअल रिसीट, वन टाइम या रेगुलर इनकम, रेवेन्यू रिसीट वर्सेस कैपिटल रिसीट, यस। आगे हम जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम पढ़ेंगे, ड्यू बेसिस, रिसीज बेसिस पढ़ेंगे, राइट, नेट रिसीट, ग्रॉस रिसीट भी पढ़ेंगे, ये अब का पार्ट है, राइट फिर आया कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट, अदर रिसीट, फिर यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, आज हमने जितने एग्जाम्पल लिए वो यहाँ से लिए, सिंगल ट्रांजैक्शन क्या बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है क्या, सारे हमारे आज के डिस्कशन है, एज इट इज आपके मॉड्यूल में दिए हुए सारे डिस्कशन है। लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन जो मिल रहा है, इंश्योरेंस वाला पार्ट, गिफ्ट जो मिल रहा है इसका क्या होगा, ये सारे डिस्कशंस आपके मॉड्यूल में दिए हैं, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं चल रहा है जो टाइम पास के लिए चल रहा है, ये सब आपके मॉड्यूल में दिए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ में आ रही है बात, ये सब डिस्कस कर रहे हैं हम। अब आ जाओ इधर,
अब आता है दो पॉइंट, सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ इनकम. क्या आप कोई मुझे बता सकता है सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं? सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं बेटा? कितने सोर्सेज से इनकम जनरेट हो सकता है? सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड. पैसा कैसे भी बन सकता है, पैसा कैसे भी बन सकता है, पर हम जो पढ़ते हैं वो क्या है बेटा? हेड्स ऑफ इनकम. हम जो पढ़ते हैं वो क्या है बेटा? हेड्स ऑफ इनकम. बेटा इनकम टैक्स में एक व्यक्ति को पांच हेड में ही अपनी इनकम को सारी क्लासिफिकेशन करना पड़ता है. जनरल रूल पीएनएल का क्या था? ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड टू पीएनएल. एवरीबॉडी यस और नो? यस. बट इन इनकम टैक्स वी क्लासिफाई देम इनटू ईदर ऑफ द फाइव हेड्स. हमारे को हमारी इनकम पांच हेड में ही क्लासिफाई करनी होती है. पहला हेड होता है सैलरी. यहां हम पढ़ते हैं सेक्शन 15 से लेके 17 तक. तो पहला, अगर किसी व्यक्ति को सैलरी आ रही है तो वो सैलरी हेड में उसका इनकम कंप्यूट करते हैं. दूसरा आता है एचपी, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी. ये कवर होता है सेक्शन 22 से लेके 27 तक के. तीसरा आता है पबजी, पी जी बी पी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. यहां पे हम सेक्शन 28 से 44 तक के पढ़ते हैं. फिर आता है कैपिटल गेन्स. यहां पे हम 45 से 55 तक के पढ़ते हैं. और अगर किसी भी हेड में नहीं गया तो सबका मालिक एक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड हो सकते हैं, इनकम कहीं से भी आ सकती है. हम इनकम टैक्स में उसे पांच ही घर में लेके जाते हैं. या तो वो सैलरी में होगा, या तो वो एचपी होगा, नहीं तो बिजनेस या प्रोफेशन होगा, या तो कैपिटल गेन होगा, और चारों में से कहीं भी क्लासिफाई ना कर पाओ तो आईएफओएस में डाल दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्लियर है मालिक? तो जल्दी से बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा सोर्सेस ऑफ इनकम कितने हैं, आप क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड. हेड्स कितने हैं? पांच. यस और नो? वेट, इंटरलिंकिंग करवाता हूं. पेज पलटिए, पहले पेज पे जाइए. मॉड्यूल में कितने चैप्टर थे? पहले पेज पे जाइए रजिस्टर के. मॉड्यूल के हिसाब से कितने चैप्टर है? 9. अपन कितने पढ़ रहे? 17. और मैंने आपसे कहा सारे हेड्स ऑफ इनकम एक साथ ला दिए. जरा मॉड्यूल 1 का सेक्शन 2 पढ़ क्या है. मॉड्यूल ने वो सबको मिला के एक ही चैप्टर बताया, पर वो कितने चैप्टर है? 5. समझ में आया? इसलिए मॉड्यूल में 9 और हमारे में 17 बन रहे. समझ में आया क्या? स्टॉप. ए, पेज पलटने नहीं बोला. उसके नीचे वाला वर्ड पढ़ क्या है? क्लबिंग. उसके नीचे क्या है? सेट ऑफ. अब समझ में आया क्या ये वर्ड क्या है? क्लबिंग का मतलब क्या? आपने अपनी इनकम कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश की तो वो आपके हाथ में टैक्स करते. इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जन ऑफ इनकम. जो वो अपने मम्मी के हाथ में कर रहा था उसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम. एओ क्लबिंग प्रोविजन यूज करते हैं, उसको आपके हाथ में टैक्स कर देगा. फिर आता है सेट ऑफ. सेट ऑफ क्या होता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना, अगर आपको कोई एक्टिविटी से लॉस आ गया, लेट्स से मुकेश अंबानी, एक बिजनेस से लॉस आया, एक बिजनेस से प्रॉफिट आया, वो अपनी नेट इनकम शो करेंगे. सेट ऑफ. समझ में आई बात बेटा? एक एक वर्ड समझ में आया क्या लिखा है? अब जेन्युइनली सोच के बताओ, मैं कल पहले दिन पे आपको ये एक्सप्लेन कर सकता था क्या? आपको सब्जेक्ट में मैच्योर होना पड़ता है तो आपको एक एक वर्ड समझ में आते. पर आप टेंशन मत लो, आपको याद रहे ना रहे मैं फिर पेज पलटाऊंगा और आप तक के लेके आऊंगा कि ये देखिए पढ़ा था और इसका मीनिंग ये है. बढ़ो आगे. सोर्स ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम हो गया. अब एक और कंसेप्ट होता है इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम. एक और कंसेप्ट होता है इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 80B में लिखा है, जबकि टोटल इनकम
सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 सॉरी 245 में लिखा है। तो जो हमारी इनकम होती है इसे हम ग्रॉस टोटल इनकम करते हैं। अब मैं आपको पूरे इनकम टैक्स में हमें करना क्या है यह सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिए। हम इस पूरे टैक्स की जर्नी में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम होता है किसी भी बंदे का टैक्स कैलकुलेशन सीखना। दो ये लास्ट की एक्टिविटी है इनकम जनरेट होने के बाद की, पर आपको पता होना चाहिए कौन सी इनकम पे टैक्स कितना आता है। तो बेसिक्स में हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। आपका टैक्स के बाद आपका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज टोटल इनकम कैन नॉट बी डिटरमाइन अनलेस वी नो रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है उस बेसिस पे उसकी इनकम कंप्यूट होगी, बराबर है। तो एक बार आपको पता चल गया वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, अब आप उसकी पांचों हेड में इनकम कंप्यूट करेंगे। पांचों हेड में इनकम कंप्यूट करने के बाद मान लीजिए आपने कहीं इनकम कुछ और डाइवर्ट की है, तो एओ आपके हाथ में उसे ऐड कर देगा। मतलब पांच हेड ऑफ इनकम जोड़ने के बाद क्या करना पड़ेगा, क्लबिंग। जितने लॉस आए होंगे उसे क्या माइनस करना होगा, माइनस, तब जाके आपकी जो इनकम बनेगी वो बनेगी ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम का डेफिनेशन फिर क्या हो सकता है, अग्री करें तो बताता हूं। ग्रॉस टोटल इनकम इज इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, वापस से सुनो, इनकम कितने हेड्स में क्लासिफाई करते हैं हम, पांच। कौन से पांच हेड है, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैप गेन्स, अदर सोर्सेस, बराबर है। इन पांच हेड की इनकम को मिलाएंगे, प्लस अगर मैंने कहीं इनकम और डाइवर्ट की होगी एओ वो मेरे साथ जोड़ देगा। मतलब पांच हेड की इनकम को मिलाओ, इसमें क्या ऐड करो, क्लबिंग, क्या लेस करो, लॉसेस, दैट इज सेट ऑफ, तब जाके मेरी क्या बनेगी, ग्रॉस टोटल इनकम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से जितनी इनकम पे मुझे डिडक्शन मिले होंगे वो मैं माइनस कर दूंगा, तब बनेगी मेरी टोटल इनकम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। तो हम पूरे इनकम टैक्स में करते ही क्या है, हम पांचों हेड, पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते, फिर पांचों हेड की इनकम कंप्यूट करते, क्लबिंग ऐड करते, सेट ऑफ लेस करते, ग्रॉस टोटल इनकम बनता। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम उसमें से क्या माइनस करते, डिडक्शन, फिर क्या बनता, टोटल इनकम। वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम, वी पे टैक्स ऑन, मजा आ जाएगा। अब एक चीज दिखाता हूं, हाथ रोक कंप्लीटली, इधर देख, एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, आज जाना और अपने घर पे भी पप्पा को भी सिखाना। पप्पा को मैं ही सिखाऊं, हाँ नॉलेज है तो यूज करने का ना। इनकम एंड टैक्स कैलक्यूलेटर, इनकम टैक्स की वेबसाइट खोल दिया है साहब मैंने, incometaxindia.gov.in, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना। देखो बेटा डिटेल्स, सबसे पहले जब भी किसी का रिटर्न भरा जाता है, असेसमेंट ईयर कौन सा है ये लिखा जाता है, उसका कैटेगरी क्या है ये लिखा जाता है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि रेसिडेंट के बेसिस पर डिसाइड होता है आपकी टोटल इनकम कितनी बनेगी। फिर आप 60 ईयर सीनियर सिटीजन है या नहीं वो सब डिसाइड होता है। उसके नीचे आइए, अब देखिए ये रिटर्न आपके सामने डायरेक्टली खुला हुआ है। पहला हेड क्या है, सैलरी, दूसरा हेड एचपी, तीसरा हेड कैपिटल गेन, चौथा हेड पीजीबीपी, पांचवा हेड आईएफओएस। इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ करके क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से क्या माइनस करोगे, डिडक्शन, क्या निकलेगा बेटा, और टोटल इनकम के बाद आप टैक्स निकालोगे, सरचार्ज निकालोगे, सेस निकालोगे। आज सुबह का डिस्कशन, ये तीनों अलग अलग देना पड़ता है, हेंस तीन कॉलम है, तब जाके आपका बैलेंस टैक्स पेबल या रिफंड आता है। द कोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, एग्जैक्टली व्हाट वी वुड डू इन आर्टिकल शिप।
एंड फॉर आवर क्लाइंट्स. अब समझ में आया इनकम टैक्स में करना क्या है? मेरे को नहीं समझा, मेरे को वापस एक्सप्लेन करो, मैं थोड़ा सा एवरेज बच्चा हूं. क्या कर रहे हैं हम इनकम टैक्स में? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑल अबाउट? किसी भी एक व्यक्ति की हम क्या निकालेंगे? पहला रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद हम क्या करेंगे? उसकी पांचों हेड से जो इनकम आ रही वो. तो डोंट यू थिंक हर क्लाइंट के लिए ये अलग हो जाएगा? हम पांचों हेड से उनकी इनकम. किसी के पास सैलरी नहीं होगा, किसी के पास पीजीबीपी नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट क्या क्या इनकम जनरेट कर रहा है. तो उसकी पांचों हेड से इनकम निकालेंगे. इसमें क्या ऐड करेंगे? क्लबिंग. क्या माइनस करेंगे? सेट ऑफ. तो क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम. उसमें से क्या माइनस करेंगे? डिडक्शन. तो क्या मिलेगा? वी पे टैक्स ऑन. समझ में आया? और जब मैं टैक्स की बात करता हूं, रिवाइज द होल कंसेप्ट ऑफ द डे. टैक्स मीन्स टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस एचईसी. डू यू अग्री? ये करना है हमको पूरे 50 मार्क के सब्जेक्ट में. और ये हर एक चीज एक सब्जेक्ट है. चैप्टर नंबर 1 बेसिक टैक्स कैलकुलेशन, चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस, चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर इनकम, चैप्टर नंबर 4 सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, एग्जम्पशन, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस, टीसीएस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स. सिलेबस ओवर. और ये सब 50 मार्क के लिए है. पर मजा आया कि नहीं बिड़ू? ये हम जीवन में करने वाले हैं. तो हम पढ़ क्यों रहे हैं पहले ये समझो. पढ़ क्या रहे हैं ये बाद में का बात है. एक मिनट, ऐसे कैसे जा रहे हो? अभी 6 मिनट बाकी है, सुन. महीना छोड़ेगा. हाँ तो बोल. मैं नहीं बोलूंगा, तू ही बोल. डेफिनेशन बोल जल्दी जल्दी. अरे जल्दी बोलना. ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते? इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स. बराबर है कि नहीं है? इसमें क्या ऐड करेंगे ब्रो? क्लबिंग. क्या लेस करेंगे ब्रो? सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. तो जो मिलेगा तुझे क्या मिलेगा बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम. अच्छा, मैं इसे एमसीक्यू में ऐसे लिखूं तो बुरा नहीं लगना चाहिए आपको. इनकम बिफोर डिडक्शन बट आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ. ये भी सही है क्या? बताना. इसको अलग शब्दों में मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना. पर एक एक वर्ड सब कुछ समझ आ रहा है. जिसका पहला दिन था बेटा उसको भी समझ में आ रहा है. अब भी चांस है अपने दोस्तों को समझा देना. कंटेंट इतना ही होता है और इसे हवा में नहीं उड़ाया जा सकता. बराबर है? इतना डीप ही लगेगा, इतना ही स्लो जाना पड़ेगा, तब एक एक शब्द का मीनिंग समझ में आएगा और इंटरेस्ट डेवलप होगा. अब तुम ये सोचो, 2 दिन के अंदर में डीटी में क्या जुप करके इंटरेस्ट डेवलप हुआ. तुम्हारा सोचने पे मजबूर होगा ये इनकम हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हो सकता है या नहीं हो सकता. हमने अब तक टैक्स चालू ही नहीं किया. याद है ना, मैं चौथे ही वर्ड पे हूं और वो कल भी चलेगा. कल ध्यान से सुनना, कल का लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. कल मैं टैक्स कैलकुलेशन चालू करने वाला हूं. आपका कोई और दोस्त है जो इधर उधर डेमो ये वो सब करना चाहता है, उसको कल ही बुला लो. कल से टैक्स कैलकुलेशन चालू होने वाला है. ठीक है, उसको बोलने का जो जिधर है उसको अपना बुक वुक ये वो सब दिखा देने का, उसके 5-6 सवाल पूछ लेने का, वो वहीं शांत हो जाने वाला है. ठीक है, 5-6 सवाल आपको समझ गए कौन से पूछने के. बराबर है कि नहीं? अरे यार टोटल इनकम का डेफिनेशन याद नहीं आ रहा मेरे को, प्लीज बोलो ना. अच्छा एक मिनट, एक बात बोलो, इसको मैं जीटीआई भी बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोल सकता हूँ, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकता हूँ. ग्रॉस टोटल इनकम माइनस, स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं करने का, डिडक्शन. डिडक्शन इन चैप्टर 6A. तो ये बन जाएगा टोटल इनकम. मैं इसे टी भी बोल सकता हूं, दैट इज टी आई. वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम. जरा आई लाइनर लगाना इसको.
हाँ जी सर, इज इट डन? चलो बुक बंद करो, दो मिनट में क्विक रिवीजन करवाता हूं आज क्या क्या हुआ, ठीक है? आज आप क्लास में आए बिल्कुल नींद लेके, फिर मैंने उड़ाने का काम किया, ठीक है? सबसे पहले आए हम लोगों ने रिवीजन किया, चलो फटाफट क्विक, सबसे पहले आए हम लोगों ने रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद हमें समझ में आया कि भैया हम लोग टैक्सेस वर्ड पे थे, से यस। आज हमने सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ टैक्स पढ़ा, मतलब क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स आता है? द आंसर इज नो, टैक्स में तीन चीजें आती है, टैक्स, सरचार्ज, सेस। टैक्स क्या होता है? एक ऑब्लिगेशन होता है। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। क्या हर व्यक्ति सरचार्ज देगा? नहीं, सिर्फ अमीर लोग, DKRJ DZYM, ये लोग कैटेगरी में सरचार्ज में आते हैं, यस और नो? इसके बाद क्या आएगा बेटा? HEC। HEC क्या सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो सकता है? यस। जो सरचार्ज है वो स्टेट के पास जाएगा या यूनियन के पास ही रहेगा? यूनियन। पर जो टैक्स होगा वो किसमें डिवाइड होगा? दो, सेंटर और स्टेट। हाँ, प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे कौन किसके पास जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? अनबायस पर्सन, प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद हमने देखा 1961 का लॉ, हम 2024 में पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्ट तो पास 1961 में हुआ था, हर साल इसमें क्या आते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कौन लेके आता है? बजट से आते हैं। बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। किस डेट पे प्रेजेंट करता है? 1 फरवरी को। बजट कितने प्रकार के होते हैं? दो, नॉर्मल बजट, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट किस साल में आते हैं? इन द ईयर ऑफ इलेक्शन, यस। और अदरवाइज क्या आता है? फाइनल बजट। बजट में क्या आते हैं? अमेंडमेंट। DTK भी आते हैं और IDT के भी आते हैं। DTK अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल होते हैं? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्योंकि पहले इनकम कमाया जाएगा, इनकम के बाद उस पर टैक्स दिया जाएगा, लेकिन IDT के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई करते हैं। इसीलिए एक्ट कब आया था? 1961। रूल्स कब आए थे? मेक सेंस? आगे बढ़े हम लोग, राइट? अगर नवंबर में एग्जाम पास नहीं किया तो क्या बदल जाएगा? फाइनेंस एक्ट बदल जाएगा। आपके अटेम्प्ट के लिए नवंबर 24 के लिए क्या एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 23। 24 के लिए क्या एप्लीकेबल है? 23। फिर हम आगे बढ़े, हमने लास्ट वर्ड उठाया इनकम। हाँ, इनकम मींस अ रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। क्या इनकम टैक्स में हमको फर्क पड़ेगा लीगल या इलीगल से? नहीं। तो गांजा बेच के पैसा कमाया, इज इट एन इनकम? यस। रेगुलर, इरेगुलर, इज इट एन इनकम? यस। हर इनकम जब भी मिली, हम इसे दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट के कितने पार्ट है? मेनली तीन, कैपिटल, लाइबिलिटी, पर्सनल इफेक्ट। पर क्या पर्सनल इफेक्ट के भी एक्सेप्शन है? यस। हर रिसीट जो कैपिटल रिसीट नहीं है वो कौन सी रिसीट बन गई? रेवेन्यू रिसीट। इज रेवेन्यू रिसीट चार्जेबल टू टैक्स? यस। पिन मनी, जिसको पिन मनी मिल रहा है क्या उसके लिए इनकम है? नो। जब भी इनकम में डिस्प्यूट होगा, क्या एओ के पास राइट है दोनों से टैक्स कलेक्ट करने का? यस। क्या कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम है? नहीं, पर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम है? यस। फिर हम आगे बढ़े, सोर्सेज ऑफ इनकम कितनी है बेटा? अनलिमिटेड। हेड्स ऑफ इनकम कितनी है बेटा? पांच। जल्दी से पांच हेड बोलो। अदर सोर्सेज, इन पांच हेड की इनकम को ऐसा मिक्स किया, इसमें क्लबिंग मिला, इसमें से सेट ऑफ निकाला, क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन भी निकाल दिया, टोटल इनकम। वी पे टैक्स ऑन। पर हम ये सब लफड़ा कर ही क्यों रहे? क्योंकि जीवन में आदमी को रिटर्न भरना है, और रिटर्न के लिए ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। आप सबको समझा क्या बेटा? पर इन सबको निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस। आहो, एंड दैट्स हाउ 17 चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स कम इनटू पिक्चर। मैं चैप्टर के नाम याद करा दूं, सेंसिबल नहीं है। चैप्टर बने क्यों ये बता दूं, इनकम लॉजिकल है। यस और नो? बाय बोलो बच्चों। हाँ, हाँ जी, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज कम। नो, नहीं, इट्स एन इनकम, नॉट टैक्सेबल। नहीं, डजंट मैटर ना, जब भी डिसीजन आएगा दूसरे से तो टैक्स कलेक्ट करना ही है ना। तो एओ के हाथ में वो पावर ही नहीं है, वो कोर्ट के हाथ में पावर है। तो एक से उसकी खुन्नस है या नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगता। लॉजिकली जो होना है उस पर टैक्स लगता है। स्नीकर जो था उस पर उसने साइन ले लिया किसी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी की, उसका वैल्यू बढ़ गया ना, एंटीक हो गया, तो वो ज्यादा सेल में हो। हाँ,
तो अगर उसका इनकम 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो सरचार्ज आएगा ही ना बेटा। कल टैक्स कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर लेकर के आना है, आज का रिविजन जितना पढ़ाया पढ़ के आना है, और किसी दोस्त को लाना है तो चुपचाप कल इट लेके आना है। हाँ बोलो, आपका अमेंडमेंट वाला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? आज पक्का क्लियर हुआ, इसलिए मैं बोल रहा था रुको। हाँ हो गया। हाँ बच्चे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको वापस दें। दैट्स अ डिफरेंट एक्ट, इट्स अ डिफरेंट एक्ट। अगर आप पहले मिलता है, लॉजिकली सोच के देख, तू शो करेगा क्या? नहीं, ठीक है। सो लेट्स से ना, अगर वो मिल गया, आप उसे इनकम मानेंगे, मान लो आपको वापस देना पड़ा, आप एक्सपेंसेस क्लेम कर लो, नेट इफेक्ट क्लियर। होल ऑफ इंडिया, टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बराबर है? कल डिस्कस होगा इंडिया के डेफिनेशन के साथ। लोअर टैक्स लगेगा, बराबर है? ऐसा है बिकॉज ऑफ सेक्शन 54। सेक्शन 54 बोलता है जब कोई प्रॉपर्टी बेचते हो, नया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, वो नया प्रॉपर्टी 3 साल होल्ड करना चाहिए, नहीं तो हम जाहिर टैक्स लगा देंगे। ये 54 के कारण है। 20% आता है, to be discussed tomorrow। मेरी फ्रेंड एक्चुअली कैसे फेस्टिवल्स के टाइम पे डांस वगैरह लेके पैसा कमाती है, या तो फिर अगर मैं ड्राइंग करके बेचूंगी तो पैसा कमाऊंगी, विल दैट बी इनकम और नॉट? यस इनकम, बट अगर वो कितना 50,000 कमा रही है तो फिर टैक्सेबल रहेगा नहीं? वो कल डिस्कस होगा कि अमाउंट कितने के बियॉन्ड पे टैक्स लगता है। हाँ। है ना, तो वो जो पेंटिंग वगैरह आप बेच रहे हो जनरली 50,000 के ऊपर नहीं जाती, 2.5 लाख के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं जाएगी, इसलिए आप उस पर टैक्स नहीं देते। पर क्या वो इनकम है? यस। टैक्सेबल है? नो। ऐसे केस के अंदर में जब भी एओ ऐसी चीज को पकड़ लेगा तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, मतलब टैक्स तो लगाएगा ही लगाएगा, पेनल्टी भी लगाएगा, इंटरेस्ट भी लगाएगा। हमारे को उससे कोई लेन देन नहीं, इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद लीगल और इलीगल। तो ये वो इलीगल कर रहा है, लीगल कर रहा है, हमको कोई लेन देन नहीं। हमारा मतलब क्या है, डोरमेंट कंपनी भी बना के अगर उसने टैक्स सेव किया है, हम टैक्स तो लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, पेनल्टी भी लेंगे। हाँ क्लबिंग 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 इनकम है सेक्शन 45 सबसेक्शन 4। जब पार्टनर रिटायर होता है और फर्म से उसको पैसा मिलता है तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल करते, कैपिटल गेन में डिस्कशन है, डजंट मैटर, हमारे को उससे फर्क नहीं पड़ता, इनकम है टैक्सेबल है, डजंट मैटर। हमारे को तो लीगल और इलीगल से लेन देन ही नहीं है ना, तो इवन इफ इट इज एन एस्टॉपल के थ्रू बट वो टैक्सेबिलिटी में आएगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट का बजट इंडिविजुअली बनता है, नेशनल लेवल पे प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, तो स्टेट बजट में डिस्कस होगा, नेशनल बजट में डिस्कस नहीं होगा। स्टेट का मैटर है, महाराष्ट्र एसटी का हरियाणा वाले काय को सुने? पर रेलवे नेशनल सब्जेक्ट के अंदर में आता है, ट्रेन यहां पे भी चलती, दूसरे स्टेट में भी चलती, तो रेलवे तो उनको सामने लाना ही पड़ेगा ना, महाराष्ट्र की वेबसाइट पे। हाँ बिल्कुल, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अंडरस्टैंड, हम 4 लोगों ने पैसे लिए, 500 500 500 500, हमने बोला गोवा जाना है, मेरे पास 3ों ने जमा करवाए, मेरे पास टोटल 2000, मेरे भी 500 मिला के, मेरे लिए इनकम होगी क्या? नहीं। तो मैं इसको रिसीट एक्सपेंडिचर बनाऊंगा, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है इसका। मैं इसका रिसीट अकाउंट बनाया, जितना जितना पैसा खर्चा हुआ वो ले लिया, जो बैलेंस बचा एंड में सबको डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया। व्हाई देयर इज एन इनकम और अदर कंसेप्ट? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देते ना हम, बिल वापस रिटर्न कर देंगे। बोलो बेटा। सर,
अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है, कैश सेल्स रिकॉर्ड भी होता है और नहीं भी होता है। कैश सेल्स रिकॉर्ड हो गया तो इनकम में आ गया, कैश सेल्स अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो बुक्स में वो स्टॉक ही दिखता रहता, पर एक्चुअली वो स्टॉक बिक चुका होता है। अंडरस्टैंड। तूने 5 लाख के कपड़े खरीदे, ठीक है, 1 लाख का कपड़ा कैश में सेल कर दिया, बराबर है। और सपोज ये 1 लाख तू बिजनेस में नहीं दिखाना चाह रही, पहले परचेस किया, उसकी जर्नल एंट्री क्या पास हुई, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, स्टॉक में दिख रहा होगा ये ओपनिंग स्टॉक में। इसमें से 1 लाख का गुड्स जो है ये तूने बेच दिया, कैश कलेक्ट कर लिया, बिजनेस में भी नहीं लाया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब तू सेल ही रिकॉर्ड नहीं कर रही तो स्टॉक तो एज इट इज ही दिखेगा ना, रियल लाइफ में वो स्टॉक दुकान में नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ा हुआ होगा। सो इट्स अ फेक स्टॉक विच इज शोइंग इन द बुक्स। जिस दिन पकड़ा जाएगा टैक्स भी आएगा, 200% की पेनल्टी भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा 12% से। क्या चीज? हाँ, तो फिर कैश में ही परचेस करो ना पूरा का पूरा। जब आपने कैश में परचेस किया पूरा तो रिकॉर्डिंग में नहीं आई, एक मिनट, उसमें रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई और सेल भी नहीं हुआ। इसीलिए धंधा में परचेसेस भी फिर आय से किया जाता है कैश। जिस दिन पकड़ा पूरी बारात आएगी। हाँ, क्लोज कर। टैक्स 100%।